MCQs on exception handling in Python. Which block lets you test a block of code for errors? आप कौन से ब्लॉक में अपने कोड को एनक्लोज करके मतलब रखकर कौन से ब्लॉक में आप अपने कोड को रखकर ये टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें एरर आ रही है या नहीं आ रही है, राइट? तो आप कौन से जो भी कोड आपको लगता है कि एरर प्रोड्यूस कर सकता है उस कोड को आप कौन से ब्लॉक के अंदर एनक्लोज करते हो, मतलब कौन से ब्लॉक के अंदर आप उसको लिखते हो, आप लिखते हो ट्राई ब्लॉक के अंदर, ओके? जब हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, ओके? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर दिया है प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट एक्स, और ट्राई ब्लॉक को फॉलो कर रहा है एक्सेप्ट ब्लॉक, राइट? और एक्सेप्ट में आपने दिया है प्रिंट एन एक्सेप्शन अकर्ड. अब एक्सेप्ट ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ट्राई ब्लॉक में क्या होगी, एरर होगी, एक्सेप्शन रेज होगा, राइट? अब यहाँ पे देखो प्रिंट एक्स दिया हुआ है, एक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है कि एक्स क्या है, राइट? तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये एरर क्रिएट करेगा, ये एक्सेप्शन रेज करेगा. तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा तो जो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक है उसके पास कंट्रोल जाएगा, और जो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट है प्रिंट एंड एक्सेप्शन अकर्ड, ये क्या होगी, ये एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ओके? ओके, विच एक्सेप्शन रेज्ड व्हेन अ कैलकुलेशन एक्सीड्स मैक्सिमम लिमिट फॉर अ न्यूमरिक टाइप. तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा अगर आपने क्या दिया है, एक न्यूमरिक वैल्यू दी है लेकिन आपने उसकी मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर दिया है, राइट? आपने मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा उस वैल्यू को एंटर करा दिया है, तो यहाँ पे कौन सी एरर, कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा? तो यहाँ पर होगा आपका ओवरफ्लो एरर, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, आपने लिमिट से ज्यादा वैल्यू को इनपुट कराया है, राइट? तो ओवरफ्लो क्या होता है, इट रेज व्हेन अ कैलकुलेशन एक्सीड्स मैक्सिमम लिमिट फॉर अ न्यूमरिक टाइप, ओके? नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव. तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स, राइट? ट्राई ब्लॉक को मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स फॉलो कर सकते हैं, आप ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पे जीरो इज नॉट करेक्ट, वन इज नॉट करेक्ट, ओके? मोर देन वन, मोर देन वन भी क्या है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि वन भी आप ले सकते हो, ओनली वन भी आप यूज कर सकते हो. तो जो परफेक्ट आंसर है वो है डी, मोर देन जीरो, मीन्स आप ट्राई के साथ एक्सेप्ट यूज करोगे ही करोगे, राइट? कि मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. ओके, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड. अब यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है और आपको आउटपुट बताना है. एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू क्या है 8, राइट? एसर्ट कीवर्ड के बाद आपको कंडीशन दी गई है एक्स इज ग्रेटर देन वाई. तो एसर्ट ये क्या है, कंडीशन ट्रू है. एसर्शन एरर कब आती है, जब आपकी कंडीशन क्या होती है फॉल्स, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है ट्रू है, तो एसर्शन एरर क्रिएट नहीं होगी, रेज नहीं होगी, तो ये एरर मैसेज भी आपका डिस्प्ले नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, नो आउटपुट, क्योंकि इसके नीचे तो हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट दी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एरर भी, अगर यहाँ पे ये फॉल्स होती कंडीशन तो आपका आउटपुट आता है एक्स टू स्मॉल, राइट? पर यहाँ पे क्या है, कंडीशन ट्रू है, एसर्शन एरर रेज नहीं हुई है, तो आपका आउटपुट क्या है सी, दैट इज आपका आंसर है सी, दैट इज नो आउटपुट. When will the else part of try except else be executed? जब आप try except else को use करते हो तो else part कब execute होता है, right? तो else part आपका कब execute होता है, जब कोई भी exception नहीं occur करता, right? कोई भी exception raise नहीं होता है, तब try के बाद आपका directly else part execute होता है. तो यहाँ पे कौन सा option correct है, option C, when no exception occurs, right? जब exception raise नहीं होता तो try के बाद directly कौन सा आपका block execute होता है, else block, okay? Now, syntax errors are also known as, syntax error को आप, जो syntax error होती है उनका दूसरा नाम क्या होता है, उनका आप
उनको कहते हैं पार्सिंग एरर्स, राइट। सिंटेक्स एरर को हम पार्सिंग एरर्स भी कहते हैं, ओके। क्योंकि सिंटेक्स एरर कैसे पता चलती है, जब आपका कोड क्या होता है, पार्स होता है। पार्स मींस उसको चेक किया जाता है, ओके। जब उसको पार्स किया जाता है, राइट, उसको चेक किया जाता है, तब सिंटेक्स एरर अकर्स होती है। दैट्स व्हाई सिंटेक्स एरर आर आल्सो नोन एज पार्सिंग एरर, ओके। Now, in Python, we use try and catch for exception handling. Python के अंदर आप try and except block use करते हो, try and catch block आप use करते हो Java में exception handling के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम Python की बात करें, Java की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका answer होगा no. बिकॉज Python में आप try and except block use करते हो, try and catch आप use करते हो Java के अंदर, okay? Can one block of except statement handle multiple exception? अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि except block के अंदर क्या आप multiple exception को specify कर सकते हो, और एक except block क्या multiple exception को handle कर सकता है, okay? तो इसका answer क्या है, yes, कर सकता है। और आप इसको कैसे define करोगे, आप इसको ऐसे define करोगे, yes, like except type error, comma syntax error, comma zero division error, comma, आप इस type से, इस form में आप multiple exceptions को यहाँ पे define कर सकते हो, right? तो एक except block क्या कर सकता है, multiple exception को handle कर सकता है, okay? यहाँ पे आपको इसको list में enclose करने की जरूरत नहीं है, आप simply आप इसको specify कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोमा, राइट। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, डेफ गेट मंथ, गेट मंथ नेम से फंक्शन क्रिएट किया है, और उसमें आप पास कर रहे हो m, राइट। अब इफ m इज स्मॉलर देन 1, अगर m क्या है 1 से स्मॉल है, और या फिर m इज ग्रेटर देन 12, अगर जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो वो क्या है 1 से स्मॉल है या फिर 12 से ग्रेटर है, तो आपका वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज हो जाए और मैसेज आ जाएगा आपके पास इनवैलिड। अब आपने क्या किया, और उसके बाद आप प्रिंट करा दोगे जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो, राइट, m की वैल्यू, ओके। अब आपने क्या किया, गेट मंथ इस फंक्शन को आपने कॉल किया और वैल्यू पास कराई 6, आपने कौन सी वैल्यू पास कराई 6, इसके अंदर 6 पास कराई, तो यहाँ पे देखो 6 क्या होता है 1 और 12 के बीच के अंदर इन बिटवीन आता है, राइट, तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, ओके, और सिंपली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एम की वैल्यू, तो आपका आंसर क्या आएगा 6, ओके। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, आपने लिस्ट ली है 1, 2, 3 उसके एलिमेंट्स हैं, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, फाइन। यहाँ पे आपने इंडेक्स वैल्यू लिए 3, ओके, बट हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, 1 and 2, राइट, ये है आपकी इंडेक्स वैल्यू, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगी, और कौन सी एरर आएगी, इंडेक्स एरर, बिकॉज यहाँ पे आप गलत इंडेक्स दे रहे हैं, ओके। इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो है 2, राइट, तो आपकी कौन सी एरर क्रिएट होगी, यहाँ पे इंडेक्स एरर, बिकॉज यू आर गिविंग रॉन्ग इंडेक्स हियर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड टी, ओके, आपने टी एक आइडेंटिफायर लिया है, टी यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है, लिस्ट है या आप कुछ भी ले रहे हो, ओके, एंड 5, ओके। अब यहाँ पे देखो कौन सी एरर आएगी, कौन सी एरर आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी नेम एरर, बिकॉज आपने डिफाइन नहीं किया है कि टी क्या है, राइट, वी डोंट नो द टी नेम, ओके, तो यहाँ पे कौन सी एरर आएगी, नेम टाइप एरर नहीं है, डेटा टाइप का हमें नहीं, यहाँ पे टी का मतलब डेटा टाइप का कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू का भी नहीं है, इंडेक्स का भी नहीं है, नेम का है, क्योंकि हमें टी नेम नहीं पता क्या है, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड इन पाइथन, तो कौन सा वर्ड है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, ट्राई होता है, ट्राई के बाद आपका एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, फिर आपका फाइनली होता है, एल्स होता है, फिर फाइनली होता है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो क्या है, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड नहीं है, तो आपका ऑप्शन है सी, राइट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड इफ द टाइम मॉड्यूल हैज ऑलरेडी बीन इंपोर्टेड, तो हमारे पास पाइथन कोड है 4 प्लस
थ्री। अब यहाँ पे थ्री क्या है, एनक्लोज है विद इन सिंगल कोट्स, तो ये थ्री क्या बन गया, स्ट्रिंग वैल्यू बन गई। ओके, फोर क्या है, नंबर इंटीजर, और थ्री क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अनसपोर्टेड डेटा टाइप है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी एरर आएगी, यहाँ पे आपकी आएगी टाइप एरर, बिकॉज दे बिलोंग टू द डिफरेंट डेटा टाइप्स, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स विल बी एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज थ्रोन और नॉट, कौन सा ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करता है चाहे एक्सेप्शन रेज हो चाहे ना हो, राइट। तो यहां पे आपका आंसर है फाइनली ब्लॉक, फाइनली हमेशा ही एग्जीक्यूट करेगा चाहे एक्सेप्शन रेज हो, एग्जीक्यूट हो चाहे ना हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो चाहे ना हो, आपका फाइनली हमेशा ही एग्जीक्यूट करता है। और आप फाइनली में क्या करते हो, इंपॉर्टेंट कोड जैसे फाइल क्लोजिंग कोड या जो भी इंपॉर्टेंट कोड है उसको रखते हो जिससे कि वो हमेशा एग्जीक्यूट हो। ओके, Now, it is raised when the requested module definition is not found. ये error कब आती है, जब आपका requested module, okay, क्या है, आपको नहीं मिलता है। फाइन, आपने आप कोई मॉड्यूल क्या करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, लेकिन क्या है, नहीं है वो, या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो इस केस में कौन सी एरर आती है, आपकी इंपोर्ट एरर, कि आप रॉन्ग मॉड्यूल को क्या कर रहे हो, इंपोर्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हो। फाइन, इट इज रेस्ड वेन द यूजर एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। ये एरर कब आती है, जब यूजर क्या करता है, एक्सीडेंटली डिलीट की को प्रेस कर देता है या एस्केप की को प्रेस कर देता है जब एग्जाम क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ड्यू टू विद द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज इंटरप्टेड, जिससे क्या होता है, जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है, वो रुक जाता है, राइट। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब आपने एक्सीडेंटली डिलीट या एस्केप की को प्रेस कर दिया, तो क्या होता है, उसका नॉर्मल प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो क्या होता है, हॉल्ट हो जाता है, रुक जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। तो इस टाइप की एरर को आप क्या कहते हैं, इस टाइप की एरर को हम बोलते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट या फिर कीबोर्ड एरर। ओके, नाउ इट इज रीच्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय द इनपुट फंक्शन। ये एरर कब आती है, जब आप फाइल के एंड पर पहुंच जाते हो लेकिन इनपुट फंक्शन ने उस फाइल से कोई भी डेटा रीड नहीं किया होता है। फाइन, तो इस एरर को हम बोलते हैं एंड ऑफ फाइल एरर, जहां पे इनपुट फंक्शन एंड तक पहुंच जाता है विदाउट रीडिंग एनी डेटा, राइट। वी द कंट्रोल रीच टू द एंड ऑफ द फाइल बट इनपुट फंक्शन डजंट रीड एनीथिंग। नाउ इट इज रीच्ड व्हेन अ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। ये एरर कब आती है, जब आपने लोकल या ग्लोबल वेरिएबल नेम को नहीं डिफाइन किया है, राइट। आपने नहीं बताया है कि कौन सा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है। फाइन, विद इन अ ब्लॉक ये वर्क कर रहा है या फिर ये पूरे प्रोग्राम के लिए है। लोकल क्या होता है, विद इन अ ब्लॉक जो यूज हो रहा है, राइट। और ग्लोबल क्या होता है, विच इज यूज्ड बाय द होल प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे कौन सा एरर क्रिएट होता है, जब आप लोकल या ग्लोबल वेरिएबल नेम को डिफाइन नहीं करते हो, तो यहाँ पे आता है आपका नेम एरर। ओके, What will be the output of the following Python code? इस Python code का output आपको बताना है। यहाँ पे function है def और function का name है foo, okay? आपने try block में एक statement दी print one, okay? Print one. Then you have finally block. उसके बाद आपका finally block है और आपने उसमें statement दी print two, right? अब आपने function foo को call कर दिया। Function foo को यहाँ पे call किया है, right? तो ये इसके अंदर जो भी statements है वो execute होंगी, तो print one आपका print one execute हो जाएगा। और function, इस function के अंदर कोई भी exception raise नहीं हुई है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली प्रिंट आप जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो वन आ गया, और फाइनली तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है तो टू आ गया। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट से आपको वन मिला एंड सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट से आपको टू मिला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको कोड दिया गया है और यहाँ पे आपको आउटपुट बताना है, राइट। टाइप ब्लॉक के अंदर आपको वेरिएबल दिया है x और x में 10 डिवाइडेड बाय 0 की वैल्यू जाएगी, फाइन। अब यहाँ पे देखो 10 को 0 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा, ओके। 0 डिवीजन एक्सेप्शन रेज होगा यहाँ पर, तो एक्सेप्शन जब रेज होगा तो उसे एक्सेप्ट ब्लॉक कैच करेगा, राइट, ओके, हैंडल करेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट के साथ एक्सेप्शन का नेम भी दिया गया है, 0 डिवीजन एरर, फाइन। तो
एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और इसकी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, इसका आउटपुट ये है। फाइन, देखो जब भी कोई नंबर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो आपका जीरो डिवीजन एरर आता है। फाइन, अगर आप जीरो से डिवाइड नहीं करोगे किसी और से करोगे तो इट इज़ फाइन, बट अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो एक्सेप्शन रेज करता है। कौन सा एक्सेप्शन रेज करता है? आपका जीरो डिवीजन एरर। मैं इसको एक बार करके आपको दिखाती हूँ। ओके, एंड शो प्रैक्टिकली भी दिखा देते। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया ए इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 20, राइट। मैंने बी ले लिया यहाँ पे 2, राइट। ओके, ए डिवाइडेड बाय बी, ओके, आपके पास रिजल्ट आ गया 10। अगर मैंने यहाँ पे ए लिया इक्वल्स टू 20, फाइन। आपने बी लिया इक्वल्स टू यहाँ पे 0, ओके, और फिर आपने लिखा ए डिवाइडेड बाय बी, राइट। तो आपका देखो यहाँ पे क्या है, जीरो डिवीजन एरर। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप एक नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन ट्राइंग टू एक्सेस अ नॉन एग्जिस्टिंग इंडेक्स ऑफ अ लिस्ट। जब आप लिस्ट के नॉन एग्जिस्टिंग इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, उस इंडेक्स को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका कौन सा एरर आता है? आपका इंडेक्स एरर आता है, राइट। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने एक लिस्ट वेरिएबल लिया, एल ले लिया नेम, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, 10, 20 एंड 30। मैंने 3 इसमें एलिमेंट्स ले लिए। फाइन, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एल और इंडेक्स वैल्यू देती हूँ आपकी 0, तो आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मैंने दिया एल और इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दे दी 1, राइट, तो आपका 20 आ जाएगा। फाइन, मैंने यहाँ पे दिया L और इंडेक्स वैल्यू दे दी 5, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। तो मेरे कौन सा एरर आएगा? इंडेक्स एरर आएगा। देखो इंडेक्स एरर यहाँ पे आ गया, इंडेक्स एरर। फाइन, तो अगर आप उस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका कौन सा एरर आएगा? इंडेक्स एरर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड डू। तो यहाँ पे आपको कोड दिया गया है, तो और आपको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा इफ कंडीशन रेज वैल्यू एरर इनवैलिड वैल्यू। फाइन, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज हो जाए, राइट और क्या प्रिंट होके आएगा? इनवैलिड वैल्यू। फाइन, तो यहां पे इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा सी, राइट। इट रेजेस अ वैल्यू एरर इफ कंडीशन इज ट्रू, राइट। तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? अगर कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे रेज स्टेटमेंट क्या करता है? रेज स्टेटमेंट इज यूज टू रेज एन एक्सेप्शन इफ अ कंडीशन इज ट्रू। रेज स्टेटमेंट एक्सेप्शन रेज करता है अगर गिवन कंडीशन ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन आर हैंडल्ड बाय द फॉलोइंग कोड। आपके पास कोड दिया गया है और आपको बताना है इस कोड से आप कौन सा एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे देखो ट्राई ब्लॉक में आपका कोड है, एक्सेप्ट में आपका एक्सेप्शन हैंडल किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप खुद से भी एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं इफ कंडीशन इज टू रेज द एक्सेप्शन वैल्यू एरर, राइट। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल एक्सेप्शंस। ऑल एक्सेप्शंस किस लिए? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने सिंपली एक्सेप्ट ब्लॉक दिया है। फाइन, जब आप एक्सेप्ट कीवर्ड देते हो विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एक्सेप्शन टाइप, तो क्या होता है? इट कैचेस ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन। आपने जब एक्सेप्ट कीवर्ड दिया है और कोई एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन या मल्टीपल एक्सेप्शन स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो एक्सेप्ट कीवर्ड जितने भी एक्सेप्शन होते हैं सबको कैच करता है। ओके, ओके, व्हाट आर द एसर्ट स्टेटमेंट डू इन पाइथन। पाइथन में एसर्ट स्टेटमेंट का क्या फंक्शन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, इट रेजेस एन एक्सेप्शन इफ अ गिवन कंडीशन इज नॉट ट्रू। ओके, तो एसर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से आप एक्सेप्शन रेज कर सकते हो अगर गिवन कंडीशन ट्रू नहीं है, गिवन कंडीशन फॉल्स है, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन एक्सेप्शन पाइथन। इनमें से कौन सा पाइथन का बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं है, राइट। ओके, तो इनपुट आउटपुट एरर आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन है, जीरो डिवीजन एरर आपका बिल्ट इन है, फाइल नॉट फाउंड भी बिल्ट इन है। ओके, ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आउट ऑफ बाउंड्स एरर, ये क्या है? ये आपका खुद का क्रिएट किया हुआ एक्सेप्शन है, ये बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं है। ओके, फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो हियर वी हैव द कोड, ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में आपका प्रिंट स्टेटमेंट है हेलो, राइट। उसके बाद क्या हुआ है? आपने एक्सेप्शन को रेज किया है वैल्यू एरर, वैल्यू एरर एक्सेप्शन को एक्सेप्ट ब्लॉक ने कैच किया है। ओके, और उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट है एंड देन फाइनली ब्लॉक है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले आपका प्रिंट होगा हेलो,
क्योंकि यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है. ऑलराइट, आपका प्रिंट हो जाएगा हेलो, उसके बाद आपका रेज होगा वैल्यू एरर. वैल्यू एरर रेज होगा तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वैल्यू एरर रेज्ड. राइट, तो सबसे पहले हेलो आपका प्रिंट होगा, देन वैल्यू एरर रेज प्रिंट होगा, और फाइनली ब्लॉक तो प्रिंट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन रेज हो चाहे ना हो. फाइन, तो आपका गुड बाय प्रिंट होगा. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, हेलो वैल्यू एरर रेज्ड गुड बाय. ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. फाइन, ओके, व्हाट इज द करेक्ट वे टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन. आप एक साथ मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हो, तो आप एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ इन द फॉर्म ऑफ टपल मल्टीपल एक्सेप्शंस को स्पेसिफाई कर सकते हो. राइट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है. आप एक्सेप्ट ब्लॉक में, आप एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ, राइट, इन द फॉर्म ऑफ टपल मल्टीपल एक्सेप्शंस को स्पेसिफाई कर सकते हो. राइट, Which exception is raised for invalid syntax? अगर आपका syntax invalid है तो कौन सा exception raise होगा, तो यहाँ पे आपका syntax error raise होगा. Fine. Okay, तो मैं यहाँ पे आपको syntax error का example दे देती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा print, fine, और आपने यहाँ पे लिखा hello, hello, और देखो मैंने यहाँ पे quotes को enclose नहीं किया है. Fine, तो अगर मैं इसको enter press करती हूँ तो कौन सा error आ गया आपका, syntax error, क्योंकि आपने यहाँ पे syntax correct नहीं लिखा है. Fine, तो अगर syntax correct नहीं है तो आपका syntax error exception raise हो जाएगा. Fine. ओके, हाउ डू यू रेज एन एक्सेप्शन मैनुअली इन पाइथन. अगर आपको पाइथन में किसी भी एक्सेप्शन को मैनुअली रेज करना है तो आप कैसे रेज कर सकते हो, आप रेज एक्सेप्शन नेम. ओके, आप रेज कीवर्ड का यूज करके और अपने एक्सेप्शन का नेम डिफाइन करके उसको रेज कर सकते हो. फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, रेज एक्सेप्शन नेम. आप मैनुअली एक्सेप्शन को कैसे रेज कर सकते हो, ओके, तो प्रैक्टिकली मैं एक बार बता देती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे नम वेरिएबल लिया, ओके, इंट इनपुट, और इनपुट कराते हैं हम लोग यहाँ पर एंटर एनी नंबर अप टू 100. ओके, 100 तक आपको कोई भी नंबर एंटर करना है. राइट, इफ नम इज ग्रेटर देन 100, अगर नम 100 से बड़ा है, अगर आपने जो नंबर एंटर कराया, तो अब यहाँ पे हम खुद का एक्सेप्शन रेज कर रहे हैं, रेज एक्सेप्शन. फाइन, और एक्सेप्शन में आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हो प्रिंट करा दो. जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी नंबर इज आउट ऑफ अलाउड रेंज. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खुद का एक एक्सेप्शन रेज किया है जिसकी प्रिंट जो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज आउट ऑफ अलाउड रेंज. राइट, और अगर एक्सेप्शन रेज नहीं होता है तो एल्स पार्ट दे दिया, एल्स पार्ट में आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे नंबर नंबर इज विद इन द अलाउड रेंज. ओके, नाउ वी विल सेव दिस. आपने इसका नाम A1 कुछ भी देते हैं, हमने A1 दे दिया. सेव हो गया. राइट, और इसको रन कर देते हैं हम. ठीक है, रन कर दिया. F5 कर सकते हो आप. अब जैसे यहाँ पे नंबर है, नंबर अगर मैंने दे दिया 34, राइट, तो नंबर इज विद इन द अलाउड रेंज आ गया. फाइन, अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ, अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ यहाँ पर F5, ओके, और अब मैं यहाँ पर डालती हूँ 120 मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो क्या आ गया, एक्सेप्शन नंबर इज आउट ऑफ द अलाउड रेंज. ठीक है, जो आपने खुद का एक्सेप्शन क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ गया है. फाइन, नेक्स्ट वी हैव, हाउ डू यू कैच स्पेसिफिक एक्सेप्शन इन पाइथन. आप पाइथन में स्पेसिफिक एक्सेप्शन को कैसे कैच करते हो, तो हम स्पेसिफिक एक्सेप्शन को कैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक. राइट, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से आप एक्सेप्शन को कैच करते हो. राइट, नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज एन एक्सेप्शन इन पाइथन. एक्सेप्शन क्या है. फाइन, तो एक्सेप्शन क्या है, एन एरर डेट अकर्स एट रन टाइम. वो एरर जो किस टाइम आती है, जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं. ओके, एंड इट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को रोकती है. फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड.
फाइन। तो यहाँ पे देखो आपके पास लिस्ट है, ओके okay, उसके जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंडेक्स की हेल्प से लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो। फाइन, तो आपने इंडेक्स दिया यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स अगर हम देखें तो 1 का है इंडेक्स 0, 2 का है 1 एंड 3 का है 2। तो इंडेक्स 3 आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका कौन सा एरर आएगा, यहाँ पे इंडेक्स एरर आएगा। फाइन, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपको पाइथन कोड दिया हुआ है यहाँ पे और आपको आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास टी वेरिएबल है और आपको दिया गया है 5, ठीक है, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट 5। अब हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि टी क्या है, ओके okay, लिस्ट है या कुछ और है, राइट ओके okay, तो यहाँ पे टी को पहले डिफाइन ही नहीं किया गया, तो यहाँ पे कौन सा एरर आएगा, आपका नेम एरर आएगा। फाइन, बिकॉज यहाँ पे टी को पहले डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे नेम एरर आएगा। फाइन, ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे आपको पाइथन कोड दिया गया है और आपको आउटपुट बताना है, राइट ओके okay, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन नेम है गेट मंथ, राइट, और उसमें आपने m की वैल्यू पास की है ओके okay? अब देखो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि इफ m इज स्मॉलर देन 1, अगर m 1 से स्मॉल है या फिर 12 से बड़ा है तो एक्सेप्शन रेज हो जाए, कौन सा, वैल्यू एरर, राइट ओके, और प्रिंट हो जाए आपकी m की वैल्यू। अब यहाँ से आपने फंक्शन को कॉल किया और उसमें पास किया है 6, तो आपका यहाँ पे 6 पास होगा, और 6 क्या है, 6 ये जो कंडीशन दी गई है उसको सेटिस्फाई नहीं करता, राइट, 6 1 और 12 की रेंज के बीच में ही है, राइट ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, क्योंकि ना ही 6 1 से छोटा है ना ही 12 से बड़ा है, वो 1 और 12 के बीच में है। फाइन, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट जो है वो है 6, ऑप्शन सी, ओके। Choice questions based on data file handling in Python. So let us start with the first question. What are the binary files used for? Binary files का क्या use है? Binary file में कैसे data को store किया जाता है? In the form of bytes. Okay? तो binary file का क्या use है? We used to store data in binary files in the form of bytes. In the form of stream of bytes. Okay? तो जब आपको large amount of data store करना होता है, उसे आप binary files में store कर सकते हो. Like video files, movie files. Okay? ऑडियो फाइल्स, पिक्चर फाइल्स, तो वो किस टाइप की फाइल्स होती है, बाइनरी फाइल्स, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ओके। नाउ व्हाट इज बाइनरी फाइल मोड फॉर अपेंड। अपेंड के लिए कौन सा मोड यूज किया जाता है, जब आप बाइनरी फाइल को क्या करना चाहते हो, अपेंड करना चाहते हो, बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को अपेंड करना चाहते हो, तो आप यूज करते हो ए बी, ए फॉर द अपेंड एंड बी फॉर द बाइनरी फाइल, राइट। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ बाइट स्ट्रीम बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर कॉल्ड। ये क्या पूछा जा रहा है, वो प्रोसेस जहां पे बाइट स्ट्रीम को अगेन कन्वर्ट किया जाता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, राइट, तो कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है अनपिकलिंग, राइट। पिकलिंग क्या होता है, पिकलिंग के अंदर आप, जैसे मैंने भी बताया, जैसे वीडियो फाइल है, वीडियो फाइल को किस फॉर्म में आप स्टोर करते हो, बाइनरी फॉर्म में, तो वीडियो फाइल को आप फर्स्ट क्या कन्वर्ट करते हो, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उस प्रोसेस को आप बोलोगे पिकलिंग, राइट। लेकिन जब आपको वीडियो देखनी है, राइट, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होके आपके पास आएगी, वो बाइट फॉर्म से ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होके आपके पास आएगी, राइट, बाइट स्ट्रीम से कन्वर्ट हो जाएगी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, जिससे कि आप उसे देख सको, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अनपिकलिंग, राइट। पिकलिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम, राइट, एंड अनपिकलिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ बाइट स्ट्रीम इनटू ओरिजिनल स्ट्रक्चर। Now, which module is used to store data into Python objects with this structure? Python का कौन सा मॉड्यूल यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को किस फॉर्म में स्टोर करने के लिए, स्ट्रक्चर के साथ स्टोर करने के लिए, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे which module is used to store data, कौन सा मॉड्यूल यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट, इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर्म में विद द स्ट्रक्चर, मतलब डेटा भी हो और डेटा स्टोर करते टाइम उसके स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज ना आए, राइट, तो यहाँ पे पाइथन हमें प्रोवाइड करता है पिकल मॉड्यूल, राइट। इट इज यूज टू सेव एनी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर अलोंग विद द डेटा,
राइट right? जैसे यहाँ पे पिकल मॉड्यूल की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, पिकलिंग एंड अनपिकलिंग प्रोसेस को कर सकते हो। पहले अगर आपको पिकलिंग करना है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो बाइट स्ट्रीम में बाय यूजिंग द पिकल मॉड्यूल, फंक्शंस ऑफ द पिकल मॉड्यूल, और ऐसे ही आप अगेन उसको कन्वर्ट कर सकते हो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ओके तो यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं हम, पिकल मॉड्यूल का यूज करते हैं। पिकल मॉड्यूल आपको डंप एंड लोड टू फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप पिकलिंग एंड अनपिकलिंग प्रोसेस कर पाते हो। फाइन, नाउ व्हाट इज पिकल डॉट डंप, अभी मैंने बताया था डंप फंक्शन के बारे में। ओके तो डंप फंक्शन का क्या यूज होता है, डंप फंक्शन इज यूज टू स्टोर द ऑब्जेक्ट डेटा टू द फाइल। डंप फंक्शन की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में स्टोर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपका लिस्ट हो, टपल हो, कोई पाइथन का ऑब्जेक्ट हो, राइट right? या फिर अभी मैंने एग्जांपल दिया था पिक्चर फाइल्स, मूवी फाइल्स, उसको फर्स्ट आप किस फॉर्म में कन्वर्ट, यहाँ पे हम पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लाइक आपका लिस्ट हो गया, टपल हो गया, राइट right? तो आप उसको किस फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में बाइनरी फाइल में स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे पिकल डॉट डंप फंक्शन का क्या यूज है, टू राइट डेटा इन द फाइल इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। अंडरस्टूड, डंप फंक्शन की हेल्प से आप फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हो। ओके उसको स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। ओके नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर आप को पिकल मॉड्यूल यूज करना है, राइट तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे, तो हम यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट पिकल स्टेटमेंट का यूज। राइट नाउ विच इज द वैलिड सिंटेक्स टू राइट एन ऑब्जेक्ट ऑन टू अ बाइनरी फाइल ओपन्ड इन द राइट मोड। तो यहाँ पे ये पूछा है कौन सा वैलिड सिंटेक्स है, करेक्ट सिंटेक्स है डेटा राइट करने के लिए बाइनरी फाइल के अंदर। ओके जब आपकी फाइल ओपन है किस मोड में, राइट मोड में। फाइन तो यहाँ पे आपका कौन सा सिंटेक्स करेक्ट है, आपका सिंटेक्स करेक्ट है ए, पिकल डॉट डंप, डंप फंक्शन का यूज किया जाता है डेटा को राइट करने के लिए, ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न, जो भी आपको ऑब्जेक्ट राइट करना है फाइल के अंदर, ओके लिस्ट टपल जो भी आप दे रहे हो वो ऑब्जेक्ट, एंड फाइल हैंडल ऑफ ओपन फाइल। ओके तो सिंटेक्स क्या है, पिकल डॉट डंप, डंप किसका फंक्शन है, पिकल मॉड्यूल का, और इसके अंदर आप क्या पास करोगे, जो डेटा आप राइट करना चाहते हो एंड फाइल हैंडल। फाइन ओके नाउ Which method is used for object serialization? पिकलिंग के प्रोसेस को सीरियलाइजेशन भी कहा जाता है। ओके तो यहाँ पे पिकलिंग, which method is used for object serialization, कौन सा ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, पिकलिंग। राइट इस पूरे प्रोसेस को, जो पिकलिंग का प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट इन टू बाइट्स। ओके इसको क्या बोलते हैं, पिकलिंग प्रोसेस, और इस पिकलिंग प्रोसेस को सीरियलाइजेशन भी कहा जाता है। फाइन नो विच मेथड ऑफ पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, राइट राइट करने के लिए हम डंप मेथड का यूज करते हैं। ये देखो आपका डंप मेथड का यूज होता है अगर आपको बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करना है, और अगर आपको क्या करना है, रीड करना है बाइनरी फाइल से डेटा को, तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, आप लोड फंक्शन का यूज करोगे। अंडरस्टूड, बाइनरी फाइल के अंदर डेटा अगर राइट करना है, उसमें स्टोर करना है, तो डंप फंक्शन का यूज होगा, और अगर बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करना है तो लोड फंक्शन का यूज होगा। और लोड फंक्शन क्या करता है, बाइट स्ट्रीम को कन्वर्ट कर देता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, सो डेट यू कैन रीड दैट डेटा। फाइन नाउ विच मेथड इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट डी सीरियलाइजेशन, ऑब्जेक्ट डी सीरियलाइजेशन क्या होता है, जहां पे बाइट स्ट्रीम कन्वर्ट हो जाती है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम अनपिकलिंग भी कहते हैं। तो पिकलिंग का एक दूसरा नाम सीरियलाइजेशन है, और अनपिकलिंग का एक दूसरा नाम डी सीरियलाइजेशन है, इसको आपको याद रखना होगा। फाइन नाउ Which of the following is the correct syntax to read from a file using load function? Load function मतलब load function का क्या use होता है? इससे आप data को read करते हो binary file से। तो इसका syntax क्या है? Read करने का syntax क्या है? Object equals to pickle dot load. Load function आपका किस कहाँ से आता है? Pickle module का function है ये. Okay. Pickle dot load
फाइल हैंडल, इसमें उस फाइल का आप हैंडल पास करोगे जिसको आप रीड करना चाहते हो। और रीड डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट, जो भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसमें जाके आपका रीड डेटा स्टोर हो जाएगा, जो भी आप, और आपको अगर उसको प्रिंट कराना है तो आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा दोगे। ओके, नाउ विच मेथड ऑफ पिकल मॉड्यूल इज यूज टू राइट ऑन टू अ बाइनरी फाइल, तो इसको हमने अभी किया है, कौन सा मेथड यूज होता है बाइनरी फाइल में रिटर्न प्रोसेस के लिए, आपका डंप मेथड, और रीड करने के लिए कौन सा होता है लोड मेथड, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मोड्स ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ इन द बाइनरी फाइल, अगर आपको बाइनरी फाइल को ओपन करना है किस मोड में, रीडिंग एंड राइटिंग, आप रीड भी कर सको राइट भी कर सको, तो आप कौन से मोड का यूज करोगे, कौन से एक्सेस, फाइल एक्सेस मोड का यूज करोगे, आप करोगे आरबी प्लस, राइट। कौन सा मोड, आरबी प्लस, जो आपको जो बाइनरी फाइल को क्या किस मोड में ओपन करता है, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ मोड, राइट। Now, which of the following file modes that open a file for reading and writing both, and ऐसा कौन सा मोड है जो फाइल को ओपन करता है रीडिंग में और राइटिंग में, ठीक है, एंड ओवर राइट द एग्जिस्टिंग फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट, और अगर फाइल पहले से ही प्रेजेंट है और उसमें पहले से ही कुछ डेटा लिखा हुआ है तो क्या होगा, जो आपने न्यू डेटा रिटर्न किया, राइट किया है, वो क्या कर देगा, प्रीवियस डेटा को ओवरराइट कर देगा, मतलब प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाएगा और न्यू डेटा आपका आ जाएगा फाइल के अंदर, अगर आपकी पहले से फाइल है और उसमें कोई डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है और ऑलरेडी रिटर्न है, ओके। और अगर नहीं है, फाइल नहीं है, तो क्या होगा, अदरवाइज क्रिएट अ न्यू फाइल, तो ये एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है ये मोड, ओके, और आप उसके अंदर डेटा राइट कर सकते हो। तो कौन सा होगा ये वाला मोड, आपका है WB प्लस, राइट, ये वाला मोड। यहाँ पे आपके किस मोड में आपकी फाइल ओपन होगी, रीड एंड राइट बोथ मोड में होगी, अगर फाइल पहले से प्रेजेंट है और उसमें कुछ लिखा हुआ है तो वो डेटा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा न्यू डेटा से, फाइन, और अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो ये न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा, ओके। Now, which of the following file modes will not delete the existing data in binary file? ऐसा कौन सा मोड है जो डेटा को डिलीट नहीं करेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा को डिलीट नहीं करेगा, ओके, बाइनरी फाइल में, तो ऐसा हमारा कौन सा मोड होता है, ऐसा हमारा होता है अपेंड मोड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी, बी फॉर द बाइनरी फाइल एंड ए फॉर द अपेंड मोड, राइट। अगर आप अपेंड मोड में अपनी फाइल को ओपन करोगे तो वहां पे आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा, और जो आप न्यू डेटा ऐड करोगे वो क्या होगा, पुराने डेटा के एंड से क्या ऐड हो जाएगा, ओके। टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट F1 वी यूज, अगर हमें क्या करनी है, फाइल के अंदर नेक्स्ट लाइन को रीड करना है, और फाइल ऑब्जेक्ट हमारा क्या है F1, हम क्या यूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन यूज यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे फाइल हैंडल F1.readline, ओके, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, F1.readline। readline फंक्शन का क्या यूज होता है, इट रीड्स वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल, एक बार में ये एक कंप्लीट लाइन को रीड करती है, ओके, कहां तक, जब तक कि उसे न्यू लाइन करेक्टर नहीं मिल जाता। न्यू लाइन करेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यू लाइन का करेक्टर यहाँ पे एंड ऑफ द लाइन, ओके, नाउ एंड ऑफ द लाइन, ओके। तो F1.readline फंक्शन क्या करता है, 1 by 1 लाइन्स को रीड करता है, तो अगर आपको नेक्स्ट लाइन रीड करनी है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, F1.readline फंक्शन, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू है, व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इफ इट डजंट एग्जिस्ट एन एरर अकर्स, अगर आप किसी फाइल को रीडिंग मोड, रीड मोड में ओपन करते हो और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी, ओके, क्योंकि आपने रीड मोड में ओपन किया है, उस अगर फाइल है ही नहीं तो आप क्या रीड करोगे, फाइन, तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ट्रू है। नाउ नेक्स्ट, When you open a file for writing, if the file doesn't exist, a new file is created. जब आप write mode में file को open करते हो और file पहले से present नहीं होती तो एक new file open हो जाती है जिसमें आप data को write कर सकते हो, ये भी correct है, okay? अगर आप writing mode में open करते हो, file पहले से exist नहीं करती तो क्या होता है, new file, जो भी आप name लिखते हो उस name से एक file create हो जाती है,
सेकेंड भी आपका ट्रू है. नाउ व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इफ द फाइल एग्जिस्ट द एग्जिस्टिंग फाइल कंटेंट इज ओवर रिटन. अगर आप फाइल को राइट मोड में ओपन करते हो और उस फाइल में ऑलरेडी डेटा है तो क्या होता है, न्यू डेटा से पुराना डेटा ओवर राइट हो जाता है, मतलब पुराना डेटा डिलीट हो जाता है और न्यू डेटा उस फाइल में स्टोर हो जाता है. ओके तो हमारा सी भी करेक्ट है. तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे ही ट्रू है, तो हम क्या चूज करेंगे, ऑल ऑफ दीज. राइट नाउ अ फाइल मेंटेन्स अ डैश व्हिच टेल्स द करेंट पोजीशन इन द फाइल वेयर राइटिंग और रीडिंग विल टेक प्लेस. फाइल क्या मेंटेन करती है जिससे हमें पता चलता है कि अभी करेंट पोजीशन क्या है. तो यहाँ पे हमारा आंसर है फाइल पॉइंटर. अ फाइल मेंटेन्स अ फाइल पॉइंटर. फाइल पॉइंटर एक क्या होता है, ये आपका फाइल पॉइंटर होता है. ओके कर्सर विच टेल्स द करेंट पोजीशन, जो आपको फाइल की करेंट पोजीशन बताता है कि कहां पर है, अब आप कहां से रीडिंग कर सकते हो, कहां से आप राइटिंग कर सकते हो. ओके द डिफॉल्ट फाइल ओपन मोड इज, अगर आप फाइल को ओपन करते हो और आप कोई भी मोड नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट किस मोड में फाइल आपकी ओपन होती है, आपकी फाइल ओपन होती है रीड मोड में. ओके अगर आपने कोई भी फाइल मोड एक्सेस ओपन फाइल ओपन मोड नहीं डिफाइन किया है कि किस मोड में आप फाइल को ओपन कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड में ओपन होती है, सो दैट यू कैन रीड डेटा फ्रॉम द फाइल. राइट इन फाइल हैंडलिंग व्हाट डज आर एंड ए मीन. फाइल हैंडलिंग जब आप करते हो तो ये जो फाइल एक्सेस मोड्स दिए हुए हैं उसमें आर और ए का क्या मीनिंग होता है, तो हमारा आर का मीनिंग होता है रीड एंड ए का मीनिंग होता है अपेंड. रीड मतलब रीड डेटा एंड अपेंड मीन्स जॉइन डेटा फ्रॉम द लास्ट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर. ओके नाउ विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इन अ फाइल. आप कौन से फंक्शन का यूज करते हो स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को फाइल में लिखने के लिए, स्टोर करने के लिए. मतलब आपके पास क्या है, डेटा किस फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में है और लिस्ट में डेटा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है. तो यहाँ पे हम यूज करते हैं राइट लाइंस फंक्शन का. ओके और यू कैन से राइट लाइंस मेथड का. वो क्या करता है, इट राइट्स द आइटम ऑफ द लिस्ट टू द फाइल. ये क्या करता है, लिस्ट के जो आइटम्स है मतलब लिस्ट में जो स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं उसको फाइल के अंदर राइट करता है. ओके इट राइट्स ऑल स्ट्रिंग इन द लिस्ट एज लाइंस टू द फाइल. और जो ये स्ट्रिंग्स होते हैं, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, वो किस फॉर्म में आते हैं, वो फाइल्स में स्टोर होते हैं एज लाइंस. ओके वन स्ट्रिंग एज वन लाइन, सेकेंड स्ट्रिंग एज सेकेंड लाइन, लाइक दिस. ओके एवरी फाइल हैज इट्स ओन आइडेंटिटी एसोसिएटेड विद इट विच इज नोन एज. जितनी भी फाइल्स होती है उनकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है, मीन्स वो किस टाइप की फाइल है, लाइक वो MP4 फाइल है. ओके वो मल्टीमीडिया फाइल्स हैं या वो PPT है या वो टेक्स्ट फाइल है, राइट या वो डॉक्यूमेंट फाइल है. ओके HTML फाइल है. तो ये कैसे पता चलता है कि वो किस टाइप की फाइल है, वो हमें पता चलता है उसकी एक्सटेंशन से कि वो किस फाइल किस टाइप की फाइल है, .txt फाइल है या .dat फाइल है, बाइनरी फाइल है, राइट ये हमें किसी पता चलता है एक्सटेंशन से. नाउ EOL स्टैंड्स फॉर, EOL क्या होता है, एंड ऑफ लाइन. राइट एंड ऑफ लाइन इसका हम यूज करते हैं, EOL करेक्टर, एंड ऑफ लाइन करेक्टर. Now, which of the following file types allows to store large data files in the computer memory? ये मैंने अभी बताया था, अगर आपको large data files store करनी है तो आप किस टाइप की files का use करते हो, आप use करते हो binary files का, जिसके अंदर आप large amount of data store करते हो कर सकते हो. इसलिए हमारी video files, audio files किस form में store होती है, binary form में store होती है, binary files में store होती है. Okay? In F equals to open myfile.txt. यहाँ पे F क्या है, आपका फाइल हैंडल. नेम ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज, फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल हैंडल भी कहा जाता है. तो यहाँ पे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट और यू कैन से फाइल हैंडल क्या है, F है. राइट ये क्या होता है, ये आप इस पर्टिकुलर जो फाइल हैंडल होता है वो फाइल से लिंक हो जाता है. तो आप फाइल से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हमें करने हैं वो हम फाइल हैंडल की हेल्प से कर सकते हैं, लाइक फाइल डॉट एफ डॉट क्लोज से आप फाइल को क्लोज कर सकते हो. राइट और भी आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हो बाय यूजिंग द फाइल हैंडल. ओके नाउ डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन करेक्टर इन पाइथन, जो पाइथन में एंड ऑफ लाइन करेक्टर यूज किया जाता है वो डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन करेक्टर क्या है, आपका न्यू लाइन करेक्टर.
okay. Now, what is the first thing to do before performing any function on a text file? आपको text file पे कोई भी function करने से पहले सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमें file को open करना होता है, तभी आप function कर सकते हो जो भी आपको इसके ऊपर करना है, right? Read, write, append, जो भी function करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या requirement है? You need to open the file. What is a file object? File object क्या है? File object अभी मैंने आपको बताया था, it is a link to the file and by using the file object you can perform different functions on the file. Okay? तो यहाँ पे आपका कौन सा option correct है? It serves as a link to the file. File object क्या है? Link है. File से जो आप create करते हो. Okay? Now next we have What does the prefix r in front of a string do? Prefix r हम कब लगाते हैं? जब हम चाहते हैं कि हम जो address दे रहे हैं फाइल का, उसके अंदर हमें क्या करना पड़े? हम single slash का use करें, मतलब जो original जो उसका URL या path होता है उसका use करें, double slash हमें ना लगाना पड़े. तो हम क्या करते हैं? Path के आगे हम लगा देते हैं r. फाइन, पाथ के आगे आप क्या लगा देते हो? आर. तो आर से क्या होता है? आर इट मेक्स द स्ट्रिंग अ रो स्ट्रिंग. ये एड्रेस में जो स्ट्रिंग आता है उसको रो स्ट्रिंग बना देता है. जैसे हम डबल स्लैश क्यों लगाते थे? जैसे आप अगर स्लैश टी लिख रहे हो, टी से आपका कुछ नेम है तो क्या हो जाएगा? उसे टैब कंसीडर कर देगा, स्लैश एन को ये न्यू लाइन करेक्टर कंसीडर कर देगा. तो यहाँ पे वो इसको कोई भी करेक्टर कंसीडर ना करे, इसको एक सिंपल रो स्ट्रिंग कंसीडर करे जहां पे किसी भी करेक्टर का कोई मीनिंग नहीं है. ओके तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं? आर लगा देते हैं. कहां पे? पास से पहले. ओके तो ये क्या बना देता है? इट मेक्स द स्ट्रिंग अ रो स्ट्रिंग. फाइन. नाउ अ फाइल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, फाइल ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या है? फाइल हैंडल. राइट. विच इज नॉट अ करेक्ट फाइल मोड फॉर टेक्स्ट फाइल. यहाँ पे बताना है कि कौन सा मोड करेक्ट नहीं है. ओके तो आपका कौन सा मोड करेक्ट? यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारा? ए. ए क्या होता है? अपेंड मोड. इट ओपन्स द फाइल इन अपेंड मोड, जहाँ पे आप डेटा को अपेंड कर सकते हो. राइट. सेकंड क्या है आपका? ए आर. ए आर क्या है? कोई भी फाइल एक्सेस मोड नहीं है. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था विच इज नॉट अ करेक्ट फाइल मोड, तो ये करेक्ट नहीं है. ए से आप अपेंड करते हो. राइट. और ए प्लस से क्या करते हो? आप क्या करते हो? ओपन फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड. ए प्लस का क्या मतलब है? आप फाइल को रीड प्लस अपेंड मोड में ओपन कर रहे हो. आप रीड भी कर सकते हो डेटा को और डेटा को अपेंड भी कर सकते हो. ओके एंड आर प्लस का जो आपका मोड है उसका क्या मीनिंग है? यू कैन ओपन द फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड. आप डेटा को रीड भी कर सकते हो फाइल से और राइट भी कर सकते हो उसके अंदर डेटा. फाइन. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है ए आर. नाउ हाउ टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन राइट एंड रीड मोड. आप टेक्स्ट फाइल को राइट एंड रीड मोड में कैसे ओपन करोगे? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है आर प्लस. राइट. तो ये क्या करेगा? आपकी फाइल को ओपन करेगा रीड एंड राइट मोड में. ओके. ए प्लस का मैंने बता दिया था अपेंड एंड रीड मोड में ओपन करता है. डब्ल्यू आर का कोई मीनिंग है नहीं. एंड डब्ल्यू बी क्या होता है? बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन करेगा. तो आपको अगर टेक्स्ट फाइल को रीड एंड राइट मोड में ओपन करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस मोड है आर प्लस. नाउ सिंटेक्स ऑफ क्लोजिंग अ फाइल. फाइल को अगर आपको क्लोज करना है तो क्या सिंटेक्स है? तो आपके पास है फाइल हैंडल और यू कैन से फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन, दिस वन. ओके. फाइल हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन. तो कोई भी फाइल हैंडल, मान लो फाइल हैंडल आपका एफ है, तो एफ डॉट क्लोज. फाइन. विच मेथड कैन नॉट बी यूज टू रीड फ्रॉम फाइल्स. इनमें से कौन सा मेथड है जो फाइल में से रीड डेटा नहीं करता है? तो सबसे पहले हमारे पास है रीड फंक्शन. रीड फंक्शन का यूज किया जाता है फाइल से डेटा को रीड करने के लिए. ओके. अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ बाइट्स पास करते हो तो उतने बाइट्स आपके पास आ जाते हैं. अगर आपने 10 बाइट्स पास किया तो 10 बाइट्स ये रीड करके दिखा देगा. अगर आपने इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो ये कंप्लीट फाइल रीड करके शो कर देगा, राइट, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. ओके. नेक्स्ट हमारे पास है रीड लाइन्स. राइट. रीड लाइन्स क्या करता है? इट रीड्स ऑल द लाइन्स, जितनी भी लाइन्स होती है उनको रीड कर लेता है एंड रिटर्न्स द लाइन्स अलोंग विद द न्यू लाइन एज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट. राइट. तो ये क्या करेगा? पूरी फाइल को रीड करके उसको किस फॉर्म में आपको शो करेगा? इन द फॉर्म ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ जितनी भी लाइंस होंगी वो क्या बन जाएंगी, एलिमेंट्स बन जाएंगी, किसकी, लिस्ट की, लिस्ट एलिमेंट्स की फॉर्म में आपको शो कर देगा. ओके, एक डी ऑप्शन क्या है आपका, रीड लाइन. रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, एक टाइम पर एक लाइन को रीड करता है. अगर आपको उस लाइन में से कुछ बाइट्स को रीड कराना है तो वो नंबर ऑफ बाइट्स आप इसके अंदर पास कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारे पास रीड, रीड लाइंस एंड रीड लाइन फंक्शन का की हेल्प से आप डेटा को रीड कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, रीड लाइंस और फाइल नेम, ये क्या है, ये इनवैलिड मेथड है. इस ऐसा कोई मेथड होता ही नहीं रीड करने के लिए. ओके, तो क्वेश्चन था विच मेथड कैन नॉट बी यूज टू रीड फ्रॉम फाइल, तो यहाँ पे हमारा है रीड लाइंस, फाइल नेम. ओके, नाउ रीड लाइंस गिव्स द आउटपुट एस, अभी मैंने आपको बताया जो रीड लाइंस फंक्शन होता है पूरी फाइल को रीड करता है और किस फॉर्म में आपको आउटपुट देता है, लिस्ट की फॉर्म में आपको आउटपुट देता है, जहां पे जो फाइल की जो लाइंस होती हैं वो क्या बन जाती हैं, लिस्ट एलिमेंट बन जाती हैं. नाउ व्हेन रीडिंग अ फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट, व्हाट मेथड इज बेस्ट फॉर रीडिंग द एंटायर फाइल इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग, जब आप फाइल को रीड कर रहे हो फाइल ऑब्जेक्ट से, तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे जो पूरी फाइल को रीड कर ले एक बार में इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रिंग. तो यहाँ पे हम यूज करते हैं रीड फंक्शन, जो फाइल को रीड कर, कंप्लीटली फाइल को रीड कर देता है एज अ सिंगल स्ट्रिंग. ओके, विच फंक्शन ब्रेक्स द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑन द डिस्क, कौन सा फंक्शन आप यूज करते हो क्या करने के लिए, फाइल ऑब्जेक्ट का लिंक ब्रेक करने के लिए. ओके, एंड फाइल को क्लोज करने के लिए, राइट. विच फंक्शन ब्रेक द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑन द डिस्क, कौन से फंक्शन का आप यूज करोगे, तो यहाँ पे हम क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं. क्लोज फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फाइल हैंडल का और यू कैन से फाइल ऑब्जेक्ट का फाइल के साथ लिंक ब्रेक कर सकते हो, राइट. ओके, नाउ सो डेट जो अभी फाइल हैंडल है वो किसी और फाइल के लिए यूज हो सके, राइट. नाउ थर्ड, यहाँ पे विच मोड इज यूज टू रिटेन इट्स प्रीवियस डेटा एंड अलाइन टू एड न्यू डेटा, कौन सा मोड आप यूज करते हो जिससे कि आपका डेटा ओवरराइट ना हो, वो रिटेन हो, राइट, वो रहे और आप उसमें न्यू डेटा भी एड कर सको. तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अपेंड मोड. अपेंड मोड में आपका डेटा ओवरराइट नहीं होता है और आप न्यू डेटा भी ऐड कर सकते हो, राइट. नाउ विच फंक्शन फोर्सेस द राइटिंग ऑफ डेटा ऑन द डिस्क स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर, आप कौन से फंक्शन की हेल्प से डेटा को बफर, जो डेटा बफर में स्टोर होता है उसको डिस्क पर स्टोर करवा सकते हो. जब आप फाइल में डेटा राइट करते हो तो डायरेक्टली स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोर नहीं होता है, वो पहले कहाँ स्टोर होता है, बफर में स्टोर होता है. ओके, लेटर ऑन जब आप फाइल को क्लोज कर देते हो तब वो बफर से कहाँ जाके स्टोर होता है, डिस्क में जाके स्टोर होता है. तो अगर आप पहले चाहते हो, क्लोज फंक्शन से पहले ही चाहते हो कि पूरा डेटा बफर से निकल के डिस्क में स्टोर हो जाए, तो इसके लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, इसके लिए आप फंक्शन का स्टोर, आप फ्लश फंक्शन का यूज करोगे. फ्लश फंक्शन के हेल्प से जो बफर का डेटा होता है वो डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है, फाइन. और अगर आप बफर, फ्लश फंक्शन का यूज नहीं करते हो तो डेटा क्या रहता है, बफर में ही रहता है, अगर आप जब तक फाइल क्लोज नहीं होती है तब तक. ओके, सिंटेक्स फॉर फ्लश फंक्शन इज, फ्लश फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, फ्लश फंक्शन का सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश, राइट. ओके, योर सी ऑप्शन, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश. यहाँ पे जो अगर फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल आपका एफ है तो आप लिखोगे एफ डॉट फ्लश फंक्शन, फाइन. नाउ विच फंक्शन रिटर्न्स द एंटायर कंटेंट इन अ लिस्ट वेयर ईच लाइन इज वन आइटम ऑफ द लिस्ट, ये मैंने अभी आपको बताया था. कौन सा फंक्शन आपका क्या करता है, डेटा रीड करता है, ओके, किस फॉर्म में आपके पास डेटा आता है, लिस्ट की फॉर्म में, जहां पे फाइल्स की जो लाइंस होती हैं वो लिस्ट कंटेंट की फॉर्म में आपके पास रीड होके आती हैं. तो यहाँ पे कौन से फंक्शन ऐसा करता है, ये आपका करता है रीड लाइंस, राइट. फिर से देखो, विच फंक्शन रिटर्न्स द एंटायर कंटेंट, एंटायर फाइल कंटेंट इन अ लिस्ट, पूरी फाइल का कंटेंट किस फॉर्म में आपके पास आता है, लिस्ट की फॉर्म में, जहां पे क्या है, ईच लाइन इज वन आइटम ऑफ द लिस्ट, जो फाइल्स की जितनी भी लाइंस होती हैं वो लिस्ट आइटम्स बन जाती हैं. ये बन जाएगा आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, लाइक दिस. ओके,
द पोजिशन ऑफ ए फाइल पॉइंटर इज गवर्न बाय द, आपके फाइल पॉइंटर की पोजिशन कौन डिसाइड करता है, आपका फाइल मोड डिसाइड करता है. फाइन, अगर आपका रीड मोड में आप ओपन कर रहे हो या राइट मोड में ओपन कर रहे हो, तो कहाँ पे पॉइंटर होगा, इन द बिगनिंग ऑफ द फाइल. ओके, एट द पोजिशन जीरो, बिगनिंग को जीरो पोजिशन बोलते हैं. राइट, या फिर अपेंड मोड में अगर ओपन कर रहे हो तो कहाँ पे होगा, एट द एंड ऑफ द फाइल. ओके, एंड ऑफ द फाइल होगा जहां से आप डेटा को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो. इन विच मोड द फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी, अदरवाइज पाइथन रेजेस एन एरर. किस मोड में फाइल का होना जरूरी है, एग्जिस्ट होना जरूरी है, नहीं तो पाइथन क्या करता है, एरर रेज करता है. तो हमारा ये मोड है रीड मोड. अगर हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या होगा, आपके पास एरर आ जाएगी. बिकॉज आप क्या रीड करोगे, अगर फाइल नहीं है तो व्हाट विल यू रीड, राइट. ओके, नाउ इन विच मोड इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड फाइल इज क्रिएटेड. आप किस मोड में ओपन करोगे फाइल में, फाइल को, कि अगर फाइल नहीं है तो वो क्रिएट हो जाए, एरर ना आए पर वो क्रिएट हो जाए, तो वो कौन सा मोड होता है, वो होता है राइट मोड. रीड मोड में अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हो और फाइल प्रेजेंट नहीं है तो एरर आ जाएगी, पर अगर आप राइट मोड में ओपन कर रहे हो और फाइल प्रेजेंट नहीं है तो उस नेम से, जो भी आपने नेम दिया है, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी. फाइन, उस पर्टिकुलर एड्रेस के साथ, राइट. ओके, नाउ इन विच फॉर्मेट डज द रीड फंक्शन गिव द आउटपुट. आउटपुट किस फॉर्मेट में, रीड फंक्शन आपको किस फॉर्मेट में देता है आउटपुट, वो आपको देता है स्ट्रिंग फॉर्म में. ओके, जो भी डेटा रीड करता है किस फॉर्म में रीड करता है, स्ट्रिंग फॉर्म में. Which function is used to write a list of strings in a file? आप कौन से function का use करते हो जब आपको कोई iterable object क्या करना है, write करना है file के अंदर, list of string या list of tuples या dictionary आपको क्या करना है file के अंदर अगर write करनी है, तो आप कौन से function का use करोगे, तो आप use करोगे write lines function का. Okay, ये क्या करता है, it writes item of the list to the file. ये list के items को file के अंदर write करता है. Okay, तो यहाँ पे हम write lines function का यूज करेंगे. विच फंक्शन इज यूज टू राइट ऑल द करेक्टर्स. एक बार में आप सारे ही के सारे करेक्टर्स, जो भी आपने दिया है, जो भी स्ट्रिंग दी है, वो राइट हो जाए, तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, आप यूज करोगे राइट फंक्शन का. ओके, इट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट. ये एज आपके इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग पास करोगे वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, वो कहाँ पे जाके राइट हो जाएगी, वो फाइल में राइट हो जाएगी. ओके, समटाइम्स द लास्ट लैप ऑफ डेटा रिमेन्स इन द बफर. समटाइम्स क्या होता है, आपका डेटा बफर में ही रह जाता है एंड इज नॉट पुश्ड ऑन टू डिस्क, और डिस्क के अंदर स्टोरेज में जाके वो स्टोर नहीं होता है. ओके, अंटिल अ डैश ऑपरेशन इज परफॉर्म. कब तक आपका डेटा बफर में रहता है, जब तक कि आप क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करते हो. आप फाइल हैंडल के साथ क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करते हो तब तक आपका डेटा राइट नहीं होता है फाइल में. जब आप क्लोज फंक्शन का यूज करते हो तो जितना भी डेटा बफर में होता है वो राइट हो जाता है आपकी फाइल में, और यू कैन सी वो स्टोर हो जाता है जहां पे भी आप उसको स्टोर कर रहे हो. फाइन, नाउ इन एफ इक्वल्स टू ओपन. ओके, यहाँ पे हम ओपन फंक्शन में क्या करें, फाइल को ओपन करें जिसका नेम है डेटा डॉट टी एस टी आर. आर रेफर्स टू, आर हमारा क्या है, हमारा है फाइल मोड. ओके, कि आप किस मोड में फाइल को ओपन कर रहे हो, रीड मोड में, तो आर क्या है, रीड मोड है. फाइन, आप इसको एक्सेस मोड भी कहते हो. ओके, नाउ विच फाइल कैन ओपन इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. वो कौन सी फाइल्स होती है जिन्हें आप टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हो और जो ह्यूमन रीडेबल होती है, तो वो हमारी होती है टेक्स्ट फाइल्स, राइट. टेक्स्ट फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन रीडेबल. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसक्यूएल. द पैटर्न, पैटर्न यहाँ पे आपको 3 अंडरस्कोर दिए हुए हैं. द पैटर्न मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ 3 करेक्टर्स. ओके, तो 3 अंडरस्कोर मींस इसमें क्या आएगा, आप कोई भी 3 करेक्टर्स इसके अंदर यूज कर सकते हो. ओके, एंड पैटर्न 3 अंडरस्कोर एंड देन परसेंट मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ 3 करेक्टर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा, जो दो आपके फिलअप्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो द पैटर्न 3 अंडरस्कोर दिया हुआ है तो मतलब 3 करेक्टर्स ही आएंगे, तो क्या होगा, एग्जैक्टली 3 करेक्टर्स, राइट. एंड
नेक्स्ट जो पैटर्न दिया हुआ है अंडरस्कोर परसेंट, तो यहाँ पे क्या है अंडरस्कोर, थ्री अंडरस्कोर है मींस थ्री कैरेक्टर्स आएंगे, एंड परसेंट मींस इसके बाद कोई भी सबस्ट्रिंग आ सकती है और उसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट right? तो यहाँ मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ थ्री कैरेक्टर्स, मतलब लेकिन क्या इसकी जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी, स्टार्टिंग में थ्री कैरेक्टर्स होंगे ही होंगे, परसेंट का मीनिंग कोई भी सबस्ट्रिंग हो सकती है, उसके बाद एक कैरेक्टर और एक्स्ट्रा हो सकता है, दो कैरेक्टर और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, या कितने भी कैरेक्टर और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन थ्री कैरेक्टर्स तो होंगे ही, तो यहाँ पे आएगा एटलीस्ट। समझ आया? या पैटर्न जो दिया हुआ था थ्री अंडरस्कोर दिया हुआ था, तो वहां पे इसका क्या मीनिंग है, एग्जैक्टली थ्री कैरेक्टर्स ही आएंगे इसके अंदर। ओके, जो सेकंड दिया हुआ है आपका थ्री अंडरस्कोर एंड देन परसेंट मींस इसके अंदर थ्री कैरेक्टर्स आएंगे और उसके बाद कोई भी सबस्ट्रिंग आ सकती है, चाहे वो वन कैरेक्टर की सबस्ट्रिंग हो, चाहे टू कैरेक्टर की सबस्ट्रिंग हो, राइट right? तो यहाँ पे होगा एटलीस्ट थ्री कैरेक्टर्स। ओके, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि किस टाइप की स्टेटमेंट है, राइट right? तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ओके, तो क्या हो रहा है, टेबल क्रिएशन हो रहा है जिसका नेम क्या है, एम्प्लॉय, उसके अंदर आपकी फील्ड है नेम एंड आईडी। तो यहाँ पे जो क्रिएट कमांड है वो किसकी कमांड है, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है, राइट right? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन सी कमांड्स होती है, जो टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि हाउ यू विल क्रिएट द टेबल, हाउ यू विल क्रिएट द डेटाबेस, राइट। तो इसका आपका आंसर क्या है, बी, और आपका फर्स्ट का भी था बी, राइट। ओके, नाउ द ऑपरेशन हुज रिजल्ट कंटेन्स ऑल पेयर ऑफ टपल्स फ्रॉम टू रिलेशंस। ऐसा ऑपरेशन जहां पे क्या आ रहा है, आपके पास सारे टपल्स आ रहे हैं, राइट right? और आपने क्या लिए, टू रिलेशन, टू टेबल्स लिए, और उन दोनों टेबल्स की रिकॉर्ड्स, और यू कैन से आपके पास टपल्स रिजल्टेंट टेबल में आ रही है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच। और यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच हो चाहे ना हो, कॉलम की वैल्यू मैच हो चाहे ना हो, ओके, दो टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप हो या ना हो, वो फॉरेन की और प्राइमरी की को फॉलो करते हो ना करते हो, लेकिन ऐसा ऑपरेशन जो यूज कर रहे हो अगर आप दो टेबल्स के बीच में, तो क्या है, आपके पास दोनों टेबल्स की टपल्स का पेयर बन के आए, तो ये कौन सा होता है, ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट right? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग एवरी रो इन वन टेबल विद एवरी रो इन अदर टेबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जितने भी आपके जैसे दो टेबल्स है, लेट अस सपोज, और आप इन दो टेबल को ज्वाइन करें विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो ये आपकी इसके अंदर मान लो थ्री रोज है और इसके अंदर आपकी टू रोज है, फाइन। तो आपकी जो फर्स्ट रो है, ओके, वो इसकी फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होगी, इसकी सेकेंड रो इसकी फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होगी, इसकी थर्ड रो इसकी फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होगी, इन द सेम वे सेकेंड फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो कनेक्ट होगी सेकेंड से, फिर इसकी सेकेंड रो अगेन इसकी सेकेंड से, और फिर इसकी थर्ड रो इसकी थर्ड रो से, राइट। ये मैंने वीडियोस बनाई हुई है इसके ऊपर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, आप देख सकते हो, आप वहां से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो सिंपली क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, एक टेबल की जितनी रोज हैं वो कॉम्बिनेशन क्रिएट करती हैं, कंबाइन होती हैं दूसरी टेबल की रोज के साथ, राइट। ओके, नाउ अ डैश इज प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर रिलेशन विच एंश्योर्स थ्रू इट्स वैल्यू डेट ईच टपल इज यूनिक इन अ रिलेशन। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर, आपको पता है रिलेशन क्या होता है, टेबल, ओके, विच एंश्योर डेट थ्रू इट्स वैल्यू, कि उसकी वैल्यू जो उस पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यूज है, डेट ईच टपल, वो क्या कंसिडर करती है कि जितने भी टपल्स हैं, ओके, उनमें क्या है, यूनिक वैल्यू है। समझ आया? देखो, अ डैश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन विच एंश्योर थ्रू इट्स वैल्यू डेट ईच टपल इज यूनिक इन अ रिलेशन। मींस वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपकी की, जैसे प्राइमरी की है, प्राइमरी की क्या इंश्योर करती है, प्राइमरी की के अंदर जितनी वैल्यूज होती है वो यूनिक होती है, राइट right? और वो एक रिकॉर्ड को या एक टपल को दूसरे टपल से डिफरेंशिएट करती है, जैसे आपने स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर लिया, राइट right? तो अगर आपको क्या करना है, रोल नंबर आपने लिया एज अ प्राइमरी की क्या करेगी, डिफरेंट स्टूडेंट्स विल हैव डिफरेंट रोल नंबर्स, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, इससे क्या है, जितनी भी टपल्स हैं वो यूनिक
होंगी, राइट, वो एक दूसरे से आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो. ओके, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डेटा बीइंग सॉर्टेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी. तो आपको बताना है कि जो डेटा सॉर्ट होके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, राइट. तो आपकी क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर. ओके, तो आप रोल नंबर कॉलम में यूज कर रहे हो ऑर्डर बाय, राइट. अब यहाँ पे देखो आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि असेंडिंग और या डिसेंडिंग, रोल नंबर किस में आए, असेंडिंग में आए या डिसेंडिंग में आए. तो बाय डिफॉल्ट अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ऑर्डर बाय क्लॉज किस ऑर्डर में अरेंज करता है, असेंडिंग में, राइट. तो किस ऑर्डर में आएगा आपका, असेंडिंग में आएगा, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फंक्शन इग्नोर नल वैल्यूज. अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप फंक्शन है जो नल वैल्यू को इग्नोर करता है. तो यहाँ पे हमारे पास मैक्स फंक्शन है जो क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट सम, ये तीनों एग्रीगेट फंक्शन है. तो ये जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, राइट, वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इग्नोर नल वैल्यूज, तो ये तीनों ही इग्नोर करते हैं. तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, राइट, या ऑल ऑफ देम, राइट. नाउ ऑल एग्रीगेट फंक्शन एक्सेप्ट डैश इग्नोर नल वैल्यूज इन देयर इनपुट कलेक्शन. तो अभी मैंने बताया था कि जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते, नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं. लेकिन सिर्फ एक फंक्शन है एग्रीगेट का जो नल वैल्यू को क्या करता है, काउंट करता है, और वो कौन सा फंक्शन है, काउंट स्टार, राइट. ये क्या करता है, इट काउंट्स ऑल रोज इन द टेबल, ये सारी रोज को काउंट करता है इंक्लूडिंग नल और नॉन नल वैल्यूज, चाहे उन रोज में नल वैल्यू हो या नॉन नल वैल्यूज हो. काउंट स्टार्स का अगर आप यूज करते हो तो वो टेबल की कंप्लीट रोज, मतलब जितनी भी रोज है, नल रोज है या नॉन नल रोज है, सबको काउंट करता है, फाइन. नाउ इफ एसक्यूएल विद एसक्यूएल हाउ यू कैन रिटर्न द नंबर ऑफ नॉट नल रिकॉर्ड्स इन द प्रोजेक्ट फील्ड ऑफ स्टूडेंट्स टेबल. तो ये क्या कह रहा है, विद एसक्यूएल, एसक्यूएल के साथ हाउ कैन यू रिटर्न द नंबर ऑफ, आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ नॉट नल रिकॉर्ड्स, मतलब जहां पे वैल्यू नल ना हो ऐसे रिकॉर्ड्स, इन द प्रोजेक्ट फील्ड, प्रोजेक्ट फील्ड में से एक, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल, राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्ट काउंट, ओके, प्रोजेक्ट. अब काउंट क्या है, काउंट है एग्रीगेट फंक्शन, वो नल वैल्यू को काउंट करेगा ही नहीं, राइट. प्रोजेक्ट फील्ड, प्रोजेक्ट कॉलम में से आप निकालो तो आपने किया सिलेक्ट काउंट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट. तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है. अगर आप यहाँ पे, ये तो देखो रॉन्ग है, कॉलम्स तो काउंट करेगा नहीं और कॉलम्स भी नहीं काउंट करेगा. काउंट स्टार में क्या है, वो नल वैल्यू लेगा, राइट. तो यहाँ पे हमें नॉट नल रिकॉर्ड्स चाहिए, तो हम जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट काउंट, और काउंट फंक्शन में आपने प्रोजेक्ट फील्ड को पास कर दिया फ्रॉम टेबल नेम. तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कॉलम के, और यू कैन से प्रोजेक्ट फील्ड के नॉट नल रिकॉर्ड्स को काउंट करके बता देगा. ओके, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ एसक्यूएल क्वेरी. तो अगर आपको नंबर ऑफ रोज काउंट करना है, ओके, अपने टेबल में, राइट, तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट स्टार का. काउंट स्टार का हमने क्यों यूज किया, क्योंकि काउंट स्टार टेबल की और उसको काउंट करेगा, चाहे उसमें नल वैल्यू हो चाहे नॉन नल वैल्यू, राइट. ओके, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, काउंट स्टार फंक्शन का यूज करेंगे, फाइन. Now, consider the following query, right? Select name from class where subject dash null, right? तो यहाँ पे आप देखो which comparison operator may be used to fill the blank space in the above query. तो यहाँ पे null है, तो जब null होता है तो हम क्या करते हैं, equals to use नहीं करते, कि subject equal to null, no, like भी नहीं करते, हम क्या करते हैं, is null or is not null, राइट. तो कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होगा आपका, यहाँ पे नल के साथ हमेशा ही कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है, इज नल और इज नॉट नल, राइट, वैल्यू को फाइंड करने के लिए, कि वैल्यू नल है या वैल्यू नल नहीं है, तो आप यूज करोगे इज नल और इज नॉट नल. ओके, ओके, नाउ Which of the following queries contain an error? तो आपको बताना है कौन सी क्वेरी के अंदर एरर है. तो यहाँ पे हमारा होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, EMP टेबल का नेम होगा, वेयर EMP ID equals to 10003, राइट, ये तो करेक्ट है. सिलेक्ट EMP ID फ्रॉम EMP, वेयर EMP ID इज इक्वल टू दिस, राइट, ये भी करेक्ट है.
सिलेक्ट ई एम पी आई डी फ्रॉम ई एम पी, यहाँ पे ई एम पी आई डी कॉलम आ जाएगा, वहां पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आएंगे आपका रिकॉर्ड्स. ओके नाउ सिलेक्ट ई एम पी आई डी फ्रॉम ई एम पी, सॉरी सिलेक्ट ई एम पी आई डी वेयर ई एम पी आई डी दिस एंड लास्ट नेम दिस. कंडीशन तो दे दी है विद वेयर के साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे टेबल का नेम नहीं दिया है. सिलेक्ट ई एम पी आई डी फ्रॉम ई एम पी वेयर ई एम पी आई डी इक्वल्स टू 1009 एंड लास्ट नेम इक्वल्स टू गुप्ता, राइट. तो यहाँ पे फ्रॉम ई एम पी क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो आपका जो क्या है एरर, इस स्टेटमेंट में आपका एरर है, तो हमें एरर वाला फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा रिजल्ट है. ओके नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन सिलेक्ट क्वेरी. हैविंग क्लॉज का क्या मीनिंग होता है सिलेक्ट क्वेरी में, हैविंग क्लॉज का किस लिए यूज किया जाता है. हैविंग क्लॉज क्या करता है, समरी ग्रुप्स, जो ग्रुप्स बनते हैं टेबल के अंदर, राइट, ग्रुप बाय क्लॉज से जो आप ग्रुप्स बनाते हो, हैविंग क्लॉज उन ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करता है, राइट. तो यहाँ पे टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप्स, यस ये आपका करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पे क्या है, हैविंग क्लॉज का क्या यूज है, हैविंग क्लॉज की हेल्प से आप ग्रुप्स के ऊपर, लॉजिकल ग्रुप्स के ऊपर क्या कर सकते हो, कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हो, राइट, टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप. फाइन, हैविंग क्लॉज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, समरी ग्रुप के अंदर फिल्ट्रेशन कर सकते हो. फिल्ट्रेशन मींस कंडीशन अप्लाई करके रिजल्ट आपको मिल जाएगा. ओके, इफ कॉलम सैलरी कंटेन्स द डेटा सेट दिस 15,000, 25,000, 10,000, 15,000. What will be the output after the execution of the given query? तो हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है जिसकी वैल्यूज है ये, ठीक है. तो आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिया है, कमांड दिया है, उसके एग्जीक्यूशन के बाद क्या रिजल्ट आएगा. तो हम देखते हैं इसको. सिलेक्ट सम, यहाँ पे सम फंक्शन का यूज हो रहा है. डिस्टिंक्ट सैलरी, लेकिन सम सैलरी के साथ कौन सा कीवर्ड यूज किया, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया है. तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा, इट विल इलिमिनेट द डुप्लीकेट वैल्यूज इन द कॉलम सैलरी. जो सैलरी कॉलम है उसके अंदर अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उनको वो क्या कर देगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा, राइट, फ्रॉम एम्प्लॉइज. ओके, तो यहाँ पे देखो 15,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 होगा, अगेन 15,000 आया है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड इसको हटा देगा, तो टोटल आपका आ जाएगा 50,000, राइट. ओके, एसक्यूएल अप्लाइज कंडीशन ऑन द ग्रुप थ्रू, एसक्यूएल को अगर क्या करना है, ग्रुप्स पर कंडीशन को अप्लाई करना है, तो वो डैश क्लॉज आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म, तो ग्रुप बनने के बाद कौन से क्लॉज का यूज करेगा. ये मैंने अभी आपको बताया है कि ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके एसक्यूएल क्या करता है, ग्रुप्स क्रिएट करता है. ओके, और उन ग्रुप्स पे अगर कंडीशन अप्लाई करनी है तो कौन से क्लॉज का यूज करता है, हैविंग क्लॉज का यूज करता है, राइट. नो, इफ कॉलम मार्क्स कंटेन द डेटा सेट, कॉलम है हमारे पास मार्क्स नेम से और उसके अंदर वैल्यूज है ये. ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी, तो इस क्वेरी के एग्जीक्यूशन के बाद क्या आउटपुट आएगा. सिलेक्ट मार्क्स, राइट, आपने मार्क्स को सिलेक्ट किया है डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टूडेंट. ओके, तो यहाँ पे मार्क्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे. ओके, डिस्टिंक्ट मींस आप यहाँ पे, वैसे यहाँ पे डिस्टिंक्ट बाहर आएगा, मार्क्स अंदर आएगा, ये गलत स्टेटमेंट दे रखी है. डिस्टिंक्ट बाहर आना है, मार्क्स अंदर आना है. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, राइट. तो आप इससे समझो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का क्या यूज है. डिस्टिंक्ट कीवर्ड की हेल्प से आप क्या करोगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को इलिमिनेट कर देता है. तो 25 आ जाएगा, फिर आपका 35 आ जाएगा, ये वाला 25 कट, 35 कट एंड 38, राइट. तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड, तो यहाँ पे मार्क्स अंदर आना है, राइट, और डिस्टिंक्ट बाहर आना है. ओके, आप इसे समझो, डिस्टिंक्ट बाहर आना है, डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो रिजल्ट आपका ये है. ओके, नाउ विच क्लॉज इज यूज विद एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन के साथ कौन सा क्लॉज यूज होता है. तो एग्रीगेट फंक्शन आप किसके ऊपर अप्लाई करते हो, ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करते हो, और ग्रुप्स आप किससे क्रिएट करते हो, ग्रुप बाय क्लॉज से क्रिएट करते हो. तो एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ यूज होंगे, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होंगे. एग्रीगेट फंक्शन हमेशा ग्रुप ऑफ जो टेबल के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करते हो. ग्रुप्स कौन क्रिएट करता है टेबल के अंदर, ग्रुप बाय क्लॉज क्रिएट करता है, राइट. तो एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ यूज होगा, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ. नाउ द हैविंग क्लॉज डज विच ऑफ द फॉलोइंग, हैविंग क्लॉज क्या करता है,
एक्स एग्जैक्टली लाइक वेयर क्लॉज, नहीं वेयर क्लॉज की तरह नहीं होता, एक्स लाइक वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर कॉलम्स रेदर देन ग्रुप्स, नाउ दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ एक्स लाइक वेयर क्लॉज की तरह एक्ट करता है बट इज यूज फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज रोज, राइट. तो यहाँ पे ये वेयर क्लॉज क्या करता है, कंडीशन अप्लाई करता है ऑन रोज, ऑन टपल्स, राइट. ऐसे ही जो आपका हैविंग क्लॉज है वो क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं ग्रुप्स ऑफ टपल्स, राइट, बट इज यूज फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज. तो यहाँ पे जो हैविंग क्लॉज है ग्रुप के ऊपर वर्क करता है, ओके, रोज पे वर्क नहीं करता, इंडिविजुअल रोज पे वर्क नहीं करता. तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके. नाउ यहाँ नीचे देखो, एक्स लाइक अ वेयर क्लॉज बट इट इज यूज फॉर रोज रेदर देन कॉलम्स, ये भी रॉन्ग है, ओके. तो आपका जो इसका ऑप्शन है वो सी करेक्ट है. Then, with SQL, how do you select all the records from a table named student? आपको student table से सारे records क्या करने हैं, select करने हैं, मतलब display कराने हैं, where the value of the column first name ends with an A. जहां पे जो column है जिसका नाम first name है उसकी जितनी भी values हैं वो किससे end हो, A से end हो. Fine. तो यहाँ पे आप क्या use करोगे, आप यहाँ पे करोगे option C. Select star from student where first name में आप करोगे, condition apply करोगे where first name like में आपने क्या दिया, यहाँ पे दिया percent a, percent का मतलब होता है कोई भी substring, right? इससे पहले कोई भी substring हो, और ending आपने क्या दिया है a, लेकिन ending किससे होगी, letter a से, right? percent a means ए से पहले कोई भी सबस्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन एंड किससे होगा, ए से. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ओके. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज इन द फॉलोइंग क्वेरी टू डिस्प्ले द यूनिक वैल्यूज ऑफ द कॉलम डिपार्टमेंट. तो अगर आपको डिपार्टमेंट में से यूनिक वैल्यूज निकालनी है तो आप कौन से कीवर्ड का यूज करोगे, राइट. कौन से कीवर्ड का यूज करेंगे, हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का करेंगे. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम कंपनी. तो डिपार्टमेंट क्या में जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होगी वो क्या होगी, इलिमिनेट हो जाएगी. फाइन. नाउ कंसीडर अ टेबल विद द स्ट्रक्चर एज. तो हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्टूडेंट आईडी. स्टूडेंट के अंदर कॉलम्स क्या है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड टोटल क्रेडिट, राइट. इन द अबव टेबल विच एट्रीब्यूट विल फॉर्म द प्राइमरी की. अगर आपको इस टेबल में से प्राइमरी की बनानी हो तो आप कौन से एट्रीब्यूट को बनाओगे. यहाँ पे हम आईडी को एट्रीब्यूट बनाएंगे, क्योंकि ये जो आईडी है वो क्या करेगा, यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा, राइट. तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका आईडी सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका आईडी क्या बनाओगे आप, एज अ प्राइमरी की. प्राइमरी की उस कॉलम को बनाया जाता है जो यूनिक वैल्यूज कंटेन करता है और जिस और जो नल वैल्यूज कंटेन नहीं करता. फाइन. नाउ विच एसक्यूएल स्टेटमेंट डू वी यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्टूडेंट हुज लास्ट नेम कंटेन्स 5 लेटर्स एंडिंग विद ए. तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं स्टूडेंट्स के जिनके लास्ट नेम में क्या हो, 5 लेटर्स हो और जो एंड का लेटर हो वो ए हो. समझ आया, 5 लेटर्स का नेम होना चाहिए और एंड का लेटर है वो क्या हो, ए. तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको देखते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, वेयर एल नेम, लास्ट नेम था एल नेम लाइक. तो कंडीशन क्या है, 5 लेटर का नेम है और एंड का लेटर क्या है, ए. तो यहाँ पे देखो आपने 1 2 3 4 अंडरस्कोर दे दिए, मींस इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स आएंगे एंड एंड में आपने दे दिया ए. ए मींस उसका एंडिंग कैरेक्टर क्या है, ए है. तो आपका जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है. फाइन. तो यहाँ पे देखो ए नहीं स्पेसिफाई किया हुआ सेकंड में, तो सेकंड रॉन्ग है ऐसे, और ये क्वेश्चन मार्क तो आता ही नहीं है एंड यहाँ पे आपका स्टार भी नहीं है, राइट. तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो ए है, ओके. Now, in the given query, which keyword has to be inserted? तो आपको इस query के अंदर कौन सा keyword insert करना है? Insert into employee. Insert into employee क्या है? Table का name. अब यहाँ पे क्या है? Values. Insert into employee values. और आपने यहाँ पे values को specify कर दिया है, right? Now, by default, order by clause lists the result in. ये मैंने भी बताया था कि order by clause by default जो list जो रिजल्ट क्रिएट करता है वो किस फॉर्म में क्रिएट करता है, असेंडिंग में, राइट. लिस्ट द रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर आपने कोई भी कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं किया है तो ऑर्डर बाय क्लॉज किस ऑर्डर में शॉर्ट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा, ओके.
विच ऑपरेटर परफॉर्म्स द पैटर्न मैचिंग? पैटर्न मैचिंग कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करता है? लाइक ऑपरेटर परफॉर्म करता है. अभी हमने क्या था, लाइक आप लाइक के बाद स्पेसिफाई कर सकते हो अंडरस्कोर, ठीक है, लाइक अंडरस्कोर कोई भी पर्टिकुलर वो ले रहे हो जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं. तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? लाइक ऑपरेटर. फाइन. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब लैंग्वेजेस ऑफ एसक्यूएल इज यूज्ड टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस एंड टू इंसर्ट टपल्स इनटू, डिलीट टपल्स फ्रॉम, ओके, एंड मॉडिफाई टपल्स इन द डेटाबेस. तो यहाँ पे हम एसक्यूएल की कौन सी क्वेरी का यूज करते हैं, किस लिए? टपल्स को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए. तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो आप, राइट? जो टेबल्स के अंदर डेटा है उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, रिकॉर्ड्स को, टपल्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, उनको इंसर्ट कर रहे हो, रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो. तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज होगी? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट? क्योंकि यहाँ पे डेटा का मैनिपुलेशन हो रहा है. तो What is the answer here? DML, Data Manipulation Language. Okay? Now, an attribute in a relation is foreign key if it is dash key in any other table. ऐसा एट्रीब्यूट जो एक टेबल के अंदर फॉरन की है, तो वो फॉरन की कब बनेगा? अगर वो क्या है, प्राइमरी की है किसी दूसरी टेबल में, राइट? तो यहाँ पे आप किसको टिक करोगे? प्राइमरी की. नेट फिर से देखो, एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज अ फॉरन की, एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर एक कॉलम फॉरन की तब होता है इफ इट इज द प्राइमरी की इन एनी अदर रिलेशन, अगर वो प्राइमरी की है किसी और दूसरे टेबल के अंदर, राइट? नाउ द कमांड यूज फॉर मॉडिफाइंग द रिकॉर्ड्स इज, अगर आपको अपने क्या जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, तो आप कौन से कमांड्स का यूज करते हो? आप करते हो अपडेट कमांड का यूज. Fine. The update command specifies the rows to be changed using the where clause and the new data is entered using the set clause. So update command क्या करता है? उन रोज को चेंज करता, रोज को चेंज करता है कैसे? बाय यूजिंग द वेयर क्लॉज एंड न्यू जो डेटा एंटर करता है बाय यूजिंग द सेट कीवर्ड, राइट? मैं भी ये आपने प्रैक्टिकली जब अपडेट किया है तब आप देख सकते हैं कैसे करना है, राइट? एग्रीगेट फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन द सिलेक्ट लिस्ट और डैश क्लॉज ऑफ अ सिलेक्ट स्टेटमेंट, ओके? तो एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ यूज होते हैं? एग्रीगेट फंक्शन यूज होते हैं हैविंग के साथ. दे कैन नॉट बी यूज्ड विद डैश क्लॉज, वो किसके साथ यूज नहीं हो सकते? वेयर के साथ. तो हमारा आंसर क्या है? बी, कि एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ यूज होंगे? हैविंग के साथ, एंड दे कैन नॉट बी यूज विद द वेयर क्लॉज, राइट? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? सम एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट एग्रीगेट है, एंड आपका एवरेज भी एग्रीगेट फंक्शन है, राइट? तो जो आपका आंसर है वो राउंड फंक्शन है, क्योंकि राउंड क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन है विच इज यूज टू राउंड ऑफ ऑफ अ नंबर. इसका किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी नंबर का राउंड ऑफ करने के लिए, राइट? तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है, बट यहाँ पे आपका सम, काउंट एंड एवरेज क्या है? एग्रीगेट फंक्शन है, राइट? तो आपका आंसर क्या है? राउंड, क्योंकि आपसे पूछा गया था नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, राइट? नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, तो ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कौन सी स्टेटमेंट होती है? ये होती है हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट, राइट? तो आपका आंसर है DML. यहाँ से आप डेटा को सिलेक्ट करके, मतलब सिलेक्ट कर रहे हो, उसको डिस्प्ले कर रहे हो. तो जो भी फंक्शन डेटा के ऊपर होता है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू होता है. जो भी फंक्शन टेबल के, डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे होता है वो DDL से होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से होता है. कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी, आपको ये क्वेरी देखनी है. सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टू, आप स्टू टेबल से नेम को सिलेक्ट कर रहे हो. वेयर सब्जेक्ट लाइक, और सब्जेक्ट क्या ले रहे हो? सब्जेक्ट में आपने लिया है यहाँ पे अंडरस्कोर कंप्यूटर साइंस, राइट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी एडेड इनटू द ब्लैंक स्पेस टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट विच हैज कंप्यूटर साइंस एज इट्स एंडिंग स्ट्रिंग. तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है ये बताने के लिए कि जो स्ट्रीम, यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी एडेड इन द ब्लैंक स्पेस टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट विच हैज द कंप्यूटर साइंस एज इट्स एंडिंग स्ट्रिंग. ऐसे सब्जेक्ट जहां पे एंडिंग स्ट्रिंग कंप्यूटर साइंस हो, लेकिन हमारे को उसको, हमें नहीं पता कि आगे जो स्ट्रिंग है वो क्या है, राइट? उसमें कितने करेक्टर्स हैं. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे परसेंट का यूज, परसेंट ही हम यहाँ पे लगा देंगे. इसका क्या मीनिंग है कि अब आप आगे कोई भी आप सब स्ट्रिंग ले सकते हो कितने भी करेक्टर्स की, लेकिन एंडिंग स्ट्रिंग आपकी उसकी क्या है? कंप्यूटर साइंस, ओके?
द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू अ फील्ड इन अ टेबल. टेबल के अंदर जो फील्ड होता है उसे हम उसके दूसरे नेम से क्या जो उसका दूसरा नेम क्या क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट राइट और कॉलम राइट. तो यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूट हम किसके लिए यूज करते हैं, फील्ड के लिए यूज करते हैं, कॉलम के लिए यूज करते हैं राइट. रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है वो किसका कलेक्शन होता है, रिलेशंस का. रिलेशंस मींस टेबल राइट. एंड इट आल्सो स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स राइट. रिलेशनल डेटाबेस ये भी बताता है कि जो टेबल्स उसके अंदर स्टोर की जाती है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है राइट. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL. DDL की क्या फुल फॉर्म है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज राइट. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आर द कमांड दैट स्पेसिफाई द डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस राइट. दैट स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस. ओके नाउ द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू अ रिकॉर्ड इन अ टेबल. अगर आपको रिकॉर्ड को एक दूसरे नेम से बुलाना है तो कौन सा टर्म आप यूज करोगे, यहाँ पे रो. और रिकॉर्ड को वैसे टपल भी बोलते हैं राइट, टपल भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन है, टपल एंड रो. ओके द टर्म टपल और रो इज यूज टू रेफर टू अ रिकॉर्ड इन अ टेबल. तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट है फाइन. नाउ द डेटा टाइप्स कैर एंड वेयर कैर आर यूज टू क्रिएट. अगर आपने कैर यूज किया है तो आपका क्या होगा, फिक्स्ड. और अगर आपने वेयर कैर किया है तो आपका कैसा ये क्रिएट करेगा, वेरिएबल टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फील्ड्स इन द डेटाबेस. देखो अगर आपने किसी भी कॉलम को या फील्ड को आप स्पेसिफाई करते हो कैर, तो कैर मतलब कैर के अंदर आपने जो भी एन स्पेसिफाई किया है, एन की वैल्यू 10 है, अगर 10 है तो ये 10 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करेगा. चाहे आप उसके अंदर 4 करेक्टर्स का वैल्यू डालो, चाहे 5 करेक्टर्स का वैल्यू डालो राइट, इसके अंदर 10 वैल्यूज ही ऑक्यूपाई करेगा ये जो आपने डेटा टाइप दिया है राइट. तो इससे क्या होता है, ये फिक्स होता है. वेयर कैर में क्या है, अगर आपने वेयर कैर को 10 स्पेसिफाई कर दिया कि इट इज ऑफ 10 बाइट्स राइट, आप इसके अंदर 10 बाइट्स मतलब 10 करेक्टर्स आप इसके अंदर डाल सकते हो ओके. लेकिन अगर आपने 5 करेक्टर्स वेयर कैर में डाले हैं तो रेस्ट जो मेमोरी एरिया है मतलब रेस्ट 5 बाइट्स है वो रिलीज हो जाएंगे ओके. तो आपने जितना ऑक्यूपाई किया है सिर्फ उतना ही यूज होगा, बाकी रिलीज हो जाएगा राइट, मेमोरी स्पेस रिलीज हो जाएगा. तो आपका वेयर कैर क्या है, वेरिएबल है टाइप. वेरिएबल मतलब दैट इज नॉट फिक्स्ड ओके. तो कैर क्या है, फिक्स्ड डेटा टाइप है. जितनी वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे उतनी मेमोरी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा फाइन. और वेयर कैर क्या है, वेरिएबल डेटा टाइप है. आप जितना भी स्पेसिफाई कर लो, 10, 20 के इसमें 20 बाइट्स आ जाए, 30 बाइट्स आ जाए, बट जितना आपने यूज किया है, 5 बाइट्स यूज किया है, 6 बाइट्स यूज किया है, रेस्ट ऑफ द जो बाइट्स होंगे वो क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा ओके. Which of the following function is used to find the largest value from the given data in MySQL? MySQL के अंदर अगर आपको largest value find out करनी है right? तो आप किस function का use करते हैं, तो largest value find out करने के लिए हम लोग max function का use करते हैं okay? Now the dash clause of select query allows us to select only those rows in the result that satisfy a specified condition. तो ऐसा कौन सा clause है राइट, ऐसा कौन सा क्लॉज है सिलेक्ट क्वेरी का जो क्या करता है, अलाउज अस टू सिलेक्ट ओनली दोज रोज, सिर्फ वही रोज हमें सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करता है इन द रिजल्ट दैट सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड कंडीशन. वही रोज आपके पास आएंगी जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है राइट. तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्लॉज है जो सिलेक्ट के साथ यूज होता है, वेयर क्लॉज, जो क्या करता है वो स्पेसिफाई करता है कंडीशन. अगर कंडीशन ट्रू, उस कंडीशन के बेस पर ही आपकी रिकॉर्ड्स या टपल्स क्या होती है, डिस्प्ले होती है फाइन. Now, what is the full form of SQL? SQL की full form क्या है? SQL की full form है structured query language. Okay, A option. What does DML stand for? और DML की full form क्या है? Data manipulation language. तो आपका कौन सा option correct है? D. For which attribute of a relation there is a set of permitted values called dash of that attribute. अब ये क्या कह रहा है, फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, जो रिलेशन मतलब टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम्स होते हैं ओके. वो अपनी वैल्यूज एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर आप क्या बोलोगे, एक सेट ऑफ वैल्यूज से अपनी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं
ठीक है, एक टेबल है उसके अंदर कॉलम्स हैं, तो वो जो कॉलम्स हैं वो वैल्यूज को कहाँ से लेते हैं, एक सेट ऑफ वैल्यूज से लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, मतलब एक एरिया होता है जहाँ पे वैल्यूज होती हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं डोमेन, राइट। एक पर्टिकुलर डोमेन मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, राइट। तो इस स्पेस को क्या बोला जाएगा, डोमेन, जहाँ से जो टेबल के कॉलम्स होते हैं वो अपनी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं और यू कैन से लेते हैं, फाइन। देखो, देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज, एक सेट है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, परमिटेड वैल्यूज जो अलाउड वैल्यूज हैं, जो राइट एक पर्टिकुलर टेबल के लिए ही है, ओके। वहां से फील्ड्स क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को लेते हैं, और इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को कहा जाता है डोमेन, राइट। विच कमांड इज यूज टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे, तो ये हम करते हैं डिस्क्राइब्ड, और हम इसको सिंपल DESC कर देते हैं, पूरा नहीं लिखते, DESC एंड टेबल नेम, राइट, एंड सेमी कॉलन, राइट। तो आपका टेबल का स्ट्रक्चर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DML कमांड, इसमें से कौन सी DML कमांड नहीं है, तो सिलेक्ट आपकी डेटा मैनिपुलेशन कमांड है DML, डिलीट भी आपकी DML है, राइट, अपडेट भी आपकी DML है, तो कौन सी कमांड नहीं है, ड्रॉप कमांड नहीं है, ड्रॉप कमांड इज नॉट अ DML कमांड, राइट। ड्रॉप से क्या होगा, कंप्लीट टेबल आपकी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी, ड्रॉप आपकी क्या है, DDL कमांड है। Now, which of the following is a DML command? इनमें से कौन सी DML command है? तो अभी मैंने बताई, तो ये सारी की सारी DML command है, select भी DML है, update भी DML है, और insert भी DML है, right? तो आपका answer है all of these. Okay. A known key attribute whose values are derived from the primary key of some other table. ऐसा attribute, ऐसा column जिसकी value कहाँ से आ रही है? जिसकी value आ रही है primary key से, किसी और table की primary key से. तो ऐसे column को हम क्या बोलते हैं? ऐसे column को बोलते हैं foreign key. Foreign key वो column होता है किसी भी table का जो अपनी values कहाँ से access करता है? दूसरी table की primary key से access करता है. और you can say values को वो दूसरी table की primary key से लेता है. Fine? Now, how many primary keys can have in a table? एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की हो सकती है? एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है. अब प्राइमरी की चाहे सिंगल कॉलम से बनी हो, चाहे मल्टीपल कॉलम से बनी हो, राइट? मतलब एक प्राइमरी की क्या है, एक कॉलम से बनी हो, चाहे उसके अंदर चार कॉलम्स का एडिशन हो, कॉन्कैटेनेशन हो, लेकिन प्राइमरी की होगी एक ही, राइट? Which data manipulation command is used to combine the records from one or more table? तो वो कौन सी कमांड है जिसकी हेल्प से आप एक या एक से मतलब एक या एक से ज्यादा टेबल के रिकॉर्ड्स को कंबाइन कर सकते हो, राइट? तो कौन सी कमांड होती है हमारी, ज्वाइन. ज्वाइन क्या होती है, ज्वाइन कमांड इज यूज्ड विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल. ज्वाइन जो कमांड है उसका यूज करके आप मल्टीपल टेबल से डेटा को क्या कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ओके? तो मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके डिस्प्ले कराती है, राइट? Now, how can you change the Thomas into Mikkel in the last name? आपको क्या करना है, last name में जो Thomas है word उसको Mikkel में change करना है in the last name column in the users table. Okay? तो ये हमें यहाँ पे record को change करना है, तो हम कौन से command का use करेंगे, update का करेंगे, right? तो update users table का name क्या है, users, update users, set लास्ट नेम मिकेल, हमें लास्ट नेम क्या करना है, मिकेल करना है, ओके. वेयर लास्ट नेम इज, वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू थॉमस, तो ये आपकी क्या है, कमांड है, सेमी कॉलन हो लगा दो, ठीक है. अपडेट यूजर्स, यूजर्स क्या है, टेबल का नेम, सेट लास्ट नेम इक्वल्स टू मिकेल, लास्ट नेम आप मिकेल कर दो, कहाँ पे, वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू थॉमस, जहां पे लास्ट नेम क्या है, थॉमस है, तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 ऑप्शन, राइट. What is the difference between a primary key and a unique key? Primary key क्या है? Primary key और unique key में क्या difference है? Primary key can store null values. No, तो ये तो पहला null value से ही incorrect है, क्योंकि primary key के अंदर null value आ ही नहीं सकती, right? Primary key null values contain नहीं करती, unique key कर सकती है null values contain, right? Second क्या है? We can have only one primary key in a table. एक table के अंदर एक ही primary key होगी, while we can have multiple unique keys. Yes, it is correct. आपके table के अंदर आप सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, मल्टीपल यूनिक कीज हो सकती हैं, और इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स और क्या होती है, प्राइमरी की डज नॉट कंटेन नल वैल्यूज, वेयर एज यूनिक कीज कैन हैव द
null values, right? Next क्या है, primary key cannot be date, cannot be a date variable, whereas unique key, ये तो wrong है, right? तो जो option आपका क्या है, second correct है, fine? Now, which statement is used to get all data from the student table? Student table से आप सारा data ले रहे हो, whose name start with P? जहाँ पे name क्या है, P से start हो रहा है, तो select star from student where name like this. तो ये रॉन्ग है क्योंकि नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है यहाँ, इसने तो पी से पहले सबस्ट्रिंग आ गई तो ये रॉन्ग है. सेकंड क्या है आपका, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक पी एंड परसेंट, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे देखो नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से, और आपने उसके बाद दे दिया परसेंट. परसेंट मीन्स पी के बाद कोई भी सबस्ट्रिंग हो सकती है, जिसमें चाहे दो करेक्टर हो, चाहे तीन करेक्टर हो, चाहे चार करेक्टर हो, मतलब कोई भी नहीं. ओके, तो आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्लैश स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक पी, ओके, विद इन कोट्स पी परसेंट, फाइन. मार्क क्वेश्चंस ऑफ डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल दैट आई हैव टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, आपको इस क्वेरी का आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, बताना है. सिलेक्ट मोड फंक्शन, यहाँ पे मोड का यूज किया गया है, राइट right? और टू नंबर्स लिए हैं, फर्स्ट नंबर को आप सेकेंड नंबर से डिवाइड करते हो, राइट right? लेकिन सेकेंड नंबर हमारे यहाँ पे क्या है, जीरो है. ओके okay? अगर आपका डिविडेंड कोई भी नंबर है और सेकेंड नंबर दैट इज डिवीजर जीरो है, तो क्या होता है, मोड क्या रिटर्न करता है, मोड नल वैल्यू रिटर्न करता है. तो यहां पे आपका आंसर होगा सेकेंड, दैट इज नल वैल्यू, फाइन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू द मैथ फंक्शन कैटेगरी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एसक्यूएल फंक्शन है जो मैथ फंक्शन से बिलोंग नहीं करता. तो पावर हमारा मैथ फंक्शन है, राउंड हमारा मैथ फंक्शन है, और मोड हमारा मैथ फंक्शन है. तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन मैथ फंक्शन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, डैट इज थर्ड ऑप्शन. तो आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन, फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राज, अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू डिस्प्ले द एवरेज पे ऑफ वर्कर्स फ्रॉम दोज डिपार्टमेंट्स विच हैव मोर देन 5 एम्प्लॉइज. तो राज को क्या करना है, एवरेज पे निकालनी है उन डिपार्टमेंट की जहां पे एम्प्लॉय क्या है, 5 से ज्यादा है. ओके, ही इज एक्सपीरियंसिंग अ प्रॉब्लम व्हाइल रनिंग द फॉलोइंग क्वेरी, उसको प्रॉब्लम हो रही है जब वो इस क्वेरी को रन कर रहा है, दैट मीन्स इस क्वेरी में क्या है, मिस्टेक है, आपको वो मिस्टेक रेक्टिफाई करके करेक्ट आंसर बताना है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्वेरी टू परफॉर्म द गिवन टास्क, तो आपको करेक्ट क्वेरी बतानी है. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर, तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर का यूज नहीं होगा, हैविंग का यूज होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है. ओके, सेकेंड, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी, ओके, हैविंग यहाँ पे कंडीशन बाद में आनी थी, ओके, ग्रुप बाय पहले आना था, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, फाइन. देन थर्ड में क्या है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वेयर, फिर से वेयर आया है, वेयर एग्रीगेट फंक्शन के साथ आपका वेयर क्लॉज यूज नहीं होता, हैविंग क्लॉज यूज होता है, ठीक है. नाउ फोर्थ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट आएगा, एवरेज सैलरी आएगी फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी क्या है, टेबल का नेम. अब आप ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करोगे, आप ग्रुपिंग करोगे डिपार्टमेंट वाइज, राइट, आप डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कर दी. अब आप इसके ऊपर कंडीशन लगाओगे, हैविंग, ग्रुपिंग हो गई और अब आप कंडीशन लगा रहे हो, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5, वो डिपार्टमेंट जहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ओके, वो क्या है, 5 से ग्रेटर हैं, राइट right? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सिचुएशन में, कंडीशन में, कि एम्प्लॉइज 5 से ज़्यादा होने चाहिए, मोर देन 5, ओके, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फाइन. नाउ प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, यहाँ पे आपको इस क्वेरी का आउटपुट बताना है. सिलेक्ट एलकेस, एलकेस होता है लोअर केस के लिए, राइट right? अब आपने एलकेस में क्या पास किया है, मंथ नेम, ओके, एंड मंथ नेम फंक्शन में आपने पास किया डेट. अब मंथ नेम फंक्शन क्या करेगा, मंथ फाइंड आउट कर लेगा, यहाँ से मंथ नेम आ जाएगा, राइट. एलकेस फंक्शन क्या करेगा, उस मंथ को लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा, राइट. तो यहाँ पे मंथ क्या है, 3, दैट इज मार्च, तो हमारे पास लोअर लेटर में मार्च है, फोर्थ ऑप्शन, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एसक्यूएल आइडेंटिफाई द इनवैलिड डेटा टाइप, आपको बताना है इनमें से इनवैलिड डेटा टाइप कौन सा है. तो आपका डेट डेटा टाइप वैलिड है, इंटीजर भी वैलिड है,
वर्कर भी वैलिड है, ठीक है? तो आपका इनवैलिड डेटा टाइप कौन सा है? मंथ. मंथ इज नॉट अ डेटा टाइप, राइट? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्थ. नाउ इन एसक्यूएल द इक्विवेलेंट ऑफ यू केस इज, एसक्यूएल में यू केस फंक्शन का इक्विवेलेंट फंक्शन कौन सा होता है? यू केस क्या होता है? कोई भी, वट एवर द स्ट्रिंग यू आर पासिंग इन इट, आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू इसमें पास कर रहे हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? और सेम फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? अपर फंक्शन. यू केस फंक्शन एंड अपर फंक्शन दोनों का जो काम है, दोनों का जो वर्क है, वो सेम है. ये क्या करते हैं? स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, नाउ यू हैव अ टेबल कॉल्ड सेल्स दैट कंटेन्स सेल्स डेटा फॉर अ रिटेल स्टोर. आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है सेल्स, राइट? उसमें क्या है? सेल्स डेटा है रिटेल स्टोर का. ओके, विच एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रोज और रिकॉर्ड्स इन द सेल्स टेबल. तो आपको बताना है कौन से एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके आप ये बता सकते हो कि सेल्स टेबल में कितनी रोज हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं. फाइन, तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू बताता है, मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू, एवरेज फंक्शन एवरेज फाइंड आउट करता है. ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है? काउंट फंक्शन, राइट? काउंट फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज, राइट? तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, नल रिकॉर्ड्स को ये काउंट नहीं करेगा, बट नॉन नल रिकॉर्ड्स को ये काउंट करके डिस्प्ले करा देगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज इज यूज्ड टू रिट्राइव रोज फ्रॉम द कस्टमर टेबल वेयर द ईमेल कॉलम कंटेन्स नल वैल्यूज. तो आपको बताना है कि आप कौन सी क्वेरी का यूज करोगे कस्टमर टेबल से रोज को एक्सेस करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, जहाँ पे ईमेल कॉलम क्या है? नल है. सिर्फ वही रोज एक्सेस करनी है, वही रोज आपको रिट्राइव करनी है जहाँ ईमेल कॉलम में वैल्यू नल है. तो फर्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल इक्वल्स टू नल. तो में इक्वल टू आता नहीं है यहाँ पे, इज नल या इज नॉट नल का यूज होता है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल इज नॉट नल. नॉट नल मतलब वो नल नहीं होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें नल वाला चाहिए जहाँ पे ईमेल क्या है? नल है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर इज नल ईमेल, दिस इज रॉन्ग. नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल इज नल. तो आपका ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है. फाइन, नाउ विच एसक्यूएल फंक्शन कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, राइट? कौन से फंक्शन का यूज करोगे आप टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए? तो यहाँ पे आपका देखो यू केस फंक्शन यूज होगा. लेंथ से आपकी लेंथ फाइंड आउट होगी, मिड फंक्शन से आपका मिड आएगा. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है? टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप यू केस फंक्शन का यूज करोगे. ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉयज. आपके पास एम्प्लॉयज नेम से टेबल है विद कॉलम्स डिपार्टमेंट एंड सैलरी. उसमें दो कॉलम है डिपार्टमेंट एंड सैलरी. यू वॉन्ट टू फाइंड द हाइएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट. आपको हर डिपार्टमेंट में हाइएस्ट सैलरी फाइंड आउट करनी है एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और रिजल्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है. फाइन, विच एसक्यूएल क्लॉसेस शुड यू यूज फॉर दिस क्वेरी. तो आपको कौन से एसक्यूएल क्लॉसेस का यूज करना होगा? फर्स्ट में देखो ग्रुप बाय है, जिससे क्या होगा? डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, राइट? तो हम यहाँ पे हैविंग का यूज नहीं करेंगे, तो आपका फर्स्ट तो करेक्ट नहीं है. फाइन, नाउ सेकेंड, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय. यस, इट इज करेक्ट. ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय आपका आएगा, एज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ग्रुप बाय से डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी. ओके, एंड ऑर्डर बाय से क्या होगा? सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी, राइट? और देखो सी एंड डी में भी हैविंग दिया है. हैविंग हमें नहीं चाहिए बिकॉज वी आर नॉट, यहाँ पे कोई भी कंडीशन का यूज नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग एनी कंडीशन हेयर. फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वर्किंग विद अ डेटा बेस दैट स्टोर्स एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन. आप एक डेटा बेस के साथ काम कर रहे हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर है. यू नीड टू रिट्राइव द करेंट डेट एंड टाइम. आपको करेंट डेट एंड टाइम रिट्राइव करना है, एक्सेस करना है. विच एसक्यूएल फंक्शन वुड यू यूज फॉर दिस पर्पस. तो आप इसके लिए कौन से एसक्यूएल फंक्शन का यूज करोगे? तो करेंट डेट एंड टाइम हम निकालने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हम नाउ फंक्शन का यूज करते हैं. तो आपका ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. आपको इस क्वेरी का आउटपुट बताना है. सिलेक्ट राउंड, राउंड फंक्शन का यूज हुआ है. आपको इस फंक्शन का राउंड ऑफ निकालना है, ठीक है? 15.789. ओके, दिस इज द नंबर. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है. टू डेसिमल प्लेसेस तक आपको नंबर को डिस्प्ले कराना है. फाइन, तो हमें 7, 8
यहाँ पे जो तीन डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं 7, 8, 9, उसके प्लेस पे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए. फाइन, तो देखो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट प्लेस पे डिजिट है वो 9 है. 9 क्या है? 5 से बिग है. ओके, तो ये 9 जो आपका स्मॉलेस्ट प्लेस पे डिजिट होता है, अगर 5 से बिग है या 5 के इक्वल होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट होता है उसमें 1 ऐड हो जाता है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 8 में प्लस 1 हो जाएगा. फाइन, तो यहाँ पे 8 में आपका प्लस 1 आ जाएगा, तो 7, 9 हो जाएगा ये. ठीक है, 15.79. तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है 15.79, दिस इज करेक्ट. ओके, नाउ विच टाइप ऑफ वैल्यूज विल नॉट बी कंसीडर्ड बाय एसक्यूएल व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कौन सी वैल्यूज कंसीडर नहीं होंगी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम इन्वेंट्री. तो यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज हुआ है. काउंट फंक्शन क्या करता है, हमेशा नॉन नल वैल्यूज को डिस्प्ले कराता, नल वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं कराता. तो यहाँ पे नल वैल्यूज काउंट नहीं होगी. इस क्वेरी को जब आप एग्जीक्यूट करोगे, ओके, तो एक पर्टिकुलर कॉलम नेम में अगर नल वैल्यूज हैं तो वो काउंट नहीं होंगी. फाइन, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ कॉलम फी कंटेन द डेटा सेट. आपके पास एक कॉलम है फीस, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है 5000, 8000, 7500, 5000, 8000. व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी. तो आपको बताना है इस क्वेरी के बाद इसका क्या आउटपुट निकलेगा. सिलेक्ट सम, सम होगा डिस्टिंक्ट फीस. अब यहाँ पे देखो, फीस के आगे आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ किया है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करने से क्या होगा, ये फी जो भी रिडंडेंट वैल्यू है, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है, उसको हटा देगा. फाइन, तो यहाँ पे देखो 5000 टू टाइम्स आया तो 5000 हट जाएगा, 8000 भी टू टाइम्स आया तो 8000 भी हट जाएगा एक बार. तो आपका किसका एडिशन होगा, आपका 7500 प्लस 5000 प्लस 8000 का एडिशन होगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ किया गया है, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, 20500. ओके, फर्स्ट ऑप्शन 20500. ओके, नाउ विच एसक्यूएल स्टेटमेंट डू वी यूज टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द टेबल ऑर्डर्स. आप कौन से स्टेटमेंट का यूज करोगे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए. आपको बताना है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल नंबर, आपको नंबर बताना है. ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर से क्या होगा, पूरी टेबल ही आ जाएगी, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं बताएगा. ओके, सेकंड क्या है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि काउंट स्टार फंक्शन क्या करेगा, इट विल काउंट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल. ये टेबल की सारी रोज को काउंट करके आपको शो कर देगा, चाहे रोज डुप्लीकेट हो, चाहे नल वैल्यूज कंटेन करती हो, लेकिन इट विल काउंट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल. फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not an aggregate function? इनमें से कौन सा function aggregate function नहीं है. तो यहाँ पे sum, count and average क्या है, aggregate function है, लेकिन round क्या है, round आपका mass function है. तो आपका option 1 correct है, round is not a aggregate function. Now, which one of the following function is used to find the largest value from the given data in MySQL? अगर आपको एक डेटा सेट में से लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, आप करोगे मैक्स फंक्शन का यूज. ओके, नाउ इन एसक्यूएल विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम. करेंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, नाउ फंक्शन है. नाउ फंक्शन डिस्प्लेज द करेंट डेट एंड टाइम. ओके, नाउ द एवरेज फंक्शन इन माई एसक्यूएल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. एवरेज फंक्शन किसका एग्जाम्पल है, एवरेज फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन का एग्जाम्पल. ओके, देन राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड. सिलेक्ट राउंड. अब यहाँ पे आपको राउंड फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास की गई है, लेकिन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे नहीं बताए गए हैं कि क्या होंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ओके, जब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं बताए जाते हैं, नहीं स्पेसिफाई किए जाते हैं, तो क्या होता है, इट राउंड ऑफ द नंबर टू द क्लोजेस्ट इंटीजर. तो वो ये क्या होगा, नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा क्लोजेस्ट इंटीजर तक. ठीक है, तो ये इसका सबसे क्लोज इंटीजर क्या होगा, 50. 49.88 का होगा 50. तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी.
okay? Choice questions and assertion and reasoning questions based on SQL. So let us start with the first question. Which type of values will not be considered by SQL while executing the following statement? जब SQL इस statement को execute करेगा तो वो कौन सी values को consider नहीं करेगा? Okay? तो हम statement देखते हैं. Select count. यहाँ पे count function का use हुआ है. Column name from inventory. Inventory क्या है? Table का name. Okay? तो count function क्या करता है? Count function counts the number of rows in a given column. काउंट फंक्शन जो इसके अंदर कॉलम पास किया गया है ओके उसकी नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है ओके लेकिन इसकी एक कंडीशन क्या है जिस रोज के अंदर नल वैल्यूज होती हैं वो उस रो को काउंट नहीं करता ओके ये सिर्फ नॉन नल वैल्यूज को काउंट करता है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा काउंट फंक्शन तो यहाँ पे नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा काउंट फंक्शन ओके Now next question, if column fees contains the data set, okay, यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है फीस जिसका डेटा है 5000, 8000, 7500, 5000 and 8000, okay, what will be the output after the execution of the given query, okay, जो नीचे क्वेरी दी गई है जब ये एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा फाइन तो यहाँ पे हम क्वेरी देखेंगे सिलेक्ट सम यहाँ पे सम किया गया ओके डिस्टिंक्ट फीस अब कौन से कीवर्ड का यूज किया गया डिस्टिंक्ट ओके तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड इलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है डुप्लीकेट रोज को इलिमिनेट कर देता है डिलीट कर देता है फाइन ओके तो यहाँ पे फी कॉलम के अंदर जिस रो के अंदर डुप्लीकेट डेटा है वो डुप्लीकेट डेटा वाली रो को डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा डिलीट कर देगा ओके तो यहाँ पे किस किस का एडिशन होगा 5000, 8000 and 7500 ओके क्योंकि ये जो अगेन हमारे पास 5000 और 8000 आया है डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमने यूज किया है तो ये इन दोनों को डिलीट कर देगा इलिमिनेट कर देगा इनको कंसीडर नहीं करेगा तो यहाँ पे सिर्फ ये थ्री वैल्यूज का एडिशन होगा सम होगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 20500 ओके ओके क्वेश्चन नंबर थ्री विच एसक्यूएल स्टेटमेंट डू वी यूज टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द टेबल ऑर्डर्स आपको ऑर्डर्स टेबल के रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं ओके टोटल रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं तो आप कौन से स्टेटमेंट का यूज करोगे फाइन यहाँ पे हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स में क्या होगा यहाँ पे टेबल डिस्प्ले हो जाएगी ओके इट विल नॉट काउंट इट फाइन नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स ओके तो काउंट स्टार फंक्शन क्या करता है काउंट स्टार फंक्शन काउंट्स ऑल रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट एंड नल्स काउंट स्टार फंक्शन आपके टेबल की सारी रोज को काउंट करता है चाहे वो डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन करती हो चाहे उनके अंदर नल वैल्यूज हो ओके तो अगर आप क्या चाहते हो टोटल नंबर ऑफ रोज आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो ओके तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे काउंट स्टार तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है वो करेक्ट है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स ओके नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो राउंड फंक्शन है वो क्या है वो मैस फंक्शन है ओके इट इज यूज टू राउंड ऑफ अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ओके तो यहाँ पे राउंड फंक्शन क्या है आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है राउंड फंक्शन का यूज होता है किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए और जो आपके दिए हुए सम फंक्शन काउंट फंक्शन एंड एवरेज फंक्शन ये क्या है हमारे एग्रीगेट फंक्शन है ओके तो क्वेश्चन क्या था कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे राउंड फंक्शन क्या है मैस फंक्शन है वो एग्रीगेट फंक्शन नहीं है ओके ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा इन MySQL MySQL में कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी कॉलम में या गिवन लिस्ट ऑफ डेटा में से आपको अगर लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मैक्स फंक्शन यूज किया जाता है लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ओके नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स इन एसक्यूएल विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम
एसक्यूएल में करंट डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है? ओके, सो द ऑप्शन इज नाउ फंक्शन. नाउ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी रिटर्न्ड बाय द गिवन क्वेरी. इस क्वेरी का क्या आउटपुट आएगा? सिलेक्ट मंथ. ओके, मंथ फंक्शन का यूज हुआ है और आपने उसमें क्या किया है, एक डेट को पास किया है. तो मंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? मंथ फंक्शन रिटर्न्स द मंथ पार्ट फॉर अ गिवन डेट, राइट. तो इसमें से क्या ये आपको रिटर्न करेगा? मंथ रिटर्न करेगा, मंथ फंक्शन. ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट, मीन्स 5. ओके, देन क्योंकि यहाँ पे हम आपका ईयर है 2020, मंथ आपका है 5th मंथ एंड आपकी डेट क्या है 11, राइट. तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो 5 है. ओके, व्हाट विल बी रिटर्न्ड बाय द गिवन क्वेरी. ओके, सिलेक्ट राउंड. आपके पास राउंड फंक्शन दिया हुआ है. राउंड फंक्शन राउंड ऑफ करने के लिए होता है वैल्यू को, राउंड 153.669, और आपको कितने डेसिमल वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है? 2 डेसिमल वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है. ओके, तो इसका जो करेक्ट रिजल्ट है, ऑप्शन है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 153.67. ओके, तो यहाँ पे 7 क्यों आया? क्योंकि 6 के बाद क्या आया हुआ है? 9. तो एक 1 आपने डेसिमल वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर दी है. फाइन, क्योंकि यहाँ पे 5 से बिगर नंबर है. ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया 153.67. दिस इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, तो यहाँ पे अगर 9, यहाँ पे ये 7 क्यों हुआ है? क्योंकि 6 के बाद 9 दिया हुआ है. अगर यहाँ पे 5 से छोटा नंबर दिया होता तो उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता, बट अगर 5 से बड़ा नंबर होता है तो उससे पहले वाले नंबर में क्या होता है, 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो जाता है. फाइन, तो आपका आंसर है 153.67. ओके, देन व्हाट विल बी रिटर्न्ड बाय द गिवन क्वेरी. इस क्वेरी से क्या रिजल्ट आएगा? सिलेक्ट इन स्ट्रिंग इंडिया. ओके, और इंडिया आपने सब क्वेरी क्या दिया है? DI. तो यहाँ पे इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है? इन स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न्स द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग विद इन अ गिवन स्ट्रिंग. फाइन, ये आपकी मेन स्ट्रिंग है जिसमें से आपको इस सब स्ट्रिंग की पोजीशन बतानी है, राइट. तो यहाँ पे देखो जो डी आया, DI, तो यहाँ पे हम जो लेटर डी है उसकी पोजिशन देखेंगे. उसकी पोजिशन है 3. फाइन, तो आपका रिजल्ट क्या है? 3. अंडरस्टूड. इन स्ट्रिंग के अंदर मीन्स ये आपकी मेन स्ट्रिंग है जिसमें से आपको सब स्ट्रिंग की पोजीशन बतानी है, राइट. इन स्ट्रिंग फंक्शन मेन स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग की पोजीशन को फाइंड आउट करता है. तो यहाँ पे डी आपका 3rd पोजीशन पे है, तो आपका रिजल्ट क्या है? 3. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन. इनमें से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? ट्रिम इज अ टेक्स्ट फंक्शन. लेफ्ट एंड मिड आर ऑल्सो टेक्स्ट फंक्शन. ओके, यहाँ पे जो हमारे ट्रंकेट फंक्शन है, ट्रंकेट फंक्शन का क्या यूज होता है? ट्रंकेट फंक्शन ट्रंकेट्स नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, राइट. तो यहाँ पे ट्रंकेट फंक्शन नंबर के लिए यूज होता है, नंबर्स के लिए यूज होता है. तो ये टेक्स्ट फंक्शन नहीं है. तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ट्रंकेट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन. इनमें से कौन टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो ट्रंकेट टेक्स्ट फंक्शन नहीं है क्योंकि ये नंबर्स के लिए यूज किया जाता है. फाइन, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन सिलेक्ट क्वेरी. सिलेक्ट क्वेरी में हैविंग क्लॉज का क्या मीनिंग होता है? हैविंग क्लॉज क्या होता है? हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स इन, ठीक है, हैविंग क्लॉज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर कंडीशन लगाने के लिए आप हैविंग क्लॉज का यूज करते हो. जैसे वेयर क्लॉज होता है, वेयर क्लॉज एक इंडिविजुअल रो पे कंडीशन लगाता है. ओके, लेकिन हैविंग क्लॉज क्या करता है? ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर कंडीशन लगाता है. ओके, और हैविंग क्लॉज किसके साथ यूज होता है? एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज होता है, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन में हम नंबर ऑफ रोज को कंसीडर करते हैं, मतलब एक साथ कई सारी रोज को हम यूज करते हैं. फाइन, तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन सिलेक्ट क्वेरी. यहाँ पे हैविंग क्लॉज का मीनिंग इसके अंदर है या नहीं है. फाइन, ओके, टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप्स फिल्ट्रेशन के लिए यूज नहीं होता. टू फिल्टर आउट द कॉलम ग्रुप्स, नो. यहाँ पे हैविंग क्लॉज का क्या यूज है? टू पुट कंडीशन ऑन द ग्रुप ऑफ रोज, राइट. टू फिल्टर आउट द रोज एंड कॉलम वैल्यूज. तो ये तीनों ही ऑप्शंस नहीं है. आपका ऑप्शन है नन ऑफ द मेंशन्ड. फाइन, क्योंकि हैविंग क्लॉज क्या करता है? इट प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप्स, ओके, ऑन ग्रुप ऑफ रोज. फाइन,
Then, okay, which of the following will you use in the following query to display the unique values of the column department name? ओके आपको क्या करना है, आप इसमें बताओगे कि आपको कॉलम डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नेम से यूनिक वैल्यूज चाहिए, राइट? यूनिक वैल्यूज मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट ना करे, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो. तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? यहाँ पे हमारा आता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड. जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हो तो वो आपको रिपीटेड वैल्यूज शो नहीं करता, वो रिपीटेड वैल्यूज को इलिमिनेट कर देता है. फाइन, फिर से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज इन द फॉलोइंग क्वेरी टू डिस्प्ले द यूनिक वैल्यूज ऑफ द कॉलम डिपार्टमेंट नेम, राइट? डिपार्टमेंट नेम कॉलम में से आपको यूनिक वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है. तो आप क्या स्टेटमेंट दोगे? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम कंपनी. ओके, तो ये क्या करेगा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उनको इलिमिनेट कर देगा. फाइन, एंड यू विल गेट ओनली यूनिक वैल्यूज. ओके, नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट इंसर्ट क्वेरीज फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको बताना है कौन सी इंसर्ट क्वेरी करेक्ट है यहाँ पर. ओके, फर्स्ट इंसर्ट इन टू पर्सन्स, यहाँ पे क्या है, पर्सन टेबल का नेम, इंसर्ट इनटू पर्सन्स और आपने वैल्यूज दे दिए, तो ये करेक्ट नहीं है. क्योंकि क्या होता है, इंसर्ट इनटू पर्सन्स एंड यहाँ पे आता वैल्यूज. फाइन, तो आपका फर्स्ट करेक्ट नहीं है. टेबल नेम के बाद आप यूज करोगे वर्ड वैल्यूज. सेकेंड है आपका इंसर्ट इनटू पर्सन्स, पर्सन्स के अंदर आपने कॉलम नेम दिए, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वैल्यूज, ओके, एंड वैल्यूज दिए. तो ये आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, राइट? सेकेंड आपका क्या है, इंसर्ट इनटू पर्सन्स वैल्यूज, ओके, और आपने वैल्यूज दिए, तो सी भी करेक्ट है, राइट? आप कॉलम नेम देकर भी वैल्यूज को दे सकते हो और आप कॉलम नेम नहीं देकर भी वैल्यूज को दे सकते हो. लेकिन आप जब कॉलम नेम नहीं देते हो तो आपको ऑर्डर करेक्ट रखना है, राइट? मतलब वैल्यूज का ऑर्डर करेक्ट रखना है. अगर नंबर वैल्यू पहले आने तो पहले नंबर वैल्यू दोगे, देन आप स्ट्रिंग वैल्यू सेकेंड आने तो स्ट्रिंग वैल्यू सेकेंड दोगे, लाइक दिस. फाइन, ओके, तो यहाँ पे हमारे दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी. फाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल. एसक्यूएल इनमें से कौन से क्या है एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस हैं. फाइन, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है एवरेज, एवरेज पूरा यूज नहीं होता, एवीजी यूज होता है, राइट? आपका मैक्स भी करेक्ट है और आपका काउंट भी करेक्ट है. तो यहाँ पे दो एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मैक्स फंक्शन एंड काउंट फंक्शन. ओके, नाउ ऑल एग्रीगेट फंक्शंस इग्नोर नल्स एक्सेप्ट फॉर द फंक्शन. ऐसा कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है जो नल वैल्यूज को भी काउंट करता है, राइट? क्योंकि एग्रीगेट के सारे फंक्शंस मैक्स मिन एवरेज वो क्या करते हैं, नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते, बट एक ही फंक्शन है जो एवरेज वैल्यू को, सॉरी, नल वैल्यू को भी काउंट करता है, वो है काउंट स्टार फंक्शन, जो नल वैल्यूज को भी काउंट करता है. फाइन, ओके, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML इंक्लूड स्टेटमेंट डेट मोडिफाई डैश ऑफ द टेबल्स ऑफ द डेटाबेस. तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स का क्या यूज होता है? डेटा मैनिपुलेशन DML स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. तो ये किस लिए यूज होती है? ये होती है फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. आप डेटा सिलेक्ट करना चाहते हो, आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो टेबल के अंदर, आप डेटा को अपडेट करना चाहते हो, डेटा डिलीट करना चाहते हो, उसके लिए DML कमांड्स का यूज होता है. तो यहां पे क्या है ऑप्शन, इंक्लूड स्टेटमेंट दैट मॉडिफाई द डेटा ऑफ द टेबल ऑफ द डेटाबेस. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डेटा, राइट? DML कमांड्स का क्या यूज होता है? टू मैनिपुलेट द डेटा ऑफ द डेटाबेस. ओके, देन व्हाट शुड बी द डेटा टाइप फॉर द कॉलम प्राइस स्टोरिंग वैल्यू लेस देन 1000. अभी क्या कह रहा है कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे कि अगर आपको प्राइस को स्टोर करना है. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, नंबर डेटा है, ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको कैसे स्टोर करना है. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 200.21, ओके, तो 5 डिजिट का नंबर होगा और 2 डेसिमल पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए, राइट? समझ आ रहा है एग्जांपल में क्या दिया कि डेटा ऐसे स्टोर करोगे. एक एग्जांपल दिया है 200.21, तो टोटल डेटा है जो 5 डिजिट का है और डेसिमल पॉइंट 2 डेसिमल पॉइंट है. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर 52 है. फाइन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है.
नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू डेट कैन बी स्टोर्ड इन द नंबर 42? तो ये कह रहा है कि अगर आपका डेटा टाइप है न्यूमरिक और वहां पे लिमिट दी है 42, तो क्या है पूरा जो टोटल नंबर है वो 4 डिजिट का होना चाहिए इंक्लूडिंग 2 डेसिमल पॉइंट. फाइन, पूरा टोटल नंबर 4 डिजिट का इंक्लूडिंग 2 डेसिमल पॉइंट. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है. पूरा टोटल नंबर आपका क्या है 4 डिजिट का है इंक्लूडिंग 2 डेसिमल पॉइंट. ओके, अ रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड बाय डैश दैट रिलेट्स टू टेबल्स वेयर वन टेबल रेफरेंसेस अदर टेबल की. यहाँ पे एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश होती है जहां पे एक टेबल का कॉलम दूसरे टेबल के कॉलम को रेफरेंस करता है. राइट, ओके. तो ये किसकी हेल्प से होता है? जब एक टेबल की फॉरेन की दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करती है, मतलब यू कैन से उससे डेटा लेती है. फॉरेन की के फॉरेन की टेबल के अंदर आप डेटा चेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो डेटा चेंज नहीं होता है प्राइमरी की टेबल के अंदर. फाइन, समझ में आया. अ रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड, एक रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं दो टेबल के बीच में. किसकी हेल्प से? फॉरेन की हेल्प से. डेट रिलेट्स टू टेबल्स, जो दोनों टेबल को रिलेट करती है. वे वन टेबल रेफरेंसेस, जहां पे एक टेबल दूसरे टेबल को रेफरेंस करती है. फाइन, समझ में आया. अब देखो, जब हम क्या करते हैं, फॉरेन की क्या होती है? एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है, ठीक है, दूसरे टेबल के अंदर क्या होता है, सेम प्राइमरी की एज अ फॉरेन की हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं. फाइन, मतलब एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है उसका डेटा हम दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज करते हैं. अब अगर प्राइमरी की, तो क्या होता है, ये दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होती है. जैसे हमने क्या किया, एक टेबल बनाई स्टूडेंट रिकॉर्ड की जिसके अंदर हमने लिया रोल नंबर, ओके, स्टूडेंट नेम एंड क्लास. दूसरी एक हमने टेबल बनाई जिसके अंदर अगेन हमने लिया रोल नंबर, ओके, स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर एंड स्टूडेंट्स डिटेल. फाइन, तो देखो यहाँ पे रोल नंबर कॉलम सेम है, यहाँ पे रोल नंबर कॉलम सेम है. एक टेबल के अंदर वो प्राइमरी की है, दूसरे टेबल के अंदर वो फॉरेन की है. ओके, तो ये क्या है, दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है. फाइन, ये दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है. अगर आप रोल नंबर 1 का डेटा देखोगे तो उसका रोल नंबर नेम है अमित, ओके, और क्लास है उसकी 12, और यहाँ पे आप उसका एडमिशन नंबर देख सकते हो सेम रोल नंबर से, और उसका उसकी डिटेल्स देख सकते हो. राइट, तो यहाँ पे क्या है, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की. फाइन, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज टर्म्ड एज फॉरेन की व्हेन इट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. ठीक है, तो यही सेम चीज आ गई है कि एक एन एट्रीब्यूट इन रिलेशन, एक कॉलम. एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम या फील्ड. एक फील्ड क्या है, टेबल. रिलेशन क्या होता है, टेबल. ठीक है, फिर से देखो. एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम या फील्ड इन अ रिलेशन इन अ टेबल इज टर्म्ड एज फॉरेन की. एक कॉलम को फॉरेन की कहा जाता है व्हेन इट रेफरेंस, जब वो क्या करता है, रेफरेंस करता है प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. राइट, समझ आया. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द DDL स्टेटमेंट. इनमें से कौन सी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स हैं? तो DDL कौन सी होती है, विच आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेस, लाइक क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम. ठीक है, तो आपको ये बताना कि इनमें से कौन सी DDL कमांड्स हैं. फाइन, तो आप देखो यहाँ पे क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ये तीनों DDL कमांड है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी. आपको एक क्वेरी देखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डैश नेम डैश. राइट, हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. आप एम्प्लॉय टेबल से डेटा को क्या कर रहे हो, डिस्प्ले करा रहे हो. ओके, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ऑर्डर बाय सैलरी, जहां पे सैलरी कॉलम से आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, नेम से अरेंज कर रहे हो. ठीक है, टू डिस्प्ले द सैलरी फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर. अब यहाँ पे आप सैलरी दिखाना चाहते हो ग्रेटर टू स्मॉलर. राइट, मीन्स आप क्या करना चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हो, और नेम एंड नेम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप असेंडिंग में दिखाना चाहते हो. ओके, ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी यूज. अब आपको क्या करना है, सैलरी को दिखाना है आपको डिसेंडिंग में, और आपको नेम को दिखाना है असेंडिंग में. तो आप कौन से कीवर्ड यूज करोगे, यहाँ पे आप ऑप्शन सी करेक्ट है आपका. आप सैलरी के साथ कीवर्ड यूज करोगे DESC,
फॉर डिसेंडिंग, क्योंकि यहाँ आपको ग्रेटर टू स्मॉलर दिखाना है, और नेम के साथ आप यूज करोगे एएससी, क्योंकि यहाँ आपको असेंडिंग में दिखाना है, मीन्स स्मॉल टू ग्रेट, स्मॉल टू लार्ज, फाइन, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए टू जी, फाइन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज लिस्ट द रिजल्ट इन ऑर्डर. अगर ऑर्डर ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपके रिजल्ट को किस फॉर्म में अरेंज करता है, ये आपके रिजल्ट को अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर में. अगर आप कोई भी कीवर्ड नहीं दे रहे हो, ठीक है, डीईएससी या एएससी, आप कोई भी कीवर्ड नहीं दे रहे हो, तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, आपके रिजल्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, फाइन, ओके. विच क्लॉज इज यूज टू शॉर्ट द क्वेरी रिजल्ट, कौन से क्लॉज का यूज किया जाता है क्वेरी रिजल्ट को शॉर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है. ऑर्डर बाय क्लॉज अलाउज शॉर्टिंग ऑफ द क्वेरी रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम्स, ठीक है. ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके आप अपनी क्वेरी को शॉर्ट कर सकते हो, मतलब जो भी आप चाहते हो आपके टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न में शॉर्ट होकर आए, तो आप उसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर सकते हो, ओके. लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट होता है ओनली वही शॉर्ट होके आता है, जो टेबल ओरिजिनल टेबल होती है वो एज इट इज रहती है, फाइन. तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ऑर्डर बाय, राइट, ओके. विच ऑपरेटर टेल्स अ कॉलम फॉर द एब्सेंस ऑफ डेटा, दैट इज नल वैल्यू. आपको अगर फाइंड आउट करना है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू है कि नहीं, तो आप कौन से ऑपरेटर का यूज करते हो, तो या वहां पे हम इज ऑपरेटर का, इज नल ऑपरेटर का यूज करते हैं, ओके. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑपरेटर, फाइन, राइट. क्या पूछे गया, विच ऑपरेटर टेस्ट अ कॉलम फॉर द एब्सेंस ऑफ डेटा. आपको फाइंड आउट करना है कि किसी कॉलम में नल डेटा है या नहीं, तो आप इज नल ऑपरेटर का यूज करोगे, फाइन, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिट्राइव डेटा, कौन से एसक्यूएल कमांड का यूज किया जाता है डेटा को रिट्राइव करने के लिए, तो इट इज वेरी क्लियर, सिलेक्ट कमांड का यूज किया जाता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल. तो आपको अगर पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए तो आप कॉलम नेम देते हो, आपको कंप्लीट टेबल चाहिए तो आप सिलेक्ट स्टार देते हो, राइट. तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द टेबल, फाइन, ओके. व्हाट डज डीएमएल स्टैंड फॉर, DML की फुल फॉर्म क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ओके. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. दीज कमांड्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा इन द डेटाबेस, राइट, ओके, ओके. द डैश क्लॉज ऑफ सिलेक्ट क्वेरी अलाउज अस टू सिलेक्ट ओनली दोज रोज इन द रिजल्ट दैट सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड कंडीशन, ओके. तो कौन से क्लॉज का यूज किया जाता है, जब आपको एक पर्टिकुलर रो के अंदर क्या करनी है, कंडीशन को पुट करना है, फाइन. तो यहाँ पे अगर आपको नंबर, मतलब एक सेट ऑफ रोज पे करना होता तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करते, जब आपको इंडिविजुअल रो पे कंडीशन को सेट करना होता है तो आप वेयर क्लॉज का यूज करते हो, राइट. द वेयर क्लॉज ऑफ सिलेक्ट क्वेरी अलाउज अस टू सिलेक्ट ओनली दोज रोज इन द रिजल्ट दैट सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड कंडीशन, राइट. एक पर्टिकुलर रो पर अगर आप कंडीशन लगाओगे तो आप वेयर क्लॉज का यूज करोगे, अगर आप सेट ऑफ रोज पर कंडीशन लगाओगे तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करोगे, फाइन. Now, which of the following function is used to find the smallest value from the given data in MySQL? अगर आपको एक सेट ऑफ डेटा में से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप MySQL के कौन से फंक्शन का यूज करोगे, इसके लिए हम यूज करेंगे मिन फंक्शन का, राइट, विच इज यूज टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा, ओके. तो यहाँ पे आप मिनिमम फंक्शन का यूज करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस. आप इस स्टेटमेंट को कंसीडर करोगे कि कौन सी स्टेटमेंट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. तो सिलेक्ट आपकी कौन सी स्टेटमेंट है, सिलेक्ट आपकी यहाँ पे आप डेटा को डिस्प्ले करा रहे हो, डेटा सिलेक्टेड है, तो ये आपकी डीएमएल स्टेटमेंट है, ओके. क्योंकि आपकी ये जो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कौन सी स्टेटमेंट है सारी, ये आपकी डीएमएल स्टेटमेंट है, फाइन, ओके. नाउ द हैविंग क्लॉज डज विच ऑफ द फॉलोइंग, हैविंग क्लॉज क्या करता है, एक्स एग्जैक्टली लाइक वेयर क्लॉज, नो, वेयर क्लॉज की तरह वो वर्क नहीं करता, क्योंकि वो सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होता है, सेट ऑफ रोज के ऊपर, ओके. देन आपका नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स लाइक अ वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर कॉलम्स रेदर देन ग्रुप्स, ये भी रॉन्ग है. आपका नेक्स्ट क्या है, एक्स लाइक वेयर क्लॉज बट इट इज यूज
फॉर्म ग्रुप रेदर देन रोज। ओके, तो यहां पे क्या है आपका जो सी ऑप्शन है, फाइन। ओके, उसमें कहा क्या कहा जा रहा है कि वो वेयर क्लॉज की तरह कंडीशन तो सेट करता है, ओके, लेकिन वो ग्रुप बना के ग्रुप के ऊपर कंडीशन सेट करता है, इंडिविजुअल रो पे नहीं करता है, फाइन। तो आपका ये ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, फाइन, राइट। नाउ विच क्लॉज इज यूज विद एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन के साथ कौन सा क्लॉज यूज किया जाता है। तो वी नो डेट की ग्रुप बाय क्लॉज एग्रीगेट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ग्रुप बाय क्लॉज का फंक्शन क्या होता है, इसका यूज क्या है, ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, उन सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है जो क्या है, सेम है, ओके, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सेम है, उनका क्या क्रिएट कर देता है, उनका ग्रुप बना देता है। ओके, दिस ग्रुपिंग रिजल्ट इनटू वन समरी रिकॉर्ड। तो क्या होता है, ग्रुपिंग बनने के बाद उसका एक समरी रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है, फाइन। समझ आया, ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स को की ग्रुपिंग कर देता है, उनको एक ग्रुप में डाल देता है, फाइन। और ग्रुप बाय क्लॉज हम किसके साथ यूज करते हैं, हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज से पहले हम ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद जो आइडेंटिकल वैल्यूज होती हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद उनके ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, फाइन। ओके, नाउ इफ कॉलम सैलरी कंटेन्स द डेटा, सैलरी कॉलम के अंदर डेटा है आपका 15,000, 25,000, 10,000, अगेन 15,000, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। तो क्या आउटपुट आएगा, फाइन। सिलेक्ट सम डिस्टिंक्ट सैलरी, अब यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड यूज किया डिस्टिंक्ट सैलरी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डुप्लीकेट वैल्यूज आई हुई है वो क्या हो जाएंगी, इलिमिनेट हो जाएंगी, फाइन, फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो आपका एडिशन हो जाएगा, आपका एडिशन हो जाएगा यहाँ पे 15,000 का, देन 25,000 का, देन 10,000 का, जो अगेन आपका 15,000 आया है ये क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, फाइन। तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 50,000 टोटल, ओके, इसको मिला के, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट सैलरी बोला है, तो जो डुप्लीकेट वैल्यू आई है डिस्टिंक्ट कीवर्ड उसको इलिमिनेट कर देगा, फाइन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ओके, नाउ एसक्यूएल अप्लाइज कंडीशन ऑन द ग्रुप्स थ्रू डैश क्लॉज आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड। तो ये क्या कह रहा है कि एसक्यूएल ग्रुप्स बनने के बाद कौन से क्लॉज का यूज करके उन ग्रुप्स पर क्या करता है, कंडीशंस को अप्लाई करता है। देखो, एसक्यूएल अप्लाइज कंडीशन ऑन द ग्रुप्स थ्रू, ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है किस क्लॉज की हेल्प से, तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्लॉज यूज होता है, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ और ग्रुप्स के साथ हैविंग क्लॉज यूज होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है हैविंग, एसक्यूएल अप्लाइज कंडीशंस ऑन द ग्रुप थ्रू हैविंग क्लॉज आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड। ओके, और अगर इंडिविजुअल रोज पे आपको कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप वेयर क्लॉज का यूज करोगे, फाइन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज कंटेन एन एरर, इनमें से कौन सी क्वेरी क्या क्या कंटेन कर रही है, एन एरर कंटेन कर रही है, हम देखेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स दिस, दिस इज करेक्ट। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स दिस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे आपने क्या दिया है, आपने कंडीशंस भी दी है। ओके, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम द एम्प्लॉय, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम वेयर एम्प्लॉय आईडी इज दिस एंड लास्ट नेम इज दिस, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेबल नेम नहीं आया, फ्रॉम ईएमपी। ओके, स्टेटमेंट करेक्ट तब होती है जब यहाँ पे सिलेक्ट ईएमपी एम्प्लॉय आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज दिस एंड लास्ट नेम इज दिस फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पे टेबल नेम स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, आपकी स्टेटमेंट डी, फाइन। नाउ विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन एसक्यूएल क्वेरी, फाइन। तो एसक्यूएल का कौन सा फंक्शन है जो काउंट करता है नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, राइट। अगर आपको क्या करना है कि डुप्लीकेट रोज को काउंट नहीं कराना है, नल रोज को नहीं काउंट कराना है, तो यहाँ पे आप काउंट फंक्शन का यूज करो को करेक्ट कर सकते हो, और आपको सारी की सारी डुप्लीकेट नल जितनी भी रोज है सबको काउंट कराना है तो आप काउंट स्टार का यूज कर सकते हो, राइट। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेते हैं काउंट स्टार, वैसे तो दोनों ही करेक्ट है लेकिन यहाँ जो जो ज्यादा वैलिड आंसर है वो काउंट स्टार है, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करके देगा, आइदर दे आर कंटेनिंग डुप्लीकेट वैल्यूज और नल वैल्यूज, फाइन। तो यहाँ पे हमारा आंसर है काउंट स्टार। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फंक्शन इग्नोर नल वैल्यूज, इनमें से कौन सा ग्रुप फंक्शन नल वैल्यूज को इग्नोर करता है? तो आपका मैक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन एंड सम फंक्शन, तीनों फंक्शन नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, राइट. ओनली काउंट स्टार फंक्शन है जो नल वैल्यू को काउंट करता है, अदरवाइज ऑल द एग्रीगेट फंक्शन, जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते, इग्नोर करते हैं. फाइन, ओके. नाउ What will be the order of the data being sorted after the execution of given query? जब इस query को execute किया जाएगा तो data किस order में sort होगा? तो आपने दिया select start from student order by roll number. आपने दिया है order by roll number, तो यहाँ पे जो हमारा roll number column है वो ascending order में select होगा, क्योंकि by default order by clause किस order में sort करता है query को? Ascending order में sort करता है, मतलब छोटे से बड़े, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक. फाइन, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है असेंडिंग ऑर्डर. ओके, राइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट किस टाइप की स्टेटमेंट है. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम क्या करें, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं. ओके, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट है, जहां पे डेटा डेफिनेशन मींस जहां पे डेटाबेस को, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, जो कमांड्स टेबल का स्ट्रक्चर डिसाइड करती है. ओके, तो यहाँ पे जो क्रिएट कमांड है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, ये कौन सी कमांड्स होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होती है. फाइन, नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड रिट्राइव डेटा फ्रॉम द टेबल्स? कौन सी एसक्यूएल कमांड का यूज किया जाता है टेबल से डेटा को रिट्राइव करने के लिए? तो हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं? हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल. ओके, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम द टेबल. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी. नाउ विच ऑपरेटर चेक्स अ वैल्यू बिटवीन अ रेंज ऑफ वैल्यूज? कौन से ऑपरेटर का यूज किया जाता है वैल्यूज एक पर्टिकुलर रेंज देने के लिए? तो यहाँ पे हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं. वो क्या करता है? इट गिव्स द रेंज विच इंक्लूड बोथ द लोअर एंड अपर वैल्यू. ये रेंज को डिफाइन करता है जहां पे लोअर और अपर वैल्यू दोनों को कंसिडर किया जाता है. फाइन, ओके. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड? कौन सी DDL कमांड है? यहाँ पे सिलेक्ट आपकी क्या है? DML है कमांड, इंसर्ट DML है, अपडेट आपकी DML है. तो यहाँ पे आपकी जो ऑल्टर कमांड है वो क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है, DDL कमांड है. फाइन, दिस इज योर DDL कमांड. ओके, नाउ कंसीडर द टेबल विद द स्ट्रक्चर एज. आपने एक टेबल क्रिएट किए, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, स्टूडेंट टेबल है, उसमें कॉलम्स नेम है ID, नेम, डिपार्टमेंट नंबर एंड टोटल क्रेडिट, राइट. इन द अबव टेबल विच एट्रीब्यूट विल फॉर्म द प्राइमरी की? अगर आपको इसमें से प्राइमरी की बनानी है तो आप कौन से एट्रीब्यूट को, मतलब कौन से कॉलम को आप प्राइमरी की बनाओगे? तो यहाँ पे नेम सेम हो सकते हैं, डिपार्टमेंट लोगों का सेम हो सकता है, क्रेडिट्स भी सेम हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम किस टेबल को प्रेफर करेंगे जो प्राइमरी की बने? हम ID को प्रेफर करेंगे, बिकॉज ID क्या होगा? सबका यूनिक होगा. और हम कौन से कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं? जो क्या होता है? यूनिक कॉलम होता है. फाइन, नाउ वी हैव assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चन. यहाँ पे assertion क्या है? स्टेटमेंट है जो आपको करेक्ट लगती है और उसके लिए आप एक पर्टिकुलर रीजन देते हैं. फाइन, ओके. नाउ द assertion इज ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू शॉर्ट द रिकॉर्ड्स. ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज किया जाता है रिकॉर्ड को शॉर्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए. फाइन, आपने रीजन क्या दिया है? फॉर शॉर्टिंग की वर्ड ASCII एंड DESCII आर यूज. शॉर्टिंग के लिए आप ASCII एंड DESCII की वर्ड्स का, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग की वर्ड्स का यूज करते हो. फाइन, तो यहाँ पे हमारा assertion एंड रीजन दोनों करेक्ट है. ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. रीजन क्या है? आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. ओके, ओके. आपका assertion क्या है? काउंट फंक्शन इग्नोर्स डिस्टिंक्ट. काउंट फंक्शन डिस्टिंक्ट वैल्यू को, यूनिक वैल्यू को इग्नोर करता है. फाइन, ये क्या है? ये assertion आपका क्या है? रॉन्ग है,
क्योंकि काउंट फंक्शन यूनिक वैल्यू को लेता है, यूनिक वैल्यू को काउंट करता है, बट यहाँ पे क्या इग्नोर्स डिस्टिंक्ट किया हुआ है, तो ये आपका एसर्शन क्या है, फॉल्स है. देन डिस्टिंक्ट इग्नोर्स डुप्लीकेट वैल्यू, आपका रीजन क्या दिया हुआ है, डिस्टिंक्ट जो कीवर्ड होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर करता है. ओके, तो दिस इज करेक्ट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है डुप्लीकेट वैल्यूज को इलिमिनेट करने के लिए. फाइन, तो एसर्शन तो आपका रॉन्ग है बट आपका रीजन करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, ऑप्शन डी, दैट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मीन्स एसेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. ओके, नाउ एसेशन इज द यूनिक कीवर्ड एंश्योर्स नो डुप्लीकेट वैल्यूज इन द टेबल. यूनिक कीवर्ड जब आप टेबल क्रिएशन में यूज करते हो तो वो क्या एंश्योर करता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते. फाइन, तो यहाँ पे हमारा एसेशन ट्रू है. देन रीजन वी हैव, डिस्टिंक्ट इज सिमिलर टू यूनिक, जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं वो क्या है, यूनिक का सिमिलर है. ठीक है, यूनिक कीवर्ड हम यूज करते हैं टेबल क्रिएशन के टाइम पर, राइट. डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द टेबल. फाइन, कि आप अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज कीवर्ड यूज करोगे तो वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज शो करेगा. तो इन दोनों का फंक्शन सेम है. फाइन, तो ये आप इसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, आप इसके लिए ऑप्शन चूज करोगे ऑप्शन ए, बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन, क्योंकि यूनिक कीवर्ड का यूज क्या इंश्योर करता है कि आप टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते, और डिस्टिंक्ट क्या इंश्योर करता है कि जब वो रिजल्ट शो करेगा तो आपको विदाउट डुप्लीकेट वैल्यूज शो करेगा. तो ऑलमोस्ट इन दोनों का फंक्शन सेम है. फाइन, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे. ओके, ओके, नाउ वी हैव द एसेशन, द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड विद द एग्रीगेट फंक्शन. हैविंग क्लॉज का यूज किया जाता है एग्रीगेट फंक्शन के साथ टू पुट कंडीशन ऑन द सेट ऑफ वैल्यूज. फाइन, ये एसेशन हमारा ट्रू है. वेयर क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज. वेयर क्लॉज का क्या यूज है, वो इंडिविजुअल रोज पर कंडीशंस को प्लेस करते हैं या उन कंडीशंस को लगाते हैं. फाइन, तो दोनों क्या है, करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो एसेशन का करेक्ट रीजन नहीं है. तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, आप ऑप्शन बी यूज करोगे, बोथ ए एंड आर, एसेशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, ओके, नाउ द एसेशन इज द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज गिवन विद द कॉलम. जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो हम कॉलम के साथ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट देते हैं. ओके, हम पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं, तो हमारा एसेशन यहाँ पे क्या है, ट्रू है. नाउ रीजन, null values are not allowed to be entered using the not null constraint. जब आप not null constraint लगाते हो किसी भी कॉलम पे तो वो कॉलम क्या करता है, null values को enter नहीं करने देता. Fine, reason भी correct है. अब यहाँ पे assertion भी correct है और reason भी correct है, लेकिन reason assertion को justify नहीं करता है, वो उसका reason नहीं है. Fine, तो आप कौन सा option choose करोगे, आप option B use करोगे, both assertion and reason are true but R, reason is not the correct explanation of A. फाइन, क्योंकि दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीजन एसेशन को जस्टिफाई नहीं करता है. ओके, नाउ वी हैव द एसेशन, मैक्स एंड मिन आर एग्रीगेट फंक्शन. मैक्स एंड मिन क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है. यस, दे आर एग्रीगेट फंक्शन. देन रीजन इज दीज कैन वर्क ऑन मल्टीपल रोज. मैक्स और मिन दोनों जो फंक्शंस हैं वो उनको हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, हम मल्टीपल रोज पर उनको अप्लाई कर सकते हैं. फाइन, ओके, तो यहाँ पे हमारा एसेशन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज करोगे ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर, एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट. Computer networks MCQ. So let us start with the first MCQ. Each IP packet must contain, जब network के through data travel करता है तो वो packets के form में travel करता है from source to the destination और from destination to the source, right? तो यहाँ पे जो packets होते हैं वो contain करते हैं source and destination address. जो आपका packet होता है उसके अंदर source address भी होना चाहिए और destination address भी होना चाहिए. Source बताता है कि वो data कहाँ से आया है और destination address बताता है कि उस डेटा को कहां पे जाना है. ओके, राहुल वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश कंप्यूटर नेटवर्क इन हिज साइबर कैफे. राहुल को अपने साइबर कैफे में कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना है, एस्टेब्लिश करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल बी सजेस्टेड बाय यू टू कनेक्ट ईच कंप्यूटर इन द कैफे. तो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कौन से डिवाइस को आप सजेस्ट करोगे. तो यहाँ पे हमारे पास है स्विच, मॉडम, गेटवे, रिपीटर. तो एक लैन नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो होता है स्विच, राइट. तो आपका आंसर है स्विच.
नाउ हब इज अ, हब क्या है, एक कनेक्टिंग डिवाइस है, ओके, जो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लैन नेटवर्क क्रिएट करने के लिए इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो हब क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। ब्रॉडकास्ट डिवाइस इसलिए है क्योंकि हब क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर्स हब के साथ अटैच्ड होते हैं, राइट, मान लो इसके साथ दो कंप्यूटर है, तीन कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये क्या करता है, सबको मैसेज डिलीवर कर देता है, सेम मैसेज, फाइन। तो इसलिए हब को ब्रॉडकास्ट डिवाइस भी कहा जाता है, राइट। A network point that provides entrance into another network is called as, एक ऐसा network point जो क्या करता है, दूसरे network में आपको connectivity provide करता है, entrance provide करता है, right? एक दरवाजा provide करता है दूसरे network से connect करने के लिए। ऐसा device कौन सा होता है जो एक network से दूसरे network को connect करता है, एक entrance provide करता है, तो वो हमारा है gateway। गेटवे क्या करता है, डिसिमिलर नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है, राइट। आप और आप कह सकते हैं ये आपके लोकल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ ज्वाइन करता है, ये लैन को वैन से ज्वाइन करता है, ये लैन को मैन से ज्वाइन करता है, राइट। नाउ प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, सेट ऑफ रूल्स की हेल्प से आप क्या करोगे, प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न कम्युनिकेशन अमंग द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, ओके। तो नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं, ओके, किस लिए, वो सेट ऑफ रूल्स इसलिए फॉलो करते हैं जिससे कि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, राइट, ओके। अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द, इंटरनेट पे जो हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इट इज़ द वेब ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, राइट। वर्ल्ड वाइड वेब वो इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, और ये हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स से बनी हुई, हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स मीन्स जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, फाइन। NIC stands for Network Interface Card, right? NIC की फुल फॉर्म क्या है, Network Interface Card। NIC क्या होता है, डिवाइस होता है जो आपके सिस्टम में इनबिल्ट भी आता है, राइट, ओके, और ये एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपके कंप्यूटर आपके डिवाइस में डाला जाता है, क्यों, नेटवर्क से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप अपने डिवाइस को, अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर NIC का होना बहुत जरूरी है, राइट। ARPANET stands for, ARPANET क्या है, फर्स्ट नेटवर्क जो आया था और जो लेटर ऑन किस में डेवलप हुआ था, इंटरनेट में, राइट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, राइट। MAC address is also called, MAC address क्या होता है, किसी भी डिवाइस का, कंप्यूटर का, और यू कैन से कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है, राइट, और इसको कहाँ पे डाला जाता है, इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर डाला जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंप्यूटर्स, राइट। और इसको आपके कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस कहा जाता है, क्यों, MAC address की हेल्प से ही आपके कंप्यूटर की लोकेशन पता लगाई जा सकती है, फाइन, ओके। जो आपका IP address होता है वो एक लॉजिकल एड्रेस है, लेकिन MAC address क्या है, फिजिकल एड्रेस है, जैसे आपका होम का एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता जब तक कि आप अपने घर में रह रहे हैं। अगर आपने घर चेंज किया तो चेंज होगा, आपने डिवाइस चेंज किया तो MAC address भी चेंज होगा, बट अगर आप वही सेम डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो उसका फिजिकल एड्रेस, उसका MAC address सेम रहेगा, ओके। इन ऑर्डर टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा और इन्फॉर्मेशन वी नीड टू डैश द डेटा, अगर आप अपने डेटा को सिक्योर करना चाहते हो, ओके, तो जब आपका डेटा ट्रेवल करता है तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करे, एनक्रिप्ट फॉर्म में ट्रेवल करे, राइट, एनक्रिप्ट मीन्स कोडेड फॉर्म में ट्रेवल करे, फाइन। The term TCP/IP stands for, TCP/IP क्या है, आपका प्रोटोकॉल है, राइट, जिसका इंटरनेट यूज करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट, जहां पे इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, मैसेज को डिलीवर करता है फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ओके।
Now, it can be a software program or a hardware device that filters all data packets coming through the internet. ये आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है या हार्डवेयर भी हो सकता है जो क्या करता है, जितना भी डेटा आपके पास इंटरनेट के थ्रू आ रहा है पहले उसको फिल्टर करता है, ठीक है, वो देखता है इसमें कोई सस्पिशियस डेटा तो नहीं है, कोई मालवेयर तो नहीं है, ओके, अ नेटवर्क एक्सेट्रा, इट इज़ नॉन एज, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा फायरवॉल. फायरवॉल आप एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, आप एज अ हार्डवेयर भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो. फाइन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द अनसॉलिसिटेड कमर्शियल इमेज, वो मेल्स जो क्या होते हैं, जो आपके पास बल्क में आते हैं और कमर्शियल ईमेल्स होते हैं, किसी ना किसी कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं वो ईमेल्स, राइट, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्पैम, राइट. Which of the following TCP/IP protocols is used for transferring files from one machine to the another? TCP/IP protocols का कौन सा protocol help करता है files को transfer करने में from one machine to the another? तो यहाँ पे है हमारा file transfer protocol FTP, right? Now what does protocol defines? Protocol होते क्या है? देखो, प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट डेटा इज कम्युनिकेटेड. प्रोटोकॉल बताते हैं कि कौन सा डेटा आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब उसको एक्सचेंज कर रहे हो फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ डेटा इज कम्युनिकेटेड. प्रोटोकॉल ये भी बताता है कि आप कैसे उस डेटा को ट्रांसफर करोगे फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हेन डेटा इज कम्युनिकेटेड. प्रोटोकॉल ये भी बताता है कि आप डेटा कब, आपका डेटा कब ट्रेवल करेगा, कब ट्रांसमिट होगा, राइट. तो यहाँ पे जो है इसका आंसर है डी है. फाइन. ऑल ऑफ द अबव. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन नेटवर्क. नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या मीनिंग होता है? बैंडविड्थ का मीनिंग होता है कि कितना डेटा एक कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमिट कर सकता है विद इन अ गिवन टाइम. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल. ओके. इन स्पेसिफिक इफ द सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स, अगर कोई सिस्टम सेपरेट प्रोटोकॉल यूज करता है, अलग प्रोटोकॉल्स यूज करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू लिंक टू सिस्टम. तो ऐसे दो सिस्टम्स को जो सेपरेट प्रोटोकॉल्स, अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, तो उनको कौन सा डिवाइस लिंक कर सकता है? तो हमारे पास है गेटवे. गेटवे क्या करता है, ऐसे अलग नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है, जैसे लैन को वैन के साथ, लैन को मैन के साथ, ओके, मैन को वैन के साथ. यहाँ पे क्या, अलग अलग नेटवर्क्स हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, तो वहाँ पे गेटवे इनकी ज्वाइनिंग करता है, राइट. Now, the topology in which all nodes are individually connected to a central connection point. ऐसी topology जहाँ पे central connected, जो central point होता है उससे सारे nodes connected होते हैं, तो ऐसी topology हमारे पास होती है star topology. Fine, देखो ये इस type की होती है, जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, central point से connected होते हैं, और ये central point आपका hub भी हो सकता है, switch भी हो सकता है, और इस topology को आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं star topology. Right? Now, Rajesh has purchased a new smart TV and wants to cast a video from his mobile to his new smart TV. Rajesh ने एक new smart TV purchase किया है और वो क्या चाहता है, वो अपने mobile से एक video उसके अंदर चलाना चाहता है, TV के अंदर, right? Identify the type of network he is using. अगर वो अपने mobile से connect करके TV को video run करता है, video चलाता है TV पे, तो यहाँ पे वो कौन सा network create कर रहा है, वो personal area network create कर रहा है, PAN. ओके. नेम द प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू रिसीव ईमेल्स. आप कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से ईमेल्स को रिसीव करते हैं, तो वो है हमारे पास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP, राइट. POP प्रोटोकॉल क्या करता है, मेल्स को रिसीव करता है, उनको इनबॉक्स में जाके सेव करता है. ओके. नेम द प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू सेंड ईमेल्स, और कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से ईमेल सेंड होती है, ठीक है, ईमेल जो सेंडर होता है वो ईमेल्स को सेंड करता है. तो यहाँ पे हमारे पास है SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो सेंडर से मेल लेके जाता है किसके पास, रिसीवर के पास, राइट. नाउ मैक एड्रेस इज ऑफ, आपका जो मैक एड्रेस होता है, मशीन का जो एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है, वो हमारे पास होता है 48 बिट्स का, और हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है. ओके. हेक्साडेसिमल फॉर्म मीन्स 0 to 9 नंबर्स होते हैं उसके अंदर, एंड A to F उसके अंदर अल्फाबेट्स होते हैं. फाइन. नाउ द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड, ऐसा वास्ट नेटवर्क जो मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब मिलियंस ऑफ जो हमारे लोग हैं उनको कनेक्ट करता है, ऐसा नेटवर्क है इंटरनेट. ऑब्वियसली वी नो इट वेरी वेल.
अ डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल इज कॉल्ड, अगर आप किसी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करते हो बिना केबल के यूज़ किए, बिना वायर के यूज़ किए, तो ऐसे डिवाइस को आप क्या बोलोगे? ऐसे डिवाइस को हम बोलेंगे वायरलेस डिवाइस. ओके, नाउ ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ की हेल्प से आप अपने कुछ डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. तो एक छोटा सा ये नेटवर्क क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क. एक ब्लूटूथ की हेल्प से क्या कर सकते हो आप? विद इन अ स्मॉल एरिया आप डेटा एक्सचेंज कर सकते हो. जैसे आपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सॉन्ग्स ट्रांसफ़र किए, वीडियो ट्रांसफ़र की विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, राइट? आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया अपने कार के रेडियो के साथ और वहाँ एफएम के साथ, और आपने अपने मनपसंद वहाँ पे सॉन्ग चलाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये पर्सनल एरिया नेटवर्क. फाइन. Now, which of the following is required to communicate between two computers? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ चाहिए दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए, राइट? कम्युनिकेशन हार्डवेयर चाहिए, ऑब्वियसली डिवाइस चाहिए जो कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट? दोनों के अंदर तभी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स दोनों फॉलो करेंगे तभी हो सकता है. तो इनका सबका जो आंसर है वो है डी, ऑल द अबव इंक्लूडिंग एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम. और ट्रांसमिशन मीडियम का भी होना बहुत जरूरी है टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. तो इसका आंसर है डी, राइट? डैश इज द कलेक्शन ऑफ मैनी सेपरेट नेटवर्क्स, राइट? तो यहाँ पे बताना है कि आपको कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो बहुत सारे नेटवर्क्स का कलेक्शन है. तो वो है हमारे पास इंटरनेट, राइट? इंटरनेट क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ मैनी नेटवर्क्स. फाइन. और यू कैन से इट इज द कलेक्शन, इट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग नेटवर्क्स इनटू नेटवर्क्स, राइट? ओके. नाउ अ डैश इज द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग, प्लांट और कैंपस और बिटवीन नियर बाय बिल्डिंग्स. तो एक ऐसा नेटवर्क जो एक बिल्डिंग के अंदर है, एक कैंपस के अंदर है, ओके, या फिर नियर बाय बिल्डिंग्स के अंदर है, तो ऐसे नेटवर्क को आप कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. फाइन. दिस वॉज द फर्स्ट नेटवर्क. तो आपका जो फर्स्ट नेटवर्क था वो कौन सा था? वो हमारे पास था आर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टॉपोलॉजी. इनमें से कौन सा नेटवर्क टॉपोलॉजी नहीं है, राइट? नेटवर्क टॉपोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क. एक नेटवर्क के अंदर आप कैसे अपने डिवाइस को लगा रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं, उसको टॉपोलॉजी बोलते हैं. तो स्टार टॉपोलॉजी है, हमारे पास रिंग है, बस है, बट पीयर टू पीयर हमारी टॉपोलॉजी नहीं है, ये हमारा आर्किटेक्चर है. फाइन. पीयर टू पीयर इज द आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे जो नेटवर्क टॉपोलॉजी नहीं है वो है पीयर टू पीयर. ओके. द टर्म HTTP स्टैंड फॉर. HTTP क्या है? आपका प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके. वो प्रोटोकॉल जो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, आपके वेब डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करता है, राइट? ओके. तो इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी? सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स. किसी भी इंटरनेट के रिसोर्स की लोकेशन किससे आप पहचानते हो? उसके URL से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके वेब एड्रेस से, राइट? ओके. नाउ टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क. इफ आप दो डिवाइसेस को नेटवर्क में कहेंगे कब? जब वो क्या करेगा? अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस. जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में कैपेबल है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों डिवाइस एक नेटवर्क में कनेक्टेड है. फाइन. इन कंप्यूटर कन्वर्टिंग अ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल. अगर आप कंप्यूटर में जब डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, फाइन, तो ये कौन कन्वर्ट करता है? मॉडेम कन्वर्ट करता है, राइट? कंप्यूटर कौन से सिग्नल्स पे वर्क करता है? कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है. लेकिन जब सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं टेलीफोन लाइन्स के थ्रू, वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं. फाइन. कंप्यूटर में आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं. ओके. तो जब डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है मॉड्यूलेशन, राइट? जब यहाँ पे लगा मॉडम क्या करता है? कंप्यूटर से सिग्नल लेकर उनको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो इस प्रोसेस को बोलते हो आप मॉड्यूलेशन, राइट? लेकिन जब रिसीवर के पास आपका डेटा जाता है, ओके, और उसका मॉडम एनालॉग सिग्नल्स को कैच करता है, ओके, एनालॉग, अब यहाँ पे एनालॉग को ये कैच करेगा और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर रिसीवर के पास सेंड करेगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीमॉड्यूलेशन, राइट?
Converting digital signal into analog is modulation, and converting analog signal into digital is demodulation. Okay. The device that can operate in place of hub is, hub के place पर आप कौन से device का use कर सकते हो, तो हम switch का use कर सकते हैं. Fine, hub के place पर आप switch का use कर सकते हो. दोनों में सिर्फ एक ही difference है. Hub क्या करता है, जितने भी messages आते हैं उसके पास, वो जितने भी उसके पास nodes connected होते हैं सबको वो broadcast कर देता है, सबको वो send कर देता है. But switch क्या करता है, सिर्फ destination, जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है जिसके पास मैसेज जाना है, सिर्फ उसी के पास मैसेज को सेंड करता है. राइट अब यहाँ पे क्या है, स्विच इज अ यूनिकास्ट डिवाइस. यूनिकास्ट मींस जो एक पर्टिकुलर सिस्टम को ही मैसेज सेंड करेगा जिसके लिए वो मैसेज आया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिकास्ट डिवाइस. नाउ Which of the following allows you to connect and login to a remote computer? अगर आप किसी रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो और उस रिमोट कंप्यूटर पे आप वर्क करना चाहते हो, रिमोट कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर आपके प्लेस पे नहीं है, किसी और जगह पे लोकेटेड है. फाइन, तो यहाँ पे आप किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो, यहाँ पे हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं जो कनेक्शन क्रिएट करता है किसके साथ, रिमोट कंप्यूटर के साथ. फाइन, नाउ विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब, कौन सी टोपोलॉजी के अंदर आपको सेंट्रल कंट्रोलर चाहिए. फाइन, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर सेंट्रल कंट्रोलर होता है, स्विच हो सकता है आपका या हब हो सकता है. फाइन, जिससे जितने भी नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं. ओके, द रिंग टोपोलॉजी डेटा इज, जो रिंग टोपोलॉजी का डेटा होता है वो कौन सा, वो किस तरीके का होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो एक ही रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में डिवाइसेस अटैच होते हैं लाइक दिस. फाइन, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जो डेटा होता है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. फाइन, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, यूनिडायरेक्शनल. The topology is designed such that all stations are linked by a single cable known as backbone cable, right? तो ऐसी topology जिसमें जितने भी nodes हैं, जितने भी work stations हैं, वो एक single cable से attached हैं, right? और उस cable को backbone cable कहा जाता है. तो यहाँ पर हमारी ये कौन सी topology होती है, ये आपकी bus topology होती है जिसमें एक backbone होती है, backbone cable, okay? और उस backbone cable से ही सारे के सारे work stations attached होते हैं, right? तो आंसर इज बस टोपोलॉजी. ओके, चॉइस क्वेश्चंस एंड असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. टेलीविजन केबल नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ, टेलीविजन केबल नेटवर्क किसका एग्जांपल होता है. फर्स्ट ऑप्शन है लैन. लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, वो नेटवर्क जो लोकल एरिया तक कन्फाइंड होता है, मतलब एक स्मॉल एरिया में जो नेटवर्क आप क्रिएट करते हो लाइक विद इन अ ऑफिस और विद इन अ बिल्डिंग. ओके, अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टेलीविजन केबल नेटवर्क की, जो कहाँ फैला होता है, थ्रू आउट द सिटी फैला होता है. ओके, तो वैन क्या होता है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड नेटवर्क है, राइट. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैन, राइट. क्योंकि टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या होता है, एक सिटी के अंदर फैला होता है. तो मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो क्या करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है एक पर्टिकुलर सिटी में सारे ऑफिसेज को कनेक्ट करने के लिए. लाइक जैसे यहाँ पे टेलीविजन केबल नेटवर्क है, वो क्या है, एक पूरे सिटी में फैला होता है. तो जो मैन ऐसा नेटवर्क होता है जो डिफरेंट लेंस को कनेक्ट करके बनता है, राइट. तो टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या है, मैन है, क्योंकि ये थ्रू आउट द सिटी फैला होता है. ओके, थ्रू आउट द सिटी इसका एरिया होता है. फाइन, ओके. विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ब्राउजर. अभी इसमें से आपको बताना कि कौन सा ब्राउजर नहीं है. ओके, ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं अपने सिस्टम पर. ओके, राइट. तो यहाँ पे क्रोम हमारा ब्राउजर है. फाइन, ओके, आपका फायरफॉक्स भी ब्राउजर है. ओके, यहाँ पे अवर्स्ट है. अवर्स्ट क्या है, अवर्स्ट इज एंटीवायरस, तो ये ब्राउजर नहीं है. फाइन, और ये क्या पूछ रहा है, कौन सा ब्राउजर नहीं है. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड अवर्स्ट क्या है, एंटीवायरस है, ये ब्राउजर नहीं है. आपकी एज भी, ये भी आपका क्या है, ब्राउजर है. फाइन, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अवर्स्ट, एंड अवर्स्ट बिकॉज दिस इज नॉट अ ब्राउजर. ओके,
Okay, the next question. Summers is the hardware engineer of Happy School. He has been given the task of installing a network in the school lab which has around 40 computers. Okay, यहाँ पे क्या है, समर्थ क्या है, हार्डवेयर इंजीनियर है हैप्पी स्कूल में, और उसको क्या टास्क मिला है, उसको नेटवर्क स्टेब्लिश करने का टास्क मिला है, ठीक है, और कितने कंप्यूटर्स है हमारे पास, 40 कंप्यूटर्स है, फाइन. Now we have question. Suggest the most suitable type of network topology he should use in order to maximize the speed and make each computer independent of network breakdowns. तो यहाँ पे first question क्या पूछ रहा है कि आपको network topology बतानी है. Network topology बतानी है जिसके अंदर क्या हो, speed maximize हो जाए, data transfer की speed maximum हो जाए और computers एक दूसरे से independent हो, जिससे अगर network breakdown होता है तो सारे computers क्या हो उससे affect ना हो, फाइन. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपकी, बस टॉपोलॉजी है. बस टॉपोलॉजी में क्या होगा कि एक आपकी बैकबोन होगी जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे. तो यहाँ पे ये क्या है, कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट. देन रिंग टॉपोलॉजी, रिंग टॉपोलॉजी में भी क्या है, दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, रिंग बनाते हैं, ओके, सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. मैश टॉपोलॉजी, मैश टॉपोलॉजी में तो कंप्लीटली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. तो यहाँ पे हम कौन सी टॉपोलॉजी चूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्टार टॉपोलॉजी, जहां पे क्या होता है सेंट्रल हब या स्विच, आपके सेंट्रल हब या स्विच से क्या होते हैं सारे के सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं. तो कोई भी एक सिस्टम या दो सिस्टम खराब होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन नहीं होता, फाइन. ये आपका सेंट्रल हब आप इसमें यूज कर सकते हो या सेंट्रल आप स्विच यूज कर सकते हो, फाइन. तो यहाँ पे आप कौन सी टॉपोलॉजी यूज करोगे, स्टार टॉपोलॉजी, फाइन, ओके. नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू अलाउ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर टू ओनली द इंटेंडेड कंप्यूटर्स विच नेटवर्क डिवाइस इज रिक्वायर्ड इन द लैब टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स. अब वो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, डेटा ट्रांसफर सर्वर से सिर्फ उसी कंप्यूटर को करना है जिसको सर्वर सेंड करना चाहता है डेटा, राइट. तो आप कनेक्शन के लिए कौन से डिवाइस का यूज करोगे, फाइन. यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम स्विच का यूज करेंगे, क्योंकि स्विच क्या करता है, स्विच इज अ यूनिकास्ट डिवाइस, ठीक है, यूनिकास्ट डिवाइस होता है विच आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन नोड एंड फॉरवर्ड डेटा टू डेट नोड ओनली. जो क्या करता है, डेस्टिनेशन नोड को, डेस्टिनेशन कंप्यूटर को, डेस्टिनेशन डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद उस नोड को ही डेटा ट्रांसफर करता है, राइट. तो यहाँ पे हम किस डिवाइस का यूज करेंगे, कनेक्शन के लिए स्विच का यूज करेंगे, ओके. Now, after setting up the lab and the internet in the lab, Samarth is now required to enable videos and animation to be played on the web browser for students of multimedia class. अब क्या है, lab set हो चुकी है, अब क्या समर्थ क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके lab में animations और videos play हो web browser पर, okay? Which browser tool or service can be used for the same? अब sometimes क्या होता है, हमें अपने browsers में कुछ extra extensions और आप कह सकते हो add-ons को क्या करना होता है, install करना होता है, fine? जिससे क्या होता है, उसकी जो features होते हैं वो increase हो जाते हैं, right? तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, किस एक्स्ट्रा ब्राउजर टूल या सर्विस का यूज करेंगे, यहाँ पे हम एडोन्स का यूज करेंगे, राइट. एडोन्स क्या होते हैं, एडोन्स आपको आप एक्सटेंशंस भी कह सकते हो. दीज आर स्मॉल एप्लीकेशंस, क्या होती है, छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, ओके, डेट एड फीचर्स टू योर ब्राउजर एंड एनहेंस और मॉडिफाई द डिस्प्ले ऑफ द ब्राउजर. मीन्स क्या, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स है या एप्लीकेशन है जो ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आप वो डाल देती है, ओके. ये क्या होते हैं, रेगुलर एप्स की तरह होते हैं, लेकिन ये तभी चलते हैं जब ब्राउजर चलता है, ओके. ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते हैं, दे रन अलॉन्ग विद द ब्राउजर, ओके. नाउ ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम द स्टूडेंट नीड टू कनेक्ट टू अ क्लासरूम इन रशिया यूजिंग स्काइप, ओके. यहाँ पे क्या है, एक क्लासरूम से कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, जो कहाँ पे है, रशिया में. और कौन से सॉफ्टवेयर का यूज, कौन सी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं हम, स्काइप का. समर्थ हेल्प द स्टूडेंट टू कनेक्ट, विच टाइप ऑफ नेटवर्क सर्विस इज बींग यूज, यहाँ पे कौन सी नेटवर्क सर्विस का यूज होगा. यहाँ पे जब आप स्काइप का यूज कर रहे हो तो स्काइप कौन सी सर्विस का यूज करता है, स्काइप करता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज, ओके, VOIP, राइट.
क्या है ये? VoIP is a technology that allows you to make voice calls using a broadband internet connection instead of a regular phone line. ये तो वो, ये वो सर्विस है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट की हेल्प से वॉइस कॉल कर सकते हो. फाइन, तो यहाँ पे जो स्काइप जो हमारी एप्लीकेशन है वो कौन सी सर्विस का यूज करती है? वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करती है. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस दैट कैन ऑपरेट इन प्लेस ऑफ अ हब इज अ, वो डिवाइस जो आप हब की प्लेस पे यूज कर सकते हो. ओके, हब क्या है? कनेक्टिंग डिवाइस है, नेटवर्क में यूज होता है. फाइन, तो आप हब के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हो? तो हम हब के प्लेस पे स्विच को यूज कर सकते हैं. फाइन, हब क्या है? एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है. ओके, विच ट्रांसमिट डेटा टू ऑल द नोड्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क. क्या करता है? जितने भी इसके जितने भी नोड्स हब से कनेक्ट होते हैं सबको डेटा ट्रांसफर करता है. फाइन, ओके, लेकिन स्विच क्या है? स्विच हब से इंटेलिजेंट होता है. वो सिर्फ जहां पे मैसेज जाना है सिर्फ उस पर्टिकुलर नोड को ही डेटा ट्रांसफर करता है. तो यहाँ पे हम हब के प्लेस पर स्विच को यूज कर सकते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड अ, बस और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बस और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से ट्री टोपोलॉजी क्रिएट होता है. जहां पे क्या होता है, आप कहेंगे इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ स्टार्स एंड बस टोपोलॉजी टू क्रिएट अ ट्री. जो ट्री बनता है वो किससे बनता है? बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है. ठीक है, तो जो इसका सेंट्रल नोड होता है ट्री का, जो सेंट्रल आप ब्रांच कह सकते हो, वो तो आपका बस टोपोलॉजी होता है. फाइन, और उसके बाद जो इसकी ब्रांचेस होती है वहां पे यूज होती है इसकी स्टार टोपोलॉजी. यहाँ पे स्विच हो गया, ये आपका स्विच हो गया, और इस स्विच से कनेक्ट हो गए डिफरेंट डिफरेंट नोड्स. फाइन, ये डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हो गए लाइक दिस. ओके, तो ये आपका स्विच है. राइट, तो देखो यहाँ पे जो सेंट्रल नोड, आप सेंट्रल ब्रांच कह लो या सेंट्रल नोड कह लो, सेंट्रल आप उसकी बैकबोन कह लो. ओके, वो किससे, वो किसकी हेल्प से बनती है? वो बस टोपोलॉजी की हेल्प से बनती है. जो ब्रांचेस बनती है वो स्टार टोपोलॉजी होती है. फाइन, तो ट्री टोपोलॉजी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी है. फाइन, ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम्स विल ऑफर द हाइएस्ट बैंडविड्थ. कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम क्या ऑफर करता है? हाईएस्ट बैंडविड्थ ऑफर करता है. तो बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. मींस कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन मीडियम से. ओके, इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम लिमिट में कितना ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ. तो हाईएस्ट बैंडविड्थ किसकी होती है? हाईएस्ट बैंडविड्थ होती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर की. ओके, तो जहां पे हाईएस्ट बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर क्या यूज किया जाता है? वहां पर ऑप्टिकल फाइबर को यूज किया जाता है. ओके ओके, फॉर एन डिवाइस devices in a network, what is the number of cable links required for a mesh topology? Mesh topology सबको पता है, जहाँ पे जो computers होते हैं, nodes होते हैं, वो जितने भी दूसरे computers होते हैं, devices होते हैं, उनसे link होते हैं. Okay, like this, आप ये structure बना देती हूँ मैं एक छोटा सा like this. तो यहाँ पे जो points है वो सारे computers हैं. ये वाला point computer है, ये वाला point computer है, ये मैं छोटी सी mesh topology I am trying to create. Fine. तो यहाँ पे देखो ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, और इससे भी कनेक्ट है. राइट, तो अगर क्या है, फोर एन डिवाइसेस इन द नेटवर्क. अगर एन डिवाइसेस मतलब आप फोर डिवाइसेस ले लो, फाइव डिवाइसेस ले लो नेटवर्क में, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ केबल लिंक्स रिक्वायर्ड इन अ रिक्वायर्ड फॉर अ मैश टोपोलॉजी. तो कितने केबल लिंक्स चाहिए? जो ये लिंक बन रहे हैं उनको केबल लिंक्स कहते हैं. कितने केबल लिंक्स चाहिए अगर कितने डिवाइसेस है, एन डिवाइसेस है? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू. फाइन, ओके, तो अगर यहाँ पे n क्या हो सकता है, फाइव कंप्यूटर्स हो सकते हैं, सिक्स कंप्यूटर्स हो सकते हैं, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लिंक्स निकल के आ जाएंगे. फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज इन रियल टाइम इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन. ओके, रियल टाइम मतलब एट द सेम टाइम ऑनलाइन
राइट अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, इसकी अभी हमने बात की थी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, स्काइप जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फाइन, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस इज आल्सो नोन एज इंटेलिजेंट हब, कौन से नेटवर्क डिवाइस को इंटेलिजेंट हब कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि स्विच को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट हब कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वर्किंग तो हब जैसी ही होती है, लेकिन एक चीज में ये डिफरेंट है हब से, क्या हब है, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, जितने भी नोड्स उससे कनेक्ट होते हैं वो सबको सेम मैसेज ट्रांसफर कर देता है। बट स्विच क्या है, यूनिकास्ट डिवाइस है जो सिर्फ उसी नोड को मैसेज ट्रांसफर करता है जो जिसके लिए मैसेज जाना होता है, बाकी जितने भी नोड्स होते हैं उनको वो मैसेज नहीं ट्रांसफर करता। तो हम हब के प्लेस पर स्विच को यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको इंटेलिजेंट हब भी कहा जाता है। ओके ओके, द प्रोटोकॉल्स यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स रिस्पेक्टिवली आर, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं ईमेल को सेंड करने में और रिसीव करने में। तो ईमेल को सेंड करने में आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, और आपकी मेल्स को ईमेल्स को रिसीव करने के लिए होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फाइन, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके ईमेल्स को सेंड करता है एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपके ईमेल को रिसीव करता है। ओके ओके, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू एंड और फ्रॉम द नेटवर्क अ सिस्टम नोन एज कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कौन सा सिस्टम होता है जो आपके नेटवर्क को, आपके कंप्लीट नेटवर्क को आउटसाइड अटैक से बचाता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है जो, और आप उसको किस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, हार्डवेयर फॉर्म में भी और सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है, ये फायरवॉल है जो क्या करता है, आपके इंटरनल नेटवर्क और आउटर नेटवर्क के बीच में एज अ बैरियर बैठा होता है। ओके, और क्या करता है, आउटर नेटवर्क को पूरा का पूरा छानने के बाद, ठीक है, पूरा उसको चेक करने के बाद आपके इंटरनल नेटवर्क में उसका डेटा ट्रांसफर होने देता है। तो फायरवॉल को आप हार्डवेयर फॉर्म में भी इंस्टॉल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी। ओके, नाउ कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी ऑफ डैश एंड डैश टाइप्स, कम्युनिकेशन मीडिया क्या आपका किस किस टाइप का हो सकता है। तो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया हो सकता है गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया क्या होता है, वायर्ड कम्युनिकेशन जिसके अंदर वायर्स यूज होते हैं। ओके, और अनगाइडेड क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, जहाँ पे आपकी रेडियो वेव्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वेव्स यूज होती हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ओके, तो हमारे दो टाइप्स के कम्युनिकेशन मीडिया हैं, गाइडेड मीन्स वायर्ड नेट मीडिया एंड अनगाइडेड मीन्स वायरलेस मीडिया। ओके, HTML language is used to create HTML language, hypertext markup language का use किया जाता है क्या create करने के लिए, इसका use किया जाता है आपके static websites को create करने के लिए। static websites कौन सी होती हैं, वो websites जिसके अंदर information आप क्या करते हो, आप स्टैटिक इंफॉर्मेशन देते हो। स्टैटिक इंफॉर्मेशन मींस आप उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो पर आप उस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, और वो इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं होती। यू ओनली कैन सी डेट इंफॉर्मेशन, आप सिर्फ देख सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको कॉपी कर सकते हो, बट आप उसको उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। फाइन, तो HTML लैंग्वेज की हेल्प से हम स्टैटिक वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। फाइन, नाउ URL stands for, URL क्या होता है, URL क्या होता है, ईच वेब पेज और वेब डॉक्यूमेंट हैज इट्स ओन एड्रेस ऑन द इंटरनेट कॉल्ड एज URL. URL क्या है, URL इज द एड्रेस ऑफ एनी वेब डॉक्यूमेंट, मतलब जितना भी वेब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम बोलते हैं URL, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फाइन, नाउ Which is the physical address to identify the machine uniquely in a network? अब जितने भी devices internet से connect होते हैं, network से connect होते हैं, okay, उनका एक machine address भी होता है। Fine, machine address होता है जिससे उनकी identification होती है, उस machine address को हम क्या बोलते हैं, MAC address, right? Media access control address, right? Media access control address, ये क्या है, hardware का address होता है, ये hardware को identify करता है। Okay?
ओके, सेंडिंग द ईमेल टू एनी सीसी मींस आप जब कोई भी मेल सीसी को सेंड करते हो, मतलब आप सीसी में भी कोई एड्रेस डालते हो, तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग है सेंडिंग द मेल विद अ कार्बन कॉपी, मतलब आप सीसी के अंदर जो भी एड्रेस यूज कर रहे हो, जो भी एड्रेस आप टाइप कर रहे हो, उसके पास उस पर्टिकुलर मैसेज की कॉपी जाएगी. फाइन, तो यहाँ पे इसका आंसर है सेंडिंग द मेल विद अ कार्बन कॉपी, उस पर्टिकुलर एड्रेस के पास आपकी क्या होगी, जो भी आप मेल टू के अंदर आपने ईमेल आईडीज दिए हैं उनके पास भी वो मैसेज जाएगा, और जो सीसी के अंदर आपने ईमेल आईडीज दिए हैं उनके पास भी वो मैसेज जाएगा. ओके, और इसका एक फीचर और क्या होता है, सीसी में जो आपने एड्रेसेस दिए हैं उनके पास वो लिस्ट भी जाती है कि कितने और अदर लोगों को आपने ये मैसेज सेंड किया है. फाइन, नाउ विच वन इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर. माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है, जब आप शॉर्ट ब्लॉग्स, शॉर्ट मैसेजेस देते हो, शॉर्ट पोस्ट क्रिएट करते हो, ओके, तो उसको बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग. तो यहाँ पे हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, ट्विटर, जहां पे हम छोटे छोटे ट्वीट्स करते हैं, छोटे छोटे पोस्ट डालते हैं. फाइन, ओके, विच टोपोलॉजी इन जर्नल यूज लेस वायर लेंथ कंपेयर टू अदर्स, कौन सी टोपोलॉजी सबसे कम वायर को यूज करती है. तो वी ऑल नो डेट बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक वायर होती है जिसके अंदर सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं. फाइन, तो जो सबसे कम वायर यूज करता है वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, वो बस टोपोलॉजी होती है. फाइन, ओके, विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर कम्युनिकेशन सिग्नल टू लॉन्ग डायरेक्शंस, कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है जब आपको सिग्नल्स को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर करना होता है. तो हम यूज करते हैं रिपीटर का. रिपीटर क्या करता है, जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको एम्पलीफाई करता है, मतलब उनको रीजनरेट करता है. फाइन, और उनको पहले जितना जो, अगर उनकी जो भी स्ट्रेंथ कम हो गई होती है, वो उसको क्या करता है, रीजनरेट करता है, उनकी स्ट्रेंथ को वापस सिग्नल्स के अंदर डालता है, उनको एम्पलीफाई करता. तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, इन बिटवीन, जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस में सिग्नल्स को ट्रांसफर करना होता है तो हम रिपीटर्स का यूज करते हैं. फाइन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ब्राउजर, इनमें से कौन सा ब्राउजर है. यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रोम, वो क्या है, ब्राउजर. बाकी व्हाट्सएप आपकी एप्लीकेशन है, ट्विटर आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन. फाइन, ओके, तो यहाँ पे क्रोम क्या है, आपका ब्राउजर. फाइन, नो, जनरली विच टोपोलॉजी इज यूज इन द बैकबोन ऑफ इंटरनेट, जब आप इंटरनेट का बैकबोन क्रिएट करते हो तो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं बस टोपोलॉजी. हमेशा ध्यान रखो, जब बैकबोन ऑफ इंटरनेट की बात होती है, ओके, बैकबोन ऑफ इंटरनेट मींस यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, वो किससे कनेक्ट होते हैं, एक वो पर्टिकुलर बिग नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं. फाइन, छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, ये जो मैंने लाइंस बनाई है वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए बना रही हूँ, ठीक है. तो क्या है वो, एक पर्टिकुलर, ये जो हमारा ये लॉन्ग नेटवर्क जा रहा है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लॉन्ग नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हमारा इंटरनेट बनता है. तो यहाँ पे हम कौन सी टोपोलॉजी को यूज करते हैं, जब हमें इंटरनेट की बैकबोन बनानी है, बस टोपोलॉजी को यूज करते हैं. ओके, ओके, अ नेटवर्क विद ऑल क्लाइंट कंप्यूटर एंड नो सर्वर इज कॉल्ड, वो नेटवर्क जिसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, उसमें सर्वर नहीं होता, तो वो कौन सा नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क होता है पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग. फाइन, जिसके अंदर क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो उनकी इक्वल कैपेबिलिटी होती है, राइट. कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होता जो ज्यादा, जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, सारे इक्वल होते हैं. और बेसिकली दे आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर, और यू कैन से एक्सचेंज डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर. फाइन, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो क्लाइंट को सारा डेटा प्रोवाइड करता है, लेकिन पीयर टू पीयर में क्या होता है, जितने कंप्यूटर्स होते हैं वो इक्वली पावरफुल होते हैं. फाइन, ओके, विच इज कॉल्ड अ स्मार्ट हब, ये अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, स्मार्ट हब क्या है, स्विच है, ये रिपीट हो गया. फाइन, तो स्मार्ट हब क्या है, स्विच है, हम स्विच को स्मार्ट हब भी बोलते हैं. ओके, वो क्वेश्चन था कि हम स्विच की जगह क्या यूज कर सकते, सॉरी, हब की जगह क्या यूज करते हैं, स्विच कर सकते हैं. ओके, और हम स्विच को स्मार्ट हब भी बोलते हैं क्योंकि दोनों की वर्किंग एक है, बट दोनों एक तरीके से यूज होते हैं, टू कनेक्ट द नोड्स, टू कनेक्ट द डिवाइसेस. बट क्या है, हब सब जितने भी नोड्स कनेक्टेड होते हैं सबको डेटा ट्रांसफर कर देता है, बट स्विच उस पर्टिकुलर नोड को ही डेटा ट्रांसफर करता है जिसको वो जाना चाहिए. फाइन, जिसके लिए वो मैसेज होता है. What is the full form of NIC? NIC की full form क्या है? Okay, NIC की full form क्या होती है? Network Interface Card.
फाइन. तो एनआईसी क्या होता है? एनआईसी इज अ एनआईसी प्रोवाइड्स अ कंप्यूटर विद अ डेडिकेटेड फुल टाइम कनेक्शन टू अ नेटवर्क. ये क्या एक छोटा सा डिवाइस है जो आपके सिस्टम को कनेक्ट करता है किससे? नेटवर्क से, राइट? ओके, क्या क्रिएट करता है? डेडिकेटेड फुल टाइम कनेक्शन टू द नेटवर्क. आपका कंप्यूटर हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ एनआईसी. ओके, द मेन कंप्यूटर इन एनी नेटवर्क इज कॉल्ड एज. अगर आप नेटवर्क क्रिएट करते हो तो उसमें जो मेन कंप्यूटर होता है उसे आप क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सर्वर. सर्वर कौन सा कंप्यूटर होता है? जो जितने भी और दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, उनको क्या प्रोवाइड करता है? उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है. फाइन, तो सर्वर क्या होता है? सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है किसी भी नेटवर्क का. ओके, नाउ वी हैव What is an stand-alone computer system? Stand-alone computer system क्या होता है? Fine, तो इसका क्या आंसर है? It is a computer without any networking. वो कंप्यूटर जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता उसे हम stand-alone computer कहते हैं. Fine, okay. If all devices are connected to a central hub, then topology is called. जब सारे के सारे devices क्या है? Central hub से connected हैं, ठीक है? Central, ये आपका central hub है और जितने भी devices हैं, sorry, like this, जितने भी devices हैं वो central hub से connected हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं star topology. ओके, उसको आप कहते हो स्टार टोपोलॉजी, जिसमें जितने भी devices होते हैं central switch या central hub से connected होते हैं. Now, what is the name of the network topology in which there is bi-directional links between each possible node? वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी नोड्स होते हैं उनके इन बिटवीन bi-directional लिंक होते हैं. bi-directional means लाइक दिस, मैं आपको क्रिएट करके छोटा सा दिखाती हूँ. ये आपका एक कंप्यूटर है, ओके, और ये आपका सेकेंड कंप्यूटर है. ओके, तो देखो ये फर्स्ट कंप्यूटर, ये मान लो हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है. तो ये फर्स्ट जो ये लिंक जा रहा है बाय डायरेक्शनल है, ये यहां से यहाँ पे भी डेटा ले जाएगा और यहां से यहाँ पे भी डेटा ले जाएगा, राइट? ऐसे. ओके, डेटा इस डायरेक्शन से इधर भी जा सकता है और यहां से यहाँ पे भी आ सकता है. तो ये कौन सा लिंक है? बाय डायरेक्शनल लिंक है. फाइन, ओके, क्या होता है? बाय डायरेक्शनल लिंक स्टेब्लिशेस अ बैक लिंक और यू कैन से रिटर्न लिंक टू गो बैक टू द इनिशियल प्लेस. फाइन, ओके, तो यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी में बाइडायरेक्शनल लिंक्स यूज होते हैं? वो हमारे यूज होते हैं मैश टोपोलॉजी में. फाइन, जिसमें जितने भी नोड्स होते हैं वो दूसरे जितने भी और नोड्स होते हैं उसे कनेक्टेड होते हैं. तो इसका आंसर है मैश टोपोलॉजी. फाइन, हब इज अ हब क्या होता है? हमारी ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है जो जितने भी कनेक्टेड नोड्स होते हैं उन सबको ब्रॉडकास्ट कर देती है, मतलब सबको मैसेज सेंड कर देती है. तो इसको ब्रॉडकास्ट डिवाइस आप बोलोगे. स्विच क्या है? आपका यूनिकास्ट डिवाइस है जो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कि किस नोड के पास डेटा जाना चाहिए और पर्टिकुलरली उसी नोड के पास वो डेटा को सेंड करता है. फाइन, इन कंप्यूटर कन्वर्टिंग अ डिजिटल सिग्नल इन टू एन एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड. जो मॉडर्न कंप्यूटर से कनेक्ट होता है वो क्या करता है? डिजिटल सिग्नल. कंप्यूटर क्या करता है? यूज डिजिटल सिग्नल्स को यूज करता है. तो उसको टेलीफोन लाइन्स पे ट्रांसफर करने से पहले वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन. क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन. ओके, और ये प्रोसेस कहाँ होता है? सेंडर कंप्यूटर पे होता है. रिसीवर कंप्यूटर क्या करता है? एनालॉग सिग्नल रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में. ओके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन, राइट? तो कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. इसलिए मॉडम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, मॉडम को मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है. ओके, नाउ द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स. जितने भी रिसोर्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनकी लोकेशन, मतलब उनका एड्रेस किसकी हेल्प से दिया जाता है? वो दिया जाता है यूआरएल की हेल्प से. मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? जो जितने भी रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वेबसाइट, वेब डॉक्यूमेंट्स, उन सबका क्या है? लोकेशन बताता है, उन सबका एड्रेस बताता है. फाइन, ओके, नाउ अ डैश इज अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग, प्लांट और कैंपस और बिटवीन नियर बाय बिल्डिंग्स. ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आप बिल्डिंग के अंदर क्रिएट करते हो या कैंपस के अंदर क्रिएट करते हो?
ओके तो यहाँ पे जो हम छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं, वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटे छोटे प्लेसेस पे आप क्रिएट करते हो नेटवर्क, उनको हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क. अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, ओके वो क्या होते हैं हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स. क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पे एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से हाइपरलिंक की हेल्प से कनेक्टेड होता है. फाइन, जैसे वेबसाइट है उसके अंदर जितने भी पेजेस होते हैं वो हाइपरलिंक की हेल्प से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से. ओके तो इसको क्या बोला जाता है, इस कलेक्शन को क्या बोला जाता है, जो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब इज द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. फाइन, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर टू व्यू अ वेब पेज. अगर आपको वेब पेज देखना है तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करोगे, वेबसाइट का यूज करोगे, इंटरप्रेटर का. तो आपको वेब पेजेस को अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे देखने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर. ओके वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, वेब ब्राउजर, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, वेब पेजेस को एक्सेस करते हो. फाइन, ओके. अ नेटवर्क राउटर ज्वाइंस टू डैश टुगेदर. जो नेटवर्क राउटर होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है दो नेटवर्क्स को ज्वाइन करना. वो एक नेटवर्क का डेटा सेंड करता है दूसरे नेटवर्क को. राइट, तो यहाँ पे नेटवर्क राउटर क्या करता है, टू नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है आपस में. फाइन, अ नेटवर्क पॉइंट दैट प्रोवाइड्स एंट्रेंस इनटू अनदर नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क पॉइंट, और आप कह सकते हो नेटवर्क डिवाइस, जो दूसरे नेटवर्क के अंदर आपको एंट्रेंस प्रोवाइड करता है, आपको कनेक्ट करता है, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा गेटवे. गेटवे क्या करता है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स. ये डिसिमिलर नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है, लाइक ये क्या करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर देगा आपके वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क के साथ, ओके या एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ. राइट, तो एक दूसरे, एक डिफरेंट नेटवर्क में आपको ज्वाइन करता है गेटवे. नाउ ARPANET स्टैंड फॉर, ARPANET क्या है, जो आपका फर्स्ट नेटवर्क क्रिएट हुआ था. फाइन, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. राइट, ARPANET स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. नाउ इन स्पेसिफिक, इफ द सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू लिंक टू सिस्टम्स. अगर क्या है, डिफरेंट नेटवर्क्स या डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप कौन से डिवाइस का यूज करोगे उनको कनेक्ट करने के लिए. यहाँ पे हम गेटवे का यूज करेंगे, बिकॉज ये क्या करता है, डिफरेंट सिस्टम्स को ज्वाइन करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं उन सिस्टम्स को ज्वाइन करता है. ये लोकल एरिया नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड एरिया के साथ कनेक्ट करता है. फाइन, तो यहाँ पे गेटवे का यूज होगा. नाउ मैन स्टैंड्स फॉर, मैन क्या है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, जो क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर नेटवर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. फाइन, ओके. नाउ वी हैव एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस हियर. एसेशन क्या, आपका स्टेटमेंट है, और रीजन क्या है, ये इसको जस्टिफाई करता है या नहीं ये हमें बताना है. फाइन, अब एसेशन क्या है, अ राउटर इज मोर पावरफुल एंड इंटेलिजेंट देन हब और स्विच. राउटर क्या है, वो डिवाइस है जो हब और स्विच से क्या है, इंटेलिजेंट है. अब हब और स्विच क्या करते हैं, एक आप पर्टिकुलर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज करते हो. ओके, लेकिन राउटर क्या है, राउटर एक से ज्यादा नेटवर्क्स को एक दूसरे से ज्वाइन करता है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे से ज्वाइन करता है. और ये क्या करता है, राउटर चूजेस द बेस्ट रूट टू सेंड द डेटा पैकेट्स आउट ऑफ सेवरल रूट्स एग्जिस्टिंग इन अ नेटवर्क. इसका क्या मीनिंग है, ये क्या करता है, बहुत सारे रूट्स होते हैं डेटा को सेंड करने के लिए, मतलब रास्ते होते हैं, लेकिन ये क्या चूज करता है, बेस्ट रूट को चेंज करता है, सॉरी सिलेक्ट करता है डेटा को सेंड करने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में. ओके, तो आपका क्या है, एसर्शन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे राउटर क्या है, हब और स्विच से ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट होता है. फाइन, नाउ रीजन, इट हैज एडवांस कैपेबिलिटीज एज इट कैन एनालाइज द डेटा एंड डिसाइड द डेटा इज पैक्ड एंड सेंड इट टू द अदर नेटवर्क. ओके, इसके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटीज होती हैं, ये डेटा को एनालाइज करता है और देखता है कि डेटा अच्छे से, मतलब उसकी डेटा पैक की पैकिंग को वो चेक करता है. ओके, और उसको क्या करता है, एक बेस्ट रूट डिसाइड करके डिफरेंट नेटवर्क्स पे सेंड करता है. फाइन, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ए. बोथ
assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Fine. Okay, assertion. The repeater is a device that amplifies the network over geographical distance. Repeater कौन सा device होता है जो जितने भी big network में long networks में use किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये signals को amplify करता है, उनको regenerate करता है. Fine. तो ये हमारा assertion क्या है? True है, क्योंकि हम repeater का use करते हैं signals को regenerate करने के लिए, उनको strength provide करने के लिए, और इसका use किया जाता है large networks के लिए. Okay. जो कहाँ पे spread होते हैं, large geographical distance में spread होते हैं. Fine. ओके अब रीजन देखते हैं. अ हब इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट मोर देन वन डिवाइस इन द नेटवर्क. हब का यूज किया जाता है एक से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क में. एसेशन भी ट्रू है और हब भी ट्रू है, लेकिन हब क्या ये जो रीजन है, सॉरी एसेशन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है? ओके दोनों ट्रू है, बट जो रीजन है वो एसेशन को जस्टिफाई नहीं करता है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? बी. Both assertion and reason are true, but R means reason is not the correct explanation of A. Reason आपका assertion का correct explanation नहीं है. Okay, assertion. VOIP, Voice over Internet Protocol stands for Voice over Internet Protocol, right? ये इसकी full form है. Assertion आपका true है. It is a technology that allows you to make voice call using a broadband internet connection instead of a regular phone line. ये क्या technology है? इसकी help से आप internet पर voice call कर सकते हो. Okay? इसके लिए आप regular phone lines की आपको जरूरत नहीं है, आप internet की help से voice call कर सकते हो. Fine? तो यहाँ पे हमारा assertion भी true है और reason भी true है. Okay? और reason क्या है? Assertion को justify भी कर रहा है. तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप चूज करोगे? ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन. ओके नाउ द assertion इज बस टोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ सेंट्रल नोड विच एक्ट्स एज अ हब. यहाँ पे क्या कह रहा है? जो बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है, वो सेंट्रल नोड पे डिपेंड करती है, जो किसकी तरह काम करता है? हब की तरह काम करता है. नहीं, हब कहाँ पे यूज करते हैं? हम बेसिकली इसको यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी में. ओके तो ये जो हमारा assertion है वो करेक्ट नहीं है. ओके ये रॉन्ग है. अब रीजन देखते हैं. बस टोपोलॉजी इन्वॉल्व्स अ लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन टाइम. ठीक है, बस टोपोलॉजी में वेरी लो कॉस्ट होती है इंस्टॉलेशन की, क्योंकि हम एक सिंगल कनेक्शन केबल को यूज करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे डिवाइसेस, सारे के सारे नोड्स कनेक्ट होते हैं. फाइन. तो यहाँ पे जो हमारा assertion है वो तो क्या है? फॉल्स है, राइट, बट रीजन ट्रू है. तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? आप चूज करोगे ऑप्शन डी, मीन्स assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. फाइन. ओके assertion. अ प्रोटोकॉल मीन्स द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क. प्रोटोकॉल क्या होता है? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उसको फॉलो करते हैं. अगर वो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे तो इंटरनेट का और या फिर नेटवर्क का पार्ट नहीं माने जाएंगे. फाइन. ओके तो आपका क्या है? assertion आपका ट्रू है यहाँ पर. अब हम रीजन देखते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल. लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है? नहीं, प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल नहीं है. प्रोटोकॉल के आपके एग्जाम्पल हो गया आपका TCP/IP, ओके, और आपका FTP. ये क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं जो डेटा ट्रांसफर के टाइम रूल्स फॉलो किए जाते हैं. फाइन. तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, प्रोटोकॉल नहीं है. तो हमारा assertion तो ट्रू है बट रीजन आपका फॉल्स है. तो आप कौन सा चूज करोगे ऑप्शन? यहाँ पे हम ऑप्शन सी चूज करेंगे कि assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ओके. ओके assertion क्या है हमारा? अ हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू क्रिएट लेंस. हब क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है. ओके जिसका यूज किया जाता है लैन को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, ये हमारा करेक्ट है. यस, हब के हेल्प से हम क्या करते हैं? लेंस क्रिएट करते हैं. ओके आपको एज अ मिडल डिवाइस यूज करते हो और डिफरेंट डिफरेंट आप डिवाइसेस से कनेक्ट करते हो, राइट. तो हमारा assertion यहाँ पे क्या है? ट्रू है. अब क्या है आपका रीजन? हब इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू सेगमेंट नेटवर्क्स इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स. हब वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हो. तो रीजन हमारा यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि कौन से डिवाइस का यूज होता है सब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए? स्विच का यूज किया जाता है. ठीक है, स्विच क्या करता है? सेगमेंट करता है नेटवर्क की इनटू डिफरेंट डिफरेंट सब नेटवर्क, जिनको सब नेट्स या लैन सेगमेंट्स भी कहा जाता है. ओके
ओके तो क्या करता है स्विच, एक बिगर नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क्स में, छोटे छोटे स्मॉल सबनेट्स में डिवाइड कर देता है टू प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क. तो हब नहीं करता है, स्विच करता है. तो आपका assertion तो यहाँ पर ट्रू है, राइट, बट रीजन आपका क्या है, फॉल्स. तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ऑप्शन सी, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ओके ओके assertion इज राउटर ट्रांसमिट डेटा इन मोर एफिशिएंट वे. राउटर क्या होता है, पूरा का पूरा, बहुत सारे रूट्स होते हैं, उनमें से कोई एक बेस्ट रूट डिसाइड करता है डेटा ट्रांसफर के लिए. तो ये क्या होता है, ये जो डेटा को ट्रांसमिट करता है वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ट्रांसमिट करता है. तो आपका assertion ट्रू है. अब रीजन क्या है, राउटर मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल, एक पूरी पर्टिकुलर राउटिंग टेबल बनाता है रूट्स की. ओके एंड ओके तो यहाँ पे क्या है, ये आपका रीजन भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक राउटर मेंटेन करता है राउटिंग टेबल को. ओके एंड डिफरेंट रूट्स को डिसाइड करता है, उनमें से बेस्ट रूट को चूज करता है. तो यहाँ पे आपका assertion और रीजन दोनों ही ट्रू है. तो आप ऑप्शन ए को चूज करोगे, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट. Now assertion is a gateway connects dissimilar network. Gateway क्या है, वो डिवाइस है जो different dissimilar networks को कनेक्ट करता है, like local area network को वो worldwide area network से कनेक्ट कर सकता है. उन networks, उन different networks को आपस में ज्वाइन करता है जो different architecture के होते हैं, जिनका architecture different होता है, जो different protocols use करते हैं. Fine, तो आपका assertion true है. Now gateway establishes a connection between local network and external network. ये मैंने अभी आपको बताया कि gateway क्या करता है, connection establish करता है लोकल नेटवर्क में एंड एक्सटर्नल नेटवर्क में. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए.